टीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स को क्लियर कर लिया है कि जो जो हमें इस बुक में कवर करने हैं। फर्स्ट है फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलैनी, जो एज को कवर करता है 1400 से 1557 तक। सेकंड चैप्टर है द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा 1561 तक। फिर एज ऑफ शेक्सपियर जो 1558 से 1625 तक मानी जाती है एज ऑफ शेक्सपियर। फिर सेकंड है एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा की एज है, और फिर एज ऑफ शेक्सपियर प्रोज की एज है, और लास्ट चैप्टर जो टीजीटी सिलेबस को इस बुक से कवर करता है एज ऑफ मिल्टन जो 1625 से 1660 तक रेस्टोरेशन तक माना जाता है। इन सभी टॉपिक्स को हम चैप्टर वाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलेनी। जी, मेरा मेथड क्या होगा, मैं बुक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन को यहाँ पर रीड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें से कुछ जो फैक्ट निकलते हैं जो जनरली आप बुक में पढ़ते हैं और उनको भूल जाते हैं उनकी बैकग्राउंड को रिलेट करते हुए आपको बताऊँगा। आपको वो फैक्ट आप पेन डाउन कर लेने हैं अपने नोट्स जो भी डायरी में आप प्रिपेयर करते हैं उसमें लाइन टू लाइन वन लाइनर वे में आप उनको नोट कर लीजिए। जी, पेज नंबर 34 पर है द किंग स्क्वायर, एक वर्क का नाम है क्वायर, दैट इज अ बुक, बुक का नाम है जो राजा ने लिखी थी। कौन से राजा थे, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने ये बुक लिखी थी किंग्स स्क्वायर। और इसमें जो कहानी थी वो उनके प्रेम की कहानी थी फॉर लेडी जेन बेफोर्ट, जो ड्यूक समरसेट की बेटी थी जो बाद में उनकी वाइफ बन गई। उसके साथ उनके लव अफेयर की पूरी जो पोएम है वो इस वर्क के अंदर लिखी गई थी। वर्क का क्या नाम है, द किंग स्क्वायर, ऑथर कौन है, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ये दो फैक्ट अभी तक हुए। और इस बुक को उन्होंने जब लिखा तो इसमें किस स्टेंजा का यूज किया, क्योंकि पोएट्री थी, इसमें उन्होंने चौसेरियन स्टेंजा जो सेवन लाइन स्टेंजा होता है इसको यूज किया। चौसर ने एक स्टेंजा इन्वेंट किया था, स्टेंजा फॉर्म इन्वेंट की थी जो सेवन लाइन स्टेंजा थी, और इस स्टेंजा की राइम स्कीम टीजीटी 2021 में पूछी जा चुकी है चौसेरियन स्टेंजा की। ये सेवन लाइन स्टेंजा है और इसी स्टेंजा का यूज जेम्स फर्स्ट ने अपने इस वर्क लव पोयम किंग स्क्वायर में यूज किया, और उन्हीं के नाम पर इसका दूसरा नाम यूज किया जाने लगा, राइम रॉयल। जी, चौसेरियन स्टेंजा को ही राइम रॉयल बोला जाता है जो सेवन लाइन स्टेंजा है, और इसको ये राइम रॉयल नाम क्यों दिया गया, जेम्स फर्स्ट के कारण इसको ये नाम दिया गया, वो किंग ने अपना वर्क लिखा था किंग स्क्वायर। तो किस वर्क के बाद चौसेरियन स्टेंजा को राइम रॉयल बोला जाने लगा, किंग स्क्वायर वर्क के बाद जिसको लिखा था जेम्स फर्स्ट ने चौसेरियन स्टेंजा को राइम रॉयल बोला जाने लगा। यहाँ पर तीन फैक्ट आ जाते हैं, चौसेरियन स्टेंजा का दूसरा नाम क्या है, राइम रॉयल, चौसेरियन स्टेंजा जिसमें सेवन लाइन होती है जिसको राइम रॉयल के नाम से भी जाना जाता है, और राइम रॉयल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जेम्स फर्स्ट के जो वर्क था किंग स्क्वायर उसमें उन्होंने इसको यूज किया, और इसीलिए इस स्टेंजा को राइम रॉयल बोला जाने लगा। ये तीन फैक्ट आप नोट कर लीजिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, विलियम कैक्सटन जो 15 सेंचुरी का एक पॉपुलर नाम है, विलियम कैक्सटन क्यों पॉपुलर है, क्योंकि 1476 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटेन में इन्वेंट की थी, इंट्रोड्यूस की थी। फ्रांस में प्रिंटिंग होती थी, जर्मनी में प्रिंटिंग होती थी, लेकिन ब्रिटेन में प्रिंटिंग नहीं होती थी, और प्रिंटिंग के कारण ही वहाँ पर लिटरेचर डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो विलियम कैक्सटन वो नाम है जिन्होंने प्रिंटिंग को ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया, और वो ईयर है 1476। ये ईयर नोट कर लीजिए और ये नाम नोट कर लीजिए। और इन दोनों पॉइंट से भी सबसे बड़ा पॉइंट है, जब उन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की तो उन्होंने सबसे पहले किस वर्क को प्रिंट किया, उन्हें बहुत कंफ्यूजन था किसको चौसर के वर्क को प्रिंट करें या किसको करें, और उन्होंने एक वर्क प्रिंट किया मोर्टे डी ऑर्थर। टीजीटी और नेट में कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट प्रोज वर्क पब्लिश हुआ प्रिंटिंग प्रेस के बाद विलियम कैक्सटन ने प्रिंट किया वो था मोर्टे डी ऑर्थर। किसका वर्क था, सर थॉमस मेलोरी का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर्टे डी ऑर्थर पूछा जा चुका है, फर्स्ट प्रिंटिंग वर्क जो विलियम कैक्सटन ने किया। तो तीन फैक्ट इस पैराग्राफ से मिल जाते हैं, विलियम कैक्सटन वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रेस को ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया, कब, 1476 में, और उन्होंने सबसे पहले प्रिंट किस वर्क को किया, मोर्टे डी ऑर्थर को। ये तीन फैक्ट आप अभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है। इसके बाद 16 सेंचुरी में जो पॉपुलर प्रोज वर्क आए उसमें से कुछ को जान लेते हैं, टीजीटी में अक्सर नहीं पूछे गए हैं लेकिन हमें जान लेते हैं। विलियम टेंडेल का वर्क है न्यू टेस्टामेंट जो 1525 में पब्लिश हुआ। न्यू टेस्टामेंट बिगिनिंग हुई यहाँ पर प्रोज वर्क की,
और उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो न्यू टेस्टामेंट है, बिगिनिंग है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ काफ़ी वर्क आए जिसमें क्रोमवेल का ग्रेट बाइबल भी है, बाइबल की ट्रांसलेशन की गई थी, पर यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। एक दूसरा नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो लिखना होगा यूथोपिया। वर्क का नाम है यूथोपिया, जिसको लिखा था थॉमस मोर ने। वर्क का नाम है यूथोपिया, द यूथोपिया। किसने लिखा? थॉमस मोर ने। थॉमस मोर ने, MORE जी। थॉमस मोर का वर्क है यूथोपिया। यूथोपिया क्यों इंपॉर्टेंट है? उस एज का 16th century में जब प्रोज डेवलप हो रही थी तो उस समय ये वर्क लिखा गया। और यूथोपिया का मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जो कहीं पर भी नहीं है। क्यों? दैट मीन्स अ परफेक्ट प्लेस। एक राम राज की बात करते हैं जहाँ पर सब खुश है, कोई भी दुखी नहीं है, ऐसी जगह को यूथोपिया बोला जाता है। और ये ऐसी जगह बन जाती है जो कहीं पर भी नहीं है। तो यूथोपिया इज ए पॉपुलर वर्क ऑफ अर्ली 16th century। तो न्यू टेस्टामेंट और यूथोपिया दो इंपॉर्टेंट वर्क हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। किसने लिखा था? थॉमस मोर का वर्क यूथोपिया। यूथोपिया के बारे में कुछ और फैक्ट जानेंगे। यूथोपिया को थॉमस मोर ने सबसे पहले लेटिन में लिखा था 1516 में। ये एज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ईयर, लेकिन सबसे पहले इसको लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया था और इनकी डेथ के बाद इसको इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लाया गया। कब? 1551 में। और ये ईयर कई बार पूछा जा चुका है और एक बड़ी घटना के रूप में इसको मार्क किया गया है हिस्ट्री में, ठीक है। यूथोपिया कब पब्लिश हुआ इंग्लैंड में? 1551 में। ये आपको याद रखना होगा। एक साइड फैक्ट बस यही है कि इसको लेटिन में सबसे पहले उन्होंने 1516 में लिखा था। यूथोपिया का मतलब होता है अ प्लेस दैट इज नोवेयर, ऐसी जगह जहाँ कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रामराज है, सब खुश है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इस पैराग्राफ से इतना था। न्यू टेस्टामेंट एंड यूथोपिया जो थॉमस मोर ने लिखा और इंग्लैंड में वो 1551 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है 16th century में न्यू टेस्टामेंट और यूथोपिया के बाद। जो बात आती है हेनरी 8 के रेन में दो ऐसे नाम थे, दो टू नेम स्टैंड आउट कंस्पिशियसली, दो आर थॉमस वर्ट एंड हेनरी होवर्ड। हेनरी होवर्ड का दूसरा नाम जो है वो उनकी एक उपाधि है अर्ल ऑफ सर्रे। ये दो नाम इंग्लिश TGT के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डेवलपमेंट किया इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कुछ। क्या किया जानते हैं? थॉमस वर्ट एंड हेनरी होवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सर्रे के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। बोथ मैन वर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द न्यू कल्चर, क्योंकि रेनेसा स्टार्ट हो चुका था। ड्रंक डीप ऑफ इटालियन पोएट्री, इटालियन पोएट्री को पूरी तरह ये पी गए। एंड इट वॉज अंडर दीज इन्फ्लुएंस, इन्हीं के प्रभाव से क्या हुआ, दे अर्ली क्रिटिक पेंथन प्रेज, उन्होंने उसके बारे में क्या कमेंट किया, दे ग्रेटली पोलिश्ड आवर रूड एंड होमली मैनर ऑफ वल्गर। उनके जो होमली वल्गर मैनर थे उनको पूरी तरह से पोलिश्ड कर दिया गया। उनकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज थी, उसमें कुछ भी नहीं था, उनको इम्प्रूव कर दिया। पोएसिस फ्रॉम दैट इट हैड बिफोर, टुगेदर दे ब्रॉट फ्रॉम इटली द लव पोएट्री। और वो दोनों मिलकर इटली से जितनी भी लव पोएट्री थी, जिसको एमोरिस्ट पोएट्री बोला जाता है इटालियन में, उसको वो इंग्लैंड ले आए। इटली की जितनी भी लव पोएट्री थी उनको सबको वो इंग्लैंड ले आए। कौन? थॉमस वर्ट एंड अर्ल ऑफ सर्रे। उनके लाने से क्या हुआ, कौन सी पोएट्री है जान लेते हैं, विच पेट्रार्च और उसके फॉलोअर्स ने जो लिखे थे अपनी प्रेमिका लोरा के लिए, और जिसको बाद में क्या नाम दिया गया इंग्लिश में आके, सोनेट। इस तरह से हम जानेंगे कि इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया, थॉमस वर्ट एंड हेनरी होवर्ड ने। इटालियन सोनेट्स को, लव सोनेट्स को उन्होंने कॉपी किया जो पेट्रार्च ने लिखे थे अपनी बिलव्ड लोरा के लिए, ठीक है। तो दो नाम जो सोनेट को इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में करने के लिए जाने गए, थॉमस वर्ट एंड हेनरी होवर्ड, जिसको अर्ल ऑफ सर्रे भी बोला जाता है, ठीक है। फर्दर जानेंगे, इन द इमिटेशन वाइल सर्रे ने क्या किया, अर्ल ऑफ सर्रे हेनरी होवर्ड इमिटेशन कर रहे थे, इटालियन मॉडल एपिक था इंग्लिश में जिसका नाम था एनीड। एनीड जो एपिक था उसकी वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, और ट्रांसलेशन करते करते उन्होंने क्या इन्वेंट कर दिया, अनराइम्ड 10 सेलेबल वर्स।
उन्होंने उसमें अनराइम्ड 10 सिलेबल्स वर्ड को वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। 10 सिलेबल मतलब एक एक फुट में दो सिलेबल होते हैं, 1 foot इज इक्वल टू 2 syllable और 5 feet इक्वल टू 10 syllable, और ये जो 10 syllable है इन्हीं को नाम दिया गया पेंटामीटर। पेंटामीटर तो ये पेंटामीटर बन गया, और क्योंकि ये अनराइम्ड थे तो अनराइम्ड पेंटामीटर जो पोयम होती है उसी को बोला जाता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स तो यहाँ पे जो 10 syllabic वर्स को इन्होंने इन्वेंट किया, जैसे चौसेरियन ने 7 line स्टेंजो को इन्वेंट किया था, इन्होंने भी 10 syllable वाले एक वर्स एक पोयम को इन्वेंट किया जो अनराइम्ड होती थी, और यही क्या बन गया ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, अर्ल ऑफ सर्वे या हेनरी होवर्ड, यही नाम हम पढ़ते हैं कि हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स। ठीक है, इसमें 10 syllable होते थे और ये अनराइम्ड होता था। अगर अनराइम्ड नहीं होगा तो ये इसको आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं, और जब ये अनराइम्ड होता है तब इसको ब्लैंक वर्स बोला जाता था। तो ब्लैंक वर्स के ओरिजिनेटर कौन है, अर्ल ऑफ सर्रे। इस फैक्ट को नोट कर लीजिए। सोनेट को इन्वेंट किया, सर थॉमस वर्ट का नाम आता है और साथ में नाम जुड़ जाता है हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सर्रे। लेकिन अगर ब्लैंक वर्स की बात करेंगे तो इसमें एक ही नाम आता है हेनरी होवर्ड या अर्ल ऑफ सर्रे, और वो किस चीज़ का ट्रांसलेशन कर रहे थे, एनीड का ट्रांसलेशन कर रहे थे। एनीड जो एक एपिक है, रोमन एपिक है, उसकी वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, और उसमें ट्रांसलेशन करते हुए उन्होंने अनराइम्ड 10 syllable वर्ड्स का यूज किया, और क्या बन गया वो, दैट बिकम नेम ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जिसको हम आज ब्लैंक वर्स के नाम से जानते थे, तो इसका इन्वेंशन हेनरी होवर्ड ने किया। ये 4 फैक्ट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसी पेज पर है, पेज नंबर 39 पर ही, थॉमस वर्ट एंड सर्रे, थॉमस वर्ट एंड सर्रे आर चीफ पोएट प्रेजेंटेड इन कलेक्शन। उन्होंने एक कलेक्शन तैयार किया किस चीज़ का, सॉन्ग्स एंड सोनेट का। सॉन्ग्स एंड सोनेट का उन्होंने एक कलेक्शन तैयार किया जो अलग अलग ऑथर्स ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया था कि नेम यूथोफिया इज फॉर्म ऑफ 2 Greek word विच मीन्स नोवेयर, एक ऐसी जगह जो कहीं पर भी नहीं है, एडजेक्टिव यूथोफियन बोला जाता है इसके लिए, और इसका अपोजिट होता है डिस्टोपिया। एग्जाम में TGT 2016 के एग्जाम में यूथोपिया का अपोजिट पूछा गया है, दैट मीन्स डिस्टोपिया, जहाँ पर कोई भी खुश ना हो। तो अभी यहाँ पर वर्ट और सर्रे ने एक कलेक्शन यूज किया, कलेक्ट किया, जिसमें सॉन्ग्स एंड सोनेट्स थे अलग अलग ऑथर्स के। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगले पेज पर कवर करते हैं। इसमें क्या था, इस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जिसको नाम दिया गया पब्लिशर के नाम पर, और उस पब्लिशर का नाम था टोटल्स मिसलैनी, और इसका नाम रख दिया गया टोटल्स मिसलैनी, क्योंकि उसने सर थॉमस टोटल थे या रिचर्ड टोटल थे, कुछ ऐसा नाम था, इन्होंने इसको पब्लिश किया, और उन्हीं के नाम पर इस कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट, जिसको इकट्ठा किसने किया था, थॉमस वर्ट और हेनरी होवर्ड ने, और जिसको पब्लिशर थे टोटल, और टोटल के नाम पर इसको रख दिया इसका नाम टोटल्स मिसलैनी, जो 1557 में पब्लिश हुआ। एक एज इंग्लिश हिस्ट्री का यहाँ पर पूरा हो जाता है, इसके बाद नया एज चलेगी 1558 से, क्वीन एलिजाबेथ रानी बनी 1558 में। ठीक है, तो उससे ठीक एक साल पहले टोटल्स मिसलैनी पब्लिश हुई थी। न्यूमरस टाइम, कितनी बार ये पूछा जा चुका है, टोटल्स मिसलैनी कब पब्लिश हुई, 1557, टोटल्स मिसलैनी कब पब्लिश हुई, 1557, और उसके ठीक एक साल बाद क्वीन एलिजाबेथ क्राउन बनी, महारानी बनी इंग्लैंड की, जो हेनरी एट की बेटी थी। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्ट हैं, यहाँ पर बात की गई है, समरी की गई है, सर थॉमस वर्ट उनकी एज ये है, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सर्रे, और टोटल्स मिसलैनी 1557 में पब्लिश हुआ, उस समय जो क्राउन थे वो मैरी थी वहाँ की, और उससे पहले जो थे एडवर्ड सिक्स थे। सो आई होप दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू। थॉमस मोरे का जो लैटिन वर्क 1516 में पब्लिश हुआ, और जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था 1551 में। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और पेन डाउन दीज फैक्ट्स। मैं इस बुक से ऐसे ही चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एंड चैप्टर नेम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा।
इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रामा का इंग्लैंड में डेवलपमेंट कैसे हुआ, बिगिनिंग कैसे हुई और कैसे कैसे धीरे धीरे कॉमेडीज और ट्रेजडीज इंग्लैंड में लिखी गई। इससे पहले केवल ग्रीक और रोमन ट्रेजडीज, रोमन प्ले ही लिखे गए थे, जिसमें ग्रीक ट्रेजडीज और साथ साथ लैटिन में लिखी गई रोमन प्लेज थे। तो इंग्लैंड में धीरे धीरे चर्च में ड्रामा की स्टार्टिंग हुई और चर्च में जो एक्लेसियास्टिकल पीपल थे, जो अथॉरिटी थी, उन्होंने सबसे पहले लैटिन ड्रामास को इमिटेशन करते हुए चर्च में यूज़ करना स्टार्ट किया। आइए स्टार्ट करते हैं द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुई मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस। देखिए बुक में साफ साफ क्लियर किया गया है कि इंग्लैंड से बाहर, ब्रिटेन से बाहर ही ये दो टर्म यूज़ किए जाते थे। जो सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड ड्रामास थे उनको मिरेकल प्लेस बोला गया, और जो बाइबल या जीसस की लाइफ पर बेस्ड थे उनको मिस्ट्री प्लेस बोला गया। लेकिन ब्रिटेन के अंदर इन दोनों को एक ही नाम दिया गया है, मिरेकल प्लेस। तो स्टार्टिंग होती है मिरेकल प्लेस से। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा टेक्स इट्स बैक टू द सेंचुरी सक्सीडिंग द कमिंग टू द नॉर्मन्स। जब नॉर्मन्स 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कंक्वर कर लिया और वहाँ के जो राजा थे विलियम द कंक्वरर, उनका रूल स्टार्ट हो गया और ये पीरियड कहलाता है मिडिल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और सबसे पहले इसमें लैटिन प्लेज को इमिटेट करके परफॉर्म किया गया, और ऐसी पहली घटना थी जो सेंट कैथरीन थी डनस्टेबल की, वो 1110 में ऐसी परफॉर्मेंस सबसे पहले आई। जी इस एज को आप मार्क कर सकते हैं कि ऐसी सबसे पहली घटना जिसमें लैटिन प्लेज को इंग्लैंड में परफॉर्म किया गया चर्च के अंदर, किस रूप में, एक लिटर्जी ऑफ चर्च के रूप में परफॉर्म किया गया। लिटर्जी क्या होती है, चर्च में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ सेरेमनीज होती है, उन सेरेमनीज के तहत इन ड्रामाज को परफॉर्म किया गया। कब, 1110 में। डब्ल्यू जे लॉन्ग में भी यही ईयर मेंशन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हालांकि कभी टीजीटी और पीजीटी में नहीं पूछा गया क्योंकि ये प्योर प्लेस नहीं थे, केवल इमिटेशन था लैटिन वर्क्स की। तो यहाँ पर जो ड्रामा का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है उसने सबसे पहले जो शेप ली है वो एक रिलीजियस ड्रामा के रूप में इसने वर्क किया है। क्या, इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस ड्रामा। तो रिलीजियस ड्रामा के तहत चर्च के अंदर कुछ सेरेमनीज को परफॉर्म करने के लिए, लिटर्जी ऑफ चर्च सेरेमनीज को परफॉर्म करने के लिए लैटिन प्लेज को इमिटेट करके परफॉर्म किया गया जो पहले से ही फ्रांस में थी। कंक्लूड करता हूँ कि 1110 में ऐसी पहली परफॉर्मेंस इंग्लैंड में हुई, लैटिन प्लेज को परफॉर्म किया गया और वो एक रिलीजियस ड्रामा की फॉर्म में था क्योंकि वहाँ पर कुछ सेरेमनीज को, चर्च में सेरेमनीज को परफॉर्म करते हुए इनको यूज़ किया गया। फर्दर इसमें बात करेंगे, इसका जो पर्पज था, द पर्पज वाज डायरेक्टली डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक का मतलब होता है कि एजुकेट करना, लोगों को अच्छाइयों से इंट्रोड्यूस कराना, अच्छाइयों को बताना। एजुकेशन के रूप में किसी चीज़ को जब बताया जाता है उसी को डाइडेक्टिक बोला जाता है। तो इन प्लेज का, इन ड्रामास का जो पर्पज़ था वो डाइडेक्टिक था, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज का। और जो चर्च की अथॉरिटीज़ थी, जो चर्च की अथॉरिटी थी जिनको एक्लेसियास्टिकल अथॉरिटी बोला जाता है, जिनके कंट्रोल में चर्च रहता है, उन्होंने ही इसका पूरा कंट्रोल लिया और चर्च हैड दिस ड्रामा अंडर कंप्लीट कंट्रोल। जो परफॉर्मेंस थी वो दी जाती थी इन द सेक्रेट बिल्डिंग्स, जो उनकी पवित्र बिल्डिंग होती थी उसी के अंदर इनकी परफॉर्मेंस दी जाती थी, और जो प्रीस्ट होते थे वो ही इसमें रोल प्ले करते थे, प्रीस्ट्स वर द एक्टर्स। और जो लैंग्वेज थी वो लैटिन यूज़ की जाती थी। यहाँ पर तीन पॉइंट है, चर्च के पास ही पूरा कंट्रोल था, चर्च की बिल्डिंग में सबसे पहले मिरेकल प्लेस को परफॉर्म किया गया, और जो सेंट्स थे, प्रीस्ट थे, वो ही इसमें रोल प्ले करते थे, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, लैटिन लैंग्वेज थी। चर्च की सेक्रेट बिल्डिंग में परफॉर्म किया गया और प्रीस्ट ही इसमें एक्टिंग करते थे। लेकिन जैसे जैसे मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस दोनों को एक ही नाम लिया गया था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से बाहर ही इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, इनकी धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ने लगी। इट वॉज कॉल्ड इंक्रीज इट्स पॉपुलरिटी ऑन ग्रेट ओकेजन, लार्ज एंड लार्जर क्राउड थ्रोंग्ड अबाउट द चर्च। बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में भीड़ चर्च में आने लगी, और ऐसा होने से क्या हुआ कि वहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम आई, तो उनके लिए मजबूरी हो गया, नेसेसरी हो गया कि वो स्टेज को वहाँ से हटाए इंटीरियर से, और बिल्डिंग के आउटसाइड पोर्च में उन्होंने इसको परफॉर्म करना स्टार्ट किया। लेकिन भीड़ इतनी बढ़ती चली गई कि इंटीरियर पोर्च से बाहर उनको, पोर्च से कहाँ, चर्च यार्ड में लाना पड़ा, और फाइनली
ये कहाँ पर आ गए, चर्च ऑल टुगेदर, वो गांव की हरियाली में या सिटी की स्ट्रीट में ये चर्च परफॉर्मेंस पहुँच गई। जी, चर्च के अंदर इनकी परफॉर्मेंस दी जाती थी, सेंट्स इसमें परफॉर्म करते थे। इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो लैटिन होती थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि इसको चर्च के पोर्च में आना पड़ा, और पोर्च से फिर इसको चर्चयार्ड में आना पड़ा, और चर्चयार्ड से धीरे धीरे इनको गांव और शहर की गलियों तक इसको लाना पड़ा। और ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो लेमैन थे, जो अनप्रोफेशनल लोग थे, जो एमेच्योर परफॉर्मर थे, उन्होंने इसमें रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस कम कर दी, तो लेमैन इसमें परफॉर्मेंस देने लगे, और प्रेजेंट में यही क्लरिकल इनके परफॉर्मेंस हो गए। और धीरे धीरे वर्नैकुलर टंग, जो इंग्लैंड की लोकल लैंग्वेज थी वर्नैकुलर, उसका इसमें यूज किया जाने लगा। सम अप करता हूँ, इन रिलीजियस ड्रामा जिसको मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस बोलते हैं, चर्च के अंदर से इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। प्रीस्ट ही इसमें परफॉर्मेंस करते थे, और इनकी लैंग्वेज लैटिन होती थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होने लगी कि ये चर्च के अंदर से धीरे धीरे पोर्च में आए, और पोर्च से धीरे धीरे ये चर्च यार्ड में आए, और पोर्च से ये चर्च यार्ड में आए, और चर्च यार्ड से फाइनली ये कहाँ पर पहुँच गए, गांव की गलियों में, शहर की गलियों में पहुँच गए। और जो लेमैन थे, मींस अनप्रोफेशनल जो एक्टर थे, उन्होंने इसमें रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस की डेवलपमेंट हुई इंग्लैंड में, जो रिलीजियस ड्रामा के रूप में होता था। इसमें हम फर्दर जानेंगे द फर्स्ट फ्रेंच देन इंग्लिश। इनके सबटाइटल जो होते थे वो लैटिन में ही होते थे। रिलीजियस ड्रामा इंग्लैंड में अपनी हाइट पर नहीं पहुंचा, कब तक, 14 सेंचुरी तक ये अपनी हाइट पर नहीं पहुंचा। मींस 14 सेंचुरी के बाद ये ड्रामा जब अपनी हाइट पर पहुंचा, जब इसमें मोरालिटी प्लेस इन्वॉल्व हो गए। जो फैक्ट मैंने आपको बताया था कि मिरेकल प्लेस को इंग्लैंड के अंदर मिरेकल प्लेस के नाम से ही जानते थे, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस को, केवल उसके बाहर ही इनको मिस्ट्री प्लेस के नाम से जाना जाता था। कुछ बुक्स में बताया गया कि मिस्ट्री प्लेस की जो थीम है वो बाइबल से ली गई है, बाइबल की स्टोरीज उसमें कवर करते हैं तो बिब्लिकल बोला जाता है, और मिरेकल प्लेस में सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड होते थे। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो अंतर बताया गया है, एक्सेप्टेबल ओनली कॉन्टिनेंट पर ही महाद्वीप पर था, बट हैज़ नेवर बीन एस्टेब्लिश इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर मिस्ट्रीज और मिरेकल प्लेस को एक ही नाम से जानते थे, मिरेकल प्लेस। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं, बात आती है मोरालिटी प्लेस की। देखो, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस रिलीजियस ड्रामा के रूप में स्टार्ट हुए, और 14 सेंचुरी तक उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो कॉमन मैन तक पहुंच गए। इसके बाद टर्न आती है मोरालिटी प्लेस की, जिसमें नाम ही है मोरालिटी प्लेस। ड्रामा का इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और मार्क द मोरालिटी प्ले, और धीरे धीरे शेप ले ली इसने मोरालिटी प्लेस की। मिरेकल प्लेस की तरह इनका पर्पस भी डाइडैक्टिक था, मींस लोगों को एजुकेट करना, उनको धर्म के बारे में अच्छी चीज़ें बताना। बट लेकिन इसके जो कैरेक्टर थे मोरालिटी प्लेस के, वर टेकन फ्रॉम सेक्रेड नरेटिव्स और द लीजेंड्स ऑफ सेंट्स। अब उनको पर्सोनिफाइड कर दिया गया, क्या वो अच्छे गुणों को पर्सोनिफाइड मानवीकरण करते हुए एक एब्स्ट्रैक्ट पर्सोनिफिकेशन उनको दिया गया, अच्छे गुणों को इसमें रिप्रेजेंट किया गया, और यही हुआ। राइज फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज वेरी नेचुरल एट दैट टाइम, और ये बिल्कुल नेचुरल हो गई। उस समय जो पोएम्स लिखी जाती थी, वो डबल मीनिंग वाली पोएम जिसको एलोग्रिकल पोएम बोलते थे, उस समय में भी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। कौन से, मोरालिटी प्लेस, क्योंकि इसमें पर्सोनिफाइड किया गया था वर्च्यूज़ को। इसमें जितने भी मेंटल और मोरल क्वालिटीज़ थी इसको दिखाया जाता था, जैसे साइंस, परजीवियरेंस, मंडेन्स, फ्री विल, द फाइव साइंस, द सेवन डेडली सीन्स, इन सब चीज़ों को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता था। गुड एंड बैड एंजल्स को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता था, और धीरे धीरे इंग्लैंड में ये डेवलप होने लगे। इसमें सबसे जो कॉमन नाम आता है पॉपुलर, वो एवरी मैन है। एवरी मैन एक मोरालिटी प्लेस का सबसे फेमस एग्जाम्पल है 14-15 सेंचुरी का। इसमें कंक्लूड कर देता हूँ, मोरालिटी प्लेस में वर्च्यूज़ को रिप्रेजेंट किया गया, पर्सोनिफाई करते उनको रिप्रेजेंट किया गया, और जब ऐसा किया गया तो कहीं ना कहीं एक रोल इसमें डेविल्स को भी दिया गया, इसमें डेविल्स भी इन्वॉल्व हो गए। यहीं से ही हमारा एंटागोनिस्ट स्टार्ट हो जाता है, एक जो विलेनिक रोल है वो धीरे धीरे मोरालिटी प्लेस के थ्रू ही डेवलप हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, मिरेकल प्लेस, अ लेटर इंट्रोडक्शन ऑफ मच इम्पोर्टेंस वॉज सो कॉल्ड वॉइस, और वर्च्यूज के साथ साथ वॉइस भी इसमें प्रेजेंट की जाने वाली, बुरे गुण वाले कैरेक्टर्स भी इसमें प्रेजेंट किए जाने लगे। हु वॉज सम ह्यूमरस, जो ह्यूमरस इनकारनेशन होते थे, इनकारनेशन मीन्स अवतार होते थे, ऑफ इवल, बुराई का ही एक अवतार होते थे, और उसने धीरे धीरे कौन सी साइड लेनी स्टार्ट कर दी, कॉमिक साइड। ये कॉमिक रोल प्रेजेंट करने लगे जो वॉइस का पर्सोनिफाइड किया गया था, और धीरे धीरे इसको एक पहचान मिली फनी मेकर पीस के रूप में, एंड ही समटाइम्स स्कोर्ड अ ट्रेमेंडियस पॉपुलर सक्सेस बाय जंपिंग ऑन द डेविल्स बैक। कभी कभी वो डेविल्स की बैक पर कूद कर काफ़ी हंसी क्रिएट कर देते थे, स्टिकिंग होता था थ्रोन ऑन ही, उसके ऊपर कुछ सींग लगा देते थे। तो ऐसी घटनाएं होने लगी और ये पॉपुलर होने लगे, ये कैरेक्टर फनी होने लगा, और एलिजाबेथन एज में जो क्लाउन का रोल था वो धीरे धीरे इसी कैरेक्टर से डेवलप हुआ है। ये पॉइंट नोट करने वाला है, जो एलिजाबेथन एज का क्लाउन था वो इसी वाइस कैरेक्टर ऑफ मिरेकल प्लेस से डेवलप हुआ है। एज द मोरलिटी प्लेस वॉज नॉट लाइक मिरेकल प्लेस की तरह नहीं थे, ओब्लाइज होते थे वो टू फॉलो द प्रेस्क्राइब लाइन्स ऑफ एनी गिवन स्टोरी, दी हुई कहानी की लाइन को फॉलो करते थे और ग्रेट फ्रीडम उनके पास होती थी। क्या एक्सप्लेन किया गया कि मिरेकल प्लेस में फिक्स लाइन को ही बोला जाता था, लेकिन मोरालिटी प्लेस में इनके पास फ्रीडम होती थी कि वो अपने थॉट्स को, अपनी लाइन्स को चेंज कर सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे प्लॉट में भी और कैरेक्टर में भी, इनके पास ये फ्रीडम आ गई थी, और इसी से एलिजाबेथन एज के ड्रामा का स्टार्ट होता है। फर्दर बात करते हैं ऐसे प्लेज में जो सबसे पॉपुलर नाम है वो एवरी मैन का है, बींग रिटन एक्सप्रेस टू इनकलकेट द सेक्रामेंटल डॉक्ट्राइन ऑफ कैथोलिक चर्च। और इनका पर्पज क्या होता था कि कैथोलिक चर्च के जो सेक्रामेंट्स थे, अच्छे गुण थे, उनको लोगों के अंदर इनकलकेट डेवलप करना था, एजुकेट करना था, वो अपने इन धर्म के इन गुणों को लोगों के व्यवहार में लाना चाहते थे। एंड लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे पर्सोनिफाइड हो गए, एब्स्ट्रैक्शन कम मोर एंड मोर रिसेम्बल टू इंडिविजुअल पर्सन धीरे धीरे आने लगे, और मोरालिटी पास्ट इनसेंसिबली इनटू कॉमेडी, और धीरे धीरे ये मोरालिटी पहले किस चीज़ में चेंज हो गए, कॉमेडीज में चेंज हो गए। इन्हीं मोरालिटी प्लेज के साथ साथ एक और प्ले डेवलप हुआ जिसको हम इंटरल्यूड के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज इंटरल्यूड, वॉज ऑल्सो ए लेट प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक डेवलपमेंट का ही एक रूप है मोरालिटी प्लेज के साथ। जब मोरालिटी प्लेज थोड़े से बोरिंग हो जाते थे, बीच में एक ब्रेक लिया जाता था, उस ब्रेक के दौरान रिलैक्स करने के लिए ऑडियंस को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, उनको ह्यूमर जनरेट करने के लिए बीच में जो प्ले यूज किए जाते थे उन्हीं को इंटरल्यूड बोला जाता था, और इनका टोटल पर्पज था टू क्रिएट ह्यूमर। तो ऐसे प्लेज को फिर इंटरल्यूड बोला गया। तो मोरालिटी प्लेज एंड इंटरल्यूड ऐसे ऐसे डेवलप हुए और धीरे धीरे वो कॉमेडीज में चेंज होते चले गए। और इन इंटरल्यूड के लिए टोटल क्रेडिट जाता है वो जॉन हेवुड को। यहाँ पर कुछ फैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, अब ये फैक्ट्स आपको नोट करने होंगे। जॉन हेवुड जिनको कंसीडर किया जाता था फादर ऑफ इंटरल्यूड, जॉन हेवुड कौन थे, हेनरी एट के कोर्ट में वो चीफ एंटरटेनमेंट ऑफिसर थे, उनका पर्पज कोर्ट को एंटरटेन करना था, उनके ऊपर ही जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने ही इंटरल्यूड को इन्वेंट किया, यूज किया कोर्ट में। और उनका जो फेमस वर्क है फोर पीस, देखिए फोर पीस में चार पीस है, एक का मतलब है पाल्मर, अ पार्टनर, अ पैथोक्रेसी एंड अ पैडलर। ये फोर पीस इंटरल्यूड काफ़ी फेमस हुआ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जॉन हेवुड इज कंसिडर द फादर ऑफ इंटरल्यूड, वो हेनरी एट के कोर्ट के चीफ एंटरटेनर थे और उनका वर्क फोर पीस सबसे फेमस है। इंटरल्यूड वर्ड ऑल्सो यूज फॉर स्कॉलिस्टिक पर्पज के लिए भी, शिक्षा देने के लिए भी इसका यूज किया जाता था, और इंटरल्यूड फोर पीस ही सबसे फेमस है। फिर बात करते हैं धीरे धीरे रेगुलर कॉमेडीज और ट्रेजडीज कैसे स्टार्ट हुई। तो इंग्लैंड में रेगुलर कॉमेडीज की अगर बात करें, अभी तक भी ग्रीक और रोमन प्लेज को ही कॉपी किया जाता था, लेकिन जब ऐसी परफॉर्मेंस हो रही थी तो इंग्लिश के लोगों ने धीरे धीरे क्या सीख लिया, लेटिन नोट द ग्रीक प्ले राइट थे, तब अब तक सिनेका के ही परफॉर्मेंस की जा रही थी जी। अब बात करते हैं कि पहले रेगुलर इंग्लिश प्लेस कब हुए,
देन कम अ लेटिन इमिटेशन हो रहा था, ड्यू कोर्स चल रहे थे, अटेम्प्ट ऑफ फैशन इन इंग्लिश प्ले मोर एंड लेस प्रिसाइजली अपॉन पैटर्न ऑफ ओरिजिनल्स, उन ओरिजिनल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे थे और ऐसा अटेम्प्ट करते करते जो इंग्लिश राइटर थे उन्होंने सीख लिया वैल्यूएबल लेसन इन प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक। इन सब ड्रामा के डेवलपमेंट में जब भी वो यूज कर रहे थे वो ग्रीक और लेटिन ड्रामास को यूज कर रहे थे और इनकी परफॉर्मेंस करते करते जो इंग्लिश के ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने ड्रामा के ये असेंशियल पार्ट सीख लिए, क्या वैल्यूएबल लेसन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक को उन्होंने सीख लिया। और हमारी पहली जो रियल कॉमेडी है जिसका नाम है रोएस्टर डोएस्टर जो लिखी गई थी अराउंड 1550 में बाय निकोलस उडाल जो हेड टीचर थे एटन स्कूल के और अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए उन्होंने ये प्ले लिखा था। तो एक मेजर पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहली जो रेगुलर कॉमेडी थी इंग्लैंड की वो थी रोएस्टर डोएस्टर जिसको लिखा था निकोलस उडाल ने जो एटन स्कूल के हेड टीचर थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए ये प्ले लिखा था। तो यहाँ पर बात आ जाती है फर्स्ट कॉमेडी की। ऐसे ही फर्स्ट ट्रेजेडी की बात करते हैं, फर्स्ट ट्रेजेडी जिसका नाम टाइटल रखा गया गौरबड़ा, लेटर उनके बेटों के नाम पर इसका नाम रखा गया था फेरेक्स एंड पोरेक्स, जो बेस्ड है एक एपिसोड जोफ्री मोमेंट हिस्ट्री का जो सेनेका के ही ट्रेजडीज पर बेस्ड है और इसकी परफॉर्मेंस हुई थी 1561 डब्ल्यू जे लॉन्ग में 1562 ईयर लिखा है लेकिन आयोग ने जब जब इसका आंसर माना है वो 1561 माना है। तो इस ट्रेजडी की इन्वेंशन की थी किसने लिखा था, थॉमस सेक्विले एंड थॉमस नॉर्टन ने, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया बिफोर द मेंबर्स ऑफ इनर टेम्पल ऑफ देयर क्रिश्चियन फेस्टिविटीज 1561 में इसको प्रेजेंट किया। यहाँ पर एक फैक्ट हो जाता है कि ये इंग्लैंड की फर्स्ट ट्रेजडी होने के साथ साथ फर्स्ट ऑफ आवर प्लेस टू यूज ब्लैंक वर्स भी थी, ऐसी ट्रेजडी ऐसा प्ले ट्रेजडी नहीं ऐसा प्ले जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया हो उसका आंसर भी यही होगा गौरबड़ा फेरेक्स एंड पोरेक्स, फर्स्ट ट्रेजडी थी इंग्लिश की साथ साथ फर्स्ट प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स वो भी आंसर गौरबड़ा की होगा जिसकी परफॉर्मेंस 1561 में दी गई है, इतनी बार पूछा जा चुका है और थॉमस सेक्विले और थॉमस नॉर्टन इसके ऑथर थे। आई होप दीज आर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। फर्दर यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, इंटरल्यूड 16 सेंचुरी में आए, फोर पीस इसमें फेमस है जो हेनरी 8 के समय में आए, रोएस्टर डोएस्टर उस समय रूल किसका चला था एडवर्ड 6 का, और जो मेन ट्रेजडी जो फेमस है जो पूछी गई है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी 1561 में वो एलिजाबेथन एज में आई है जिसको लिखा थॉमस नॉर्टन ने। थर्ड लेसन का नाम है द एज ऑफ शेक्सपियर और जिसमें हम कवर करेंगे नॉन ड्रामेटिक वर्स। इसका जो लाइफ पीरियड है टाइम स्पेन है वो 1558 से 1625 1558 से 1625 तक के पीरियड को ये कवर करता है। इसी में शेक्सपियर आता है और अदर ऑथर भी आते हैं लेकिन हमारा जो टॉपिक होगा वो है नॉन ड्रामेटिक वर्स मीन्स नॉन ड्रामा जो पोएम्स लिखी गई है, ड्रामा को छोड़कर बाकी जो पोएम और वर्स लिखे गए हैं उनकी स्टडी हम शेक्सपियरियन एज की करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है कि शेक्सपियरियन एज किसको बोलते हैं, तो जिस एज को हम पहुँच चुके हैं उस एज को शेक्सपियरियन एज कहते हैं और इसकी शुरुआत होती है जब क्वीन एलिजाबेथ महारानी बनी इंग्लैंड की, वो ईयर था 1558 और कब तक ये पीरियड रहा, जब जेम्स फर्स्ट की डेथ हुई 1625 में 1625 में उस तक के पीरियड को एलिजाबेथ शेक्सपियरियन एज बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस पूरे पीरियड में शेक्सपियर डोमिनेंट फिगर रहे हैं, उनका प्रभाव रहा है, उनका इन्फ्लुएंस रहा है, तो इस पूरे पीरियड को शेक्सपियरियन एज बोलते हैं। अदरवाइज शेक्सपियर का बर्थ तो 1564 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1616 में, लेकिन फिर भी इस एज को 1558 से 1625 तक को ही इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियरियन एज बोला जाता है, इसको एलिजाबेथन एज भी बोला जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं, हमें क्लियर हो गया है कि हम शेक्सपियरियन एज में नॉन ड्रामेटिक वर्स पढ़ने वाले हैं मींस ड्रामा को छोड़कर बाकी जो वर्क लिखे गए हैं उनकी स्टडी हम इस पीरियड में करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो इस एज को क्लियर कर लिया गया है कि इस एज को ही शेक्सपियरियन एज बोलते हैं, कब से कब तक, 1558 से, और जेम्स फर्स्ट की मृत्यु 1625 में हुई तब तक के पीरियड को ये 67 ईयर बैठते हैं। इसको नेचुरली तीन हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट 21 ईयर,
रानी के शासन था, उसके बाद 24 साल रानी का शासन रहा है, उसमें बिटवीन द पब्लिकेशन ऑफ स्पेंसर सेफर्डस कैलेंडर, स्पेंसर का जो सेफर्डस कैलेंडर वर्क था 1789 में आया था, उससे लेकर 1603 तक का पीरियड ये 24 साल और 22 साल शासन रहा है जेम्स फर्स्ट का, इन तीनों पीरियड को मिलाकर 67 ईयर के पीरियड को एज ऑफ शेक्सपियरन या शेक्सपियरन एज बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। फर्दर बात करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है, तो व्हाई एलिजाबेथन एंड जैकोबियन शुड बी अलाइक बी इंक्लूड इन द जर्नल फेज विच वी हियर यूज द एज ऑफ शेक्सपियर। एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज जब जेम्स फर्स्ट का शासन था, इन दोनों में एक ही तरह की लिटरेचर डेवलप हुई, एक ही तरह की कल्चर थी, दोनों में सिमिलैरिटी थी, इसलिए दोनों ही एज को मिलाकर किस नाम से जानते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर। इसके बाद जब चार्ल्स फर्स्ट का शासन आया, वहाँ पे लिटरेचर कल्चर थिएटर बहुत कुछ बदल गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, इसलिए वो एज एलिजाबेथन एज या शेक्सपियर एज से अलग गिनी जाती है। सो दोनों में सिमिलैरिटी थी एलिजाबेथ और जेम्स फर्स्ट के शासन में, इसीलिए दोनों को मिलाकर पीरियड का नाम रखा गया है शेक्सपियरन एज। तो आपको शासन के अकॉर्डिंग एज क्लियर हुई होगी कि 1558 से 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ ने शासन किया और 1603 में जेम्स फर्स्ट जो स्कॉटलैंड के राजा थे वो इंग्लैंड के राजा बने और 1625 तक उनका शासन चला। ठीक है, तो ये एलिजाबेथन एज, ये जैकोबियन एज और दोनों एज में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तरह की कल्चर लिटरेचर डेवलप हुई है, शासन एक तरह का था, तो इसीलिए दोनों एज में शेक्सपियर डोमिनेंट रहे हैं और इन दोनों पीरियड को मिलाकर 1558 से 1625 तक के पीरियड को ही शेक्सपियरन एज बोला गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन ईजिली सोल्व दिस। आगे बढ़ते हैं, एलिजाबेथन पोएट्री बिफोर स्पेंसर। स्पेंसर से पहले एलिजाबेथन एज में कौन सी पोएट्री थी, तो हम जानेंगे जो स्पेंसर का पॉपुलर वर्क था, जो सबसे पहला आया पॉपुलर वर्क सेफर्डस कैलेंडर जो 1579 में, जर्नल वे में आप याद रख सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ईयर नहीं है, लेकिन हाँ इस वर्क का नाम इंपॉर्टेंट है कि सेफर्डस कैलेंडर किसका वर्क है, तो एडमंड स्पेंसर का। तो इस वर्क ने ही ओपनिंग की है गोल्डन एज ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर में, जो गोल्डन एज की स्टार्टिंग हुई है वो इस वर्क के साथ हुई है। इन द हाफ ऑफ द क्वींस रेन, रानी के आधे शासन में देर वॉज ए गुड डील ऑफ पोएटिक एक्टिविटी, अच्छी चल रही थी, लिटिल वर्स कुछ वर्स भी थे, इन डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड प्रोड्यूस्ड बाय फार द बेस्ट पोएट्री ऑफ पीरियड इज टू बी फाउंड इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस सैकविल और लॉर्ड बकरेस्ट के वे में कुछ अच्छी पोएट्री आई। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि सेफर्डस कैलेंडर एडमंड स्पेंसर का वर्क है जो 1579 में आया था। स्पेंसर और उसकी पोएट्री को पढ़ लेते हैं। स्पेंसर चौसर और चौसर के बाद स्पेंसर दूसरे प्रोमिनेंट पोएट है इंग्लिश लिटरेचर में। तो एडमंड स्पेंसर जो ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोएट है, जिन्होंने ड्रामा नहीं लिखा और ड्रामा से अलग इन्होंने अपने वर्क लिखे हैं, सो नॉन ड्रामेटिक पोएम और उस एज के, फाउंड इट्स मोस्ट नेचुरल लिटरेरी एक्सप्रेशन इन द ड्रामा, वॉज बोर्न इन लंदन 1552, 1552 में वो लंदन में पैदा हुए थे और धीरे धीरे उनके अंदर एक स्पिरिट थी प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक चर्च का रूल उनकी मोनोपोली थी, चर्च के रूल कैथोलिक चर्च के माने जाते थे, धीरे धीरे इंग्लैंड में उनका विरोध हो रहा था और एंग्लिकन इंग्लैंड के चर्च को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे और जो लोग रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध कर रहे थे उनको प्रोटेस्टेंट बोला जाता था। तो स्पेंसर के अंदर भी कौन सी स्पिरिट थी, प्रोटेस्टेंट की स्पिरिट थी जो यूनिवर्सिटी में उनके अंदर डेवलप हो गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई किसके साथ, अर्ल ऑफ लाइसेस्टर थे और उनके भतीजे थे नेफ्यू फिलिप सिडनी, जो इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक समझा जाता है फिलिप सिडनी को। ये अर्ल ऑफ लाइसेस्टर के भतीजे थे और एडमंड स्पेंसर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो फिलिप सिडनी कंटेम्परेरी है एडमंड स्पेंसर के, इनके समकालीन है और इंग्लिश लिटरेचर में इनको एक कंसीडर किया गया है फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक। ठीक है,
तो इन्होंने पहली बार सबसे पहले इंग्लिश क्रिटिक की वो मिली है। इनके कुछ वर्क भी है, प्रोज रोमांस भी है, आर्केडिया, ठीक है आगे पढ़ लेंगे। तो उनके भतीजे इनके दोस्त बन गए, ही फॉर्म्ड इंटीमेट फ्रेंडशिप हो गई, और 1580 में वो आयरलैंड चले गए सेक्रेटरी टू द न्यू लॉर्ड डिप्टी बनकर एडमन स्पेंसर। वो इस तरह से पॉलिटिकल वर्क भी करने लगे, कोर्ट के लिए काम करने लगे। आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, मीन वाइल रिटर्निंग टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड वापस आए, ही फाउंड हिज ओनली रिलीफ इन राइटिंग ऑफ हिज फेरी क्वीन, और उनको जो सुकून मिला वो फेरी क्वीन लिखने में ही मिला। और इन अक्टूबर 1598 एक वहाँ पर रिबिलियन हुआ, विरोध हुआ, और जिसमें आग लग गई और उनके महल को आग लगा दी गई। बड़ी मुश्किल से वो अपनी फैमिली के साथ बचकर वहाँ से निकल पड़े, ठीक है, गुस्से वाली भीड़ ने सब जगह आग लगा दी। ही एंड हिज फैमिली बेयरली एस्केप, मुश्किल से बच पाए विद देयर लाइफ इन फेलिंग हेल्थ, कमजोर हालत होने के कारण, क्रश्ड इन स्पिरिट, और उसकी उम्मीद जो जुनून था वो भी टूट गया। ही रीच लंदन, वो लंदन पहुंचा एंड ऑफ द ईयर, कब, 1598 के लास्ट में, और ऑन जनवरी 1599, जनवरी 1599, 1599 में वो डेथ हो गई उनकी, कहाँ पर, इन एक धर्मशाला थी एट वेस्ट मिनिस्टर। लंदन में एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर, जिसका नया नाम है वेस्ट मिनिस्टर एबी, ठीक है। वेस्ट मिनिस्टर एबी में ही पोएट्स कॉर्नर है, क्या है, पोएट्स कॉर्नर, एक जगह है जहाँ पर पॉपुलर पोएट्स को बरी किया गया है, दफनाया गया है, ठीक है। चौसर की डेथ भी वेस्ट मिनिस्टर में ही हुई थी, एडमन स्पेंसर की डेथ भी वहीं पे ही हुई थी, और इसी से पॉपुलर पोएट की जब डेथ हुई है तो धीरे धीरे एक कब्रिस्तान वहाँ पर बन गया और इसको नाम रखा गया वेस्ट मिनिस्टर एबी। एबी एक छोटा चर्च के रूप में माना जाता है, चर्च यार्ड के रूप में। तो जितने भी पॉपुलर पोएट रहे हैं तो उनको पोएट्स कॉर्नर में ही बरी किया गया, दफनाया गया है। उसका रीजन यही है कि एडमन स्पेंसर और चौसर की डेथ वेस्ट मिनिस्टर में हुई थी, तो पोएट्स के लिए एक ये बड़ी जगह मानी गई है पोएट्स कॉर्नर, कि जिसको अगर वहाँ दफनाया जाए तो इसका मतलब वो एक ग्रेट पोएट रहा है, उसने इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ किया है। तो वेस्ट मिनिस्टर एबे में 1599 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है, ये इनके लाइफ स्पैन था। वाइल स्पेंसर फेम रेस्ट मेनली ऑन द फेरी क्वीन, स्पेंसर कुछ मेनली जो पॉपुलरिटी मिली है वो फेरी क्वीन से मिली है। आप फेरी की स्पेलिंग देखेंगे, क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, FAIRY, फेरी। क्वीन की स्पेलिंग देखेंगे, QUEEN होनी चाहिए, QUEEN, लेकिन लास्ट में ई भी लगा है। ये एक स्टाइल होता है जो आर्कियक स्टाइल बोला जाता है, जिसमें पुराने फैशन को, पुराने कल्चर को, जो विलुप्त हो गई है, पुराने स्टाइल को, एंशेंट स्टाइल को फॉलो किया गया है। तो उन्होंने वो ही वर्ड यूज़ किए हैं जो चौसर के टाइम में, जब इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा था, तो वो जो वर्ड थे उन्हीं को उसने यूज किया है। तो उन्होंने आर्कियक स्टाइल का यूज किया है, प्राचीन जो वर्ड होते हैं उनको यूज इसमें किया है। तो ये इनका स्टाइल था। यहाँ पर क्लियर हो गया कि स्पेंसर को जो पॉपुलरिटी मिली है वो उनके एपिक वर्क फेरी क्वीन के लिए ही मिली है। तो इनका जो पॉपुलर वर्क था सेफर्डस कैलेंडर, जिसके बारे में हमने पढ़ा 1579 में था, जो एक कलेक्शन है पेस्ट्रोल पोएम का, ठीक है, आर्टिफिशियल काइंड है इसमें, इसमें हर चीज क्लासिक को शो किया गया है। और स्पेंसर ने इसमें कौन से मॉडल को फॉलो किया है, ग्रीक पोएट थियोक्राइटस और वर्जिल के बुकोलिक को। जो पेस्टोरल पोएम की स्टार्टिंग की थी वो ग्रीक पोएट थियोक्राइटस ने की थी, उसके मॉडल को फॉलो किया, थियोक्राइटस के मॉडल को वर्जिल ने फॉलो किया, और जो वर्जिल का कलेक्शन था उसका नाम था बुकोलिक, उसका नाम था बुकोलिक। और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द मीन ऑफ बुकोलिक, बुकोलिया, ठीक है। तो पेस्टोरल पोएम का ही दूसरा नाम है बुकोलिया, बुकोलिका। और वर्जिल की जो कलेक्शन है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है बुकोलिका, बुकोलिक पोएट्री आपसे पूछी जा सकती है, पेस्टोरल पोएम का ही दूसरा नाम है। तो इन्होंने इन्हीं थियोक्राइटस और वर्जिल के मॉडल को फॉलो किया अपने इस वर्क सेफर्डस कैलेंडर में, और इटालियन रेंसा को इन्होंने इमिटेट किया, जो इटली में रेंसा चल रहा था लगभग 12 सालों में, जो डिवाइड है, सॉरी 12 पार्ट्स में डिवाइड है इनका जो एपिक वर्क है सेफर्डस कैलेंडर है, वो 12 पार्ट्स में डिवाइड है, और 1 for each month, साल के एक महीने के लिए इसने एक वो लिखा है, ऑन इट अंडर द गैस ऑफ कन्वेंशनल पेस्टर
पेस्टोरल इमेजरी का इसमें यूज किया है। सेफर्ड बात करता है, गाता है, पोएट राइट्स ऑफ हिज अनफॉर्चुनेट लव फॉर सर्टेन मिस्टीरियस रोजलिन। किसी अपनी रोजलिन नाम की मिस्टीरियस ऐसे में प्रेमिका के प्यार में गाता है वो, बात करता है। पेस्टोरल थीम क्या होती है कि एकांत में गडरिया के रूप में वो पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाता है, अपने लव सॉन्ग गाता है, यही पेस्टोरल थीम होती है। और इसी थीम पर उन्होंने ये वर्क लिखा है, सेफर्डस कैलेंडर। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं। तो इसके बाद इनका जो दूसरा मेजर वर्क है वो है एमोरोटी। ये कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है, अ सीरीज ऑफ 88 सोनेट्स, आपको 89 भी आंसर में मिल सकता है। जो टाइटल सोनेट था एमोरोटी का उसको भी इंक्लूड कर ले तो 89 हो जाएंगे, अदरवाइज इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स। तो एमोरोटी क्या है, एमोरोटी एक कलेक्शन है 88 सोनेट्स का। क्वेश्चन पीजीटी में कितनी बार आ चुका है। सेफर्डस कैलेंडर कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पोएम्स है, एमोरोटी कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स है। ये इनके दो मेजर वर्क हुए। साथ साथ ये डिस्क्राइब करता है द प्रोग्रेस ऑफ लव फॉर एलिजाबेथ बॉयटल हुम ही मैरिड 1594। इनकी वाइफ जिसका नाम एलिजाबेथ बॉयटल था उनके प्रति एक उन्होंने कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट किए। इनकी शादी कब हुई थी 1594 में, और उनको खुश करने के लिए उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने जो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स लिखा उसको खुश करने के लिए उसको बोला गया एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम टीजीटी और पीजीटी में कितनी बार पूछा जा चुका है। लव सॉन्ग होते हैं या सॉन्ग्स दैट आर कंपोज एट द टाइम ऑफ वेडिंग, शादी के समय कंपोज किए जाने वाले गाए जाने वाले गीत को ही एपिथैलेमियम बोलते हैं। और स्पेंसर के एक पूरी सीरीज का नाम ही एपिथैलेमियम है जो उन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट की थी। ठीक है, तो नोबलेस्ट इनको वेडिंग हाइम बोलते हैं इन लैंग्वेज। तो हमने जाना सेफर्डस कैलेंडर, अमोरेटी और एपिथैलेमियम। बीच में एक वर्क छूट गया है एस्ट्रोफेल, जो एक एलजी है और पेस्टोरल एलजी है, एग्जाम में आ चुकी है, जो 1586 में लिखा था इन्होंने, सिडनी को कमेमोरेट किया है। जो इनके फ्रेंड थे फिलिप सिडनी उसको उन्होंने इस वर्क में कमेमोरेट किया है और इसका नाम है एस्ट्रोफेल, जो एक पेस्टोरल एलजी है। तो कितने वर्क हुए, सेफर्डस कैलेंडर, एस्ट्रोफेल पेस्टोरल एलजी है, एमोरोटी सोनेट सीक्वेंस है इनकी, और एपिथैलेमियम मैरिज पर गाए जाने वाले गीत है, और जो मोस्ट पॉपुलर इनका वर्क है दैट इज फेरी क्वीन। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि एस्ट्रोफेल किसको डेडिकेट किया गया, कमेमोरेट किया गया है, फिलिप सिडनी को, और सेफर्डस कैलेंडर में इन्होंने एड्रेस किया है फिलिप सिडनी को, वो संबोधित किया है, और यहाँ पर मौत होने पर दुख जाहिर करने को कमेमोरेट बोलते हैं, यहाँ पर उसको कमेमोरेट किया है। और जिनको फेरी क्वीन है वो इन्होंने एड्रेस किया है क्वीन एलिजाबेथ को। तो यहाँ पर जानेंगे फेरी क्वीन के बारे में कुछ फैक्ट, जो प्रिंस आर्थर सेंट्रल फिगर रखकर उन्होंने ये वर्क लिखा है। ठीक है, एक हीरो रहे हैं। कैंटरबरी टेल की तरह फेरी क्वीन भी एक फ्रेगमेंट है जो 12 बुक्स में डिवाइड है, लेकिन उसके 6 पार्ट ही इनकी लाइफ स्पैन में पब्लिश हो चुके हैं, पब्लिश हुए, 7 पार्ट इनकी डेथ के बाद हुआ, और ये एक इनकम्प्लीट वर्क है कैंटरबरी टेल की तरह। तो केवल 6 पार्ट पब्लिश हुए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, द पोर्सन ऑफ 7th आफ्टर हिज डेथ। अगर कभी क्वेश्चन आए तो फेरी क्वीन में कितने पार्ट पब्लिश हुए, 6, 7 पार्ट उनकी वो भी इनकम्प्लीट था, वो बाद में पब्लिश हुआ, तो 12 में से केवल 6 पार्ट ही ये पूरे कर चुके, तो आंसर इसका 6 होगा। तो फेरी क्वीन कीपिंग इन एनुअल फीस्ट, 12 दिन का एक एनुअल फीस्ट होता है जिसमें रानी 12 दिन का उपवास रखती है और हर एक दिन किसी न किसी योद्धा को किसी एडवेंचर पर भेजती है, ये इसकी पूरी कहानी है। ऑन ईच डे अ सर्टेन नाइट हेड कमांड अंडर टू पर्टिकुलर एडवेंचर पर जाता है, और धीरे धीरे ऐसे सेंट्रल फिगर की बारी आती रहती है जो किसी न किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एडवेंचर पर जाते हैं, यही पूरी कहानी फेरी क्वीन के अंदर है 6 पार्ट में। एक पार्ट के अंदर इसमें फिर किंग आर्थर आते हैं, और इसमें इतना ही जानना काफ़ी है कि 6 पार्ट में पब्लिश हुई, 12 दिन का फीस्ट होता है और हर एक दिन के लिए एक एडवेंचर, किसी एक योद्धा किसी एडवेंचर पर जाता है, दैट्स अबाउट इन फेरी क्वीन। इसमें एक रेड क्रॉस जो योद्धा है वो होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, लगभग 5th या 6th पार्ट में आता है, सो चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो
आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक स्टेंजा फॉर्म भी डेवलप की थी जो स्पेंसर के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, इंग्लिश ऑफ स्पेंसर डेज आर्डेंट लवर ऑफ चौसर। स्पेंसर चौसर के बहुत बड़े लवर थे, प्रेमी थे, वो उनके भक्त थे, वो उनको अपना गुरु मानते थे। ही एम्प्लॉयड आ डायलैक्ट ऑफ हिज ओन विच ही प्रपोजली मेड आर्कियक। आर्कियक ये वो ही स्टाइल है जिसमें प्राचीन वर्डों को, जो विलुप्त हो चुके वर्डों को यूज किया जाता है चौसर की तरह, तो वो उसको इन्होंने फॉलो किया। सेकेंड पॉइंट क्या था, एज हिज लैंग्वेज वॉज हिज ओन इन्वेंशन ऑल्सो वाज ए स्टेंजा। लैंग्वेज की तरह, आर्कियक लैंग्वेज की तरह उन्होंने एक स्टेंजा को भी इन्वेंट किया। क्या, दिस वाज ए 9 लाइन स्टेंजा। राइमिंग स्कीम थी उसकी, ए बी बी सी बी सी सी, पूछी जा सकती है। 9 लाइन का स्टेंजा था जिसको इन्हीं के नाम पर चौसेरियन स्टेंजा बोला जाता है, और उसको दूसरा नाम होता है अलेक्जेंडरियन। अलेक्जेंडरियन क्या होता है कि जो 9th लाइन होती है इस चौसेरियन, सॉरी स्पेंसर स्टेंजा में, जो हेक्सामीटर में लिखी जाती है, पेंटामीटर में नहीं, हेक्सामीटर में लिखी जाती है, उसी लाइन को अलेक्जेंडरियन बोला जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ 6 iambic feet हेक्सामीटर में लिखी जाती है वाली लाइन को। तो स्पेंसर इन स्टेंजा में 9 लाइन होती है, उसकी राइम स्कीम ए बी बी सी सी होती है, और जो लास्ट की लाइन होती है उसको अलेक्जेंडरियन बोला जाता है। और लास्ट की लाइन किस फीट में लिखी जाती है, 6 iambic feet या हेक्सामीटर जिसको बोल सकते हैं, इसमें लिखी जाती है। ये 3-4 फैक्ट है, नोट कर लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर इन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है, 9 लाइन होती है। इसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी बी सी सी, और जो 9th लाइन है वो लिखी जाती है आयम्बिक हेक्सामीटर में, 6 लाइन फुट में, और उसी को बोला जाता है अलेक्जेंडरियन। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्पेंसर आर्डेंट लवर थे किसके, चौसर के। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि चौसर को फॉलो किया स्पेंसर ने, और स्पेंसर को फॉलो किया मिल्टन ने, और मिल्टन को फॉलो किया, आई फॉरगॉट द नेम, मिल्टन को अपना गुरु मानते थे, मैं नाम अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो मिल्टन को बोला गया पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, और उसी तरह स्पेंसर भी पोएटिक सन थे चौसर के, और विलियम ब्लेक ने फॉलो किया है मिल्टन को। क्या आपको पॉइंट क्लियर है, चौसर को फॉलो किया स्पेंसर ने, स्पेंसर को फॉलो किया मिल्टन ने, और मिल्टन को फॉलो किया विलियम ब्लेक ने। इतना आर्डेंट वे में फॉलो किया कि मिल्टन को बोला गया है पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, और स्पेंसर को वही उपाधि कंसीडर की गई है पोएटिक सन ऑफ चौसर, और विलियम ब्लेक भी अपने आप को पोएटिक सन ऑफ मिल्टन मानते थे, उन्होंने उसके ऊपर एपिक के ऊपर भी एक एपिक लिखा है। तो सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो स्पेंसर स्टेंजा क्लियर हो चुका। बात करते हैं अदर पोएट ऑफ दिस एज। इस एज में और भी पोएट रहे, कौन सी एज की बात कर रहे हैं, 1558 से 1625 तक की एज में, और इसमें कंटेम्परेरी रहे हैं कौन, जॉन डन। जॉन डन भी कंटेम्परेरी रहे हैं विलियम शेक्सपियर के, और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी, एलिजाबेथन, एलिजाबेथ तो डेड हो गई थी, लेकिन डन ने कुछ बहुत अच्छी पोएम्स लिखी है, प्रीच उपदेश की है, रोड सॉन्ग्स, सोनेट्स लिखे हैं, मैरिज पोएम्स लिखी है, एलिजीज लिखी है, सटायर लिखे हैं, विच आर कैरेक्टराइज बाई मच जीनुइन पोएटिक फीलिंग, हार्स मीटर्स उसने यूज किया है, दोज स्टेन एंड विस्मिल्ड इमेज। तो इनके इस क्वालिटी को, इन पोएटिक क्वालिटी में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसीट का यूज किया, फार फेच मैटर फर का यूज किया, और इसी को बाद में नाम दिया गया कि इस तरह की पोएम जो थी वो मेटाफिजिकल पोएम थी, तो मेटाफिजिकल स्कूल बन गया, और ये उसके इन्वेंटर थे। फिर जिस जिसने इस तरह की पोएम्स लिखी वो सब किससे जुड़ते चले गए, मेटाफिजिकल ऑफ स्कूल से जुड़ते गए। मेटाफिजिक्स क्या है कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ों को, बेमेल चीज़ों को मेटाफर या कंसीट के माध्यम से उसमें पोएम में यूज करना, जैसे जॉन डन कैनोनाइजेशन में सीधे गॉड से बात करते हैं, ठीक है, लवर को एक कैंपास की तरह वो एक्सप्रेस करते हैं कि जो लवर प्रेमी और प्रेमिका है वो एक कैंपास जो प्रकार होता है उसके पैरों के समान उससे कंपैरिजन किया। तो इस तरह का जो बेमेल फार फैच जो कंपैरिजन किया जाता है उसी को कंसीट बोलते हैं, और ये सब करने वाले जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे। और धीरे धीरे वो मेटाफिजिकल वर्ड जो 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ डॉक्टर जॉनसन ने,
तो सब जिसने इसको फॉलो किया उनको सब मेटाफिजिकल स्कूल से जोड़ दिया, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से जुड़े हुए थे। तो नॉन ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ शेक्सपियरियन एज में हमने जाना स्पेंसर और उनके वर्क के बारे में, साथ साथ फिलिप सिडनी के बारे में जो उन्होंने कुछ कोलैबोरेटेड वर्क स्पेंसर के साथ किए थे, ठीक है, और साथ साथ कुछ अदर पोएट में हमने जॉन डन के बारे में जाना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था फेरी क्वीन, स्पेंसर का स्पेंसर एंड स्टेंजा, और उनके अदर वर्क एमोरोटी क्या है, एक 88 सोनेट की सीरीज है, एस्ट्रोफेल क्या है, उनकी एक एलजी है जो फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी है, और सेफर्डस कैलेंडर एक स्टार्टिंग है जो एलिजाबेथन एलिजाबेथन एज में रोमांटिक ड्रामा डेवलप हुआ। ये रोमांटिक ड्रामा टर्म को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो गोरबड़क जो सेनेका के मॉडल पर बेस्ड थी, लेकिन साथ साथ वहाँ पर कुछ ह्यूमनिस्ट लोग भी थे जैसे फिलिप सिडनी, इनके बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि ड्रामा कैसा हो। वो सेनेका जिसमें खून खराबा ऐसी चीज़ दिखाई जाती है, ट्रेजडीज पर बेस हो, या फिर सॉफ्ट हो वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग हो, तो इस बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वो क्लासिक को फॉलो करे, सेनेका को फॉलो करे, या फिर न्यू रोमांटिक ड्रामा को फॉलो करे। ये सब चीज़ यहाँ पर चल रही थी। तो इसमें धीरे धीरे जानेंगे कि बिफोर शेक्सपियर बिगेन हिज करियर, जब तक शेक्सपियर अपने करियर को स्टार्ट कर सकते, एज ए प्ले राइट द रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज डेफिनेटली एस्टेब्लिश। शेक्सपियर के एज ए प्ले राइट वर्क करने से पहले ही ड्रामा की एक जो फॉर्म है जिसको रोमांटिक ड्रामा बोला गया है, इस टर्म को एलिबरेट करेंगे, वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी। किसने एस्टेब्लिश किया? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस रोमांटिक ड्रामा वॉज द अचीवमेंट ऑफ शेक्सपियर्स इमिडिएट प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर्स होते हैं किसी से पहले आने वाले। तो शेक्सपियर से जस्ट पहले जो एक्टिव ड्रामेटिस्ट थे, जिनको हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं, ए ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी मैन, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स का एक ग्रुप था। यूनिवर्सिटी विट जो वर्ड है वो तो 19th सेंचुरी में कॉइन किया गया। तो शेक्सपियर से पहले जो उसके प्रीडिसेसर हैं जिन्होंने प्ले राइटिंग में कंट्रोल किया, वो थे यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड कुछ स्कॉलर्स हु वर बीन ट्रेंड इन स्कूल फॉर क्लासिकल एंड लर्न मच देयर अबाउट ड्रामेटिक वर्कमैनशिप। जो क्लासिक्स इस उन्होंने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा, क्लासिक्स पढ़ा, साथ साथ ड्रामा को कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको लिखना है, उसके पूरे एस्पेक्ट को उन्होंने सीखा। एंड हु वाइल प्रॉफिटिंग देयर लेसन्स और डिस्कार्ड कर दिया देयर स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन एंड इंस्टेड कैरीज फॉरवर्ड द फ्री ट्रेडिशन ऑफ पॉपुलर स्टेज। उन्होंने सेनेका के जो मॉडल पर, क्लासिक मॉडल पर था, उनको डिस्कार्ड कर दिया और एक नए तरह का ड्रामा को वहाँ पर उन्होंने स्टेज पर ले आए, जिसको रोमांटिक ड्रामा के नाम से जाना गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले हम इसको जान लेते हैं, व्हाट इज़ क्लासिक फॉर्म ऑफ ड्रामा एंड व्हाट इज़ रोमांटिक टाइप ऑफ ड्रामा, जिसको हम प्ले भी कहते हैं। तो ये TGT स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो क्लासिफाइड नहीं कर पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते कि क्लासिकल प्लेस कौन से हैं और रोमांटिक प्लेस कौन से हैं। रोमांटिक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि जहाँ पर रोमांस हो, वो रोमांटिक कॉमेडी हो सकती है जिसमें रोमांस की बात आएगी, लव अफेयर की बात आएगी, हीरो हीरोइन के बीच प्यार पाने के लिए जो स्ट्रगल होगा वो रोमांटिक कॉमेडी का एक टाइप है। लेकिन अगर पूछा जाए रोमांटिक प्ले कौन से हैं जो रोमन मॉडल को फॉलो करते हैं, जो क्लासिकल मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं, उनको रोमांटिक प्ले बोला जाता है। तो इस बुक में यही एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिक ड्रामा क्या थे, इट अडेड, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे रिगोरियसली द यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड टोन, कि सब्जेक्ट की यूनिटी हो और उसकी टोन लैंग्वेज क्या हो, इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। एंड कीप द स्पेयर्स ऑफ ट्रेजडी एंड कॉमेडी एंटायरली सेपरेट, और वो ट्रेजडी को ट्रेजडी की कैटेगरी में रखते थे और कॉमेडी को कॉमेडी की कैटेगरी में रखते थे। तो कॉमेडी और ट्रेजडी दोनों को बिल्कुल सेपरेट वर्क की तरह यूज करते थे। कौन? ग्रीक ड्रामेटिस्ट। अ ट्रेजडी हैड टू बी ट्रेजडी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एंड इट हैड टू बी मेंटेन द प्रॉपर ट्रेजिक पिच एंड अवॉइड ऑल सजेशन ऑफ फेमिलियरिटी। वो ट्रेजडी को एक ट्रेजडी की तरह फर्स्ट टू लास्ट डील करते थे, उसमें सारे गुण ट्रेजडी के ही होने चाहिए और उसमें कोई ह्यूमरस एपिसोड नहीं अलाउ करते थे। मॉडर्न प्लेज में ऐसा हो जाता है कि ट्रेजडी के बीच में भी कुछ कॉमिक सीन आ जाते थे, लेकिन क्लासिकल ऐसा फॉलो नहीं करते थे। और उनका मानना था कि कॉमेडी हैड टू बी कॉमेडी, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह रखा जाएगा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट
एंड नो ट्रेजिक एलिमेंट, और उसमें कोई ट्रेजिक एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, हमने जब शेक्सपियर की प्लेस पढ़े उसमें देखा कि ट्रेजिडी के अंदर कॉमिक सीन आ जाते हैं और कॉमेडी के अंदर कुछ ट्रेजिक सीन आ जाते हैं, तो वो मिक्सअप हो जाता है, तो वो क्लासिकल ट्रेजिडी नहीं है। क्लासिकल प्लेस वही होते हैं जो स्ट्रिक्टली दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग रखे। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर क्लासिक प्लेस। फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया है देयर वॉज अ लिटिल और नो मोर ड्रामेटिक एक्शन, कि उसमें कम या बिल्कुल भी ड्रामेटिक एक्शन नहीं होंगे। ड्रामेटिक एक्शन ऐसी घटनाएं जो कंपोज करती है प्लॉट टेकिंग प्लेस आउट ऑफ द स्टेज, कि जो कुछ घटनाएं ऐसी बता दी जाती है जो स्टेज से बाहर हो जाती है और उनको कोरस के माध्यम से बताया जाता था, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ग्रीक प्लेस में नहीं होती थी। बींग रिपोर्टेड टू द ऑडियंस एंड डायलॉग्स एंड सेट नरेटिव, उनको ऑडियंस को डायलॉग के माध्यम से उसको बता दिया जाता था। थर्ड पॉइंट है जो ग्रीक प्लेस का है, इन द थ्योरी ऑल इवेंट्स द थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, कि ग्रीक प्लेस थ्री यूनिटीज को फॉलो करते थे कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही प्ले हो जाना चाहिए, एक टाइम फेज को रिप्रेजेंट करे वो, एक ही प्लेस की घटना को रिप्रेजेंट करे और एक ही एक्शन में उसका प्लॉट में चेंजेस ना आए, सब प्लॉट उसके अंदर ना हो, तो इन तीनों चीज़ का यूनिटीज होनी जरूरी है ग्रीक प्लेस में। ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन सी तीन यूनिटीज है जो ग्रीक प्लेस में होती थी। तो ये तीन पॉइंट बताए कि ट्रेजिडी को ट्रेजिडी के जैसे रिप्रेजेंट करना, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह, कोई ड्रामेटिक एक्शन स्टेज पर नहीं होता था, ठीक है, जिसको बाद में बताया जा सके, और साथ साथ तीनों यूनिटी को फॉलो करना, ये तीन फीचर आ गए थे ग्रीक प्लेस के। लेकिन ऐसा शेक्सपियर ने इसमें नहीं हुआ। द एंटायर स्टोरी ऑफ प्ले हैड टू बी कन्फाइंड ऑन ए सिंगल डे, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि यूनिटी ऑफ टाइम क्या है, कि एक सिंगल डे में ही पूरी घटना को रिप्रेजेंट किया जाए, टू बी सिंगल सीन में रिप्रेजेंट किया जाए एक जगह पर ही, एंड टू बी ए सिंगल स्टोरी, उसके अंदर एक ही स्टोरी हो, उसके अंदर कुछ और मिक्सअप स्टोरीज का बिल्कुल भी ना हो या सब प्लॉट ना हो, इन्हीं चीज़ को थ्री यूनिटीज बोला गया है। और ग्रीक और एरिस्टोटल ने इन्हीं थ्री यूनिटीज को अपने वर्क में फॉलो किया, अपनी ट्रेजिडीज में फॉलो किया, और ये कंसेप्ट बन जाते हैं ग्रीक प्लेस के। अब जानेंगे रोमांटिक प्लेस क्या होते हैं। मेक फ्री यूज ऑफ वैरायटी इन थीम, उनकी थीम में वेरिएशन हो सकता था, कभी कभी ब्लेंड मिक्सअप हो जाता था ट्रेजी और कॉमेडी का, इंसिडेंट्स का, कैरेक्टर भी ऐसे ही यूज करते थे। ऑफ कोर्स वो बोथ एक्शन एंड नरेटिव दोनों चीज़ को यूज करते थे, कि घटनाओं को जो बाहर हुई है उनको भी एक्सप्रेस करते थे, और ज़्यादातर घटनाओं को स्टेज पर ही दिखा देते थे। यहाँ पर स्टेज पर दिखाई जाने वाले घटनाओं से मतलब है कुछ ऐसे सीन्स जो स्टेज पर नहीं दिखाए जा सकते थे, लेकिन रोमांटिक प्लेस में उनको दिखाया जाता था, ग्रीक प्लेस में नहीं दिखाया जाता था। और तीसरा असेंशियल पॉइंट है कि इन्होंने थ्री यूनिटीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। ठीक है, इट रेपुडेटेड द थ्री यूनिटीज के रूल को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। अलाउ द स्टोरी ऑन ओकेजन टू एक्सटेंड ओवर ए मंथ, आप शेक्सपियर के प्लेस में देखेंगे कि स्टोरीज कुछ महीनों तक की घटनाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। टेम्पेस्ट में देखेंगे कि 12 साल तक की घटनाओं को वो कवर कर रहे हैं, ग्रीक प्लेस में ऐसा नहीं होता था। साथ साथ एक ही प्लेस, यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो नहीं करते थे, उनके सीन अलग अलग जगह, अलग अलग देश और अलग अलग लोकेशन पर सेट होते थे। आपने देखा होगा मैकबेथ और हेमलेट में, कभी वो महल के अंदर है, कभी दूसरे देश साइप्रस में चले गए, कभी किसी किले में चले गए, तो ऐसे लोकेशन भी उनकी रिप्रेजेंट की गई है अलग अलग। और तीसरा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सब प्लॉट, एक ही कहानी नहीं होती थी, कभी कभी इन प्लेस के अंदर दूसरी कहानी भी होती थी, तो इस तरह से इन्होंने थ्री यूनिटीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। तो जो ग्रीक रूल्स को फॉलो नहीं किए गए उन प्लेस को बोला गया है रोमांटिक प्लेस। मेरी ऑडियंस इसको समझ ले कि डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल प्लेस, जिन्होंने क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया, थ्री यूनिटीज को फॉलो किया, ट्रेजिडी और कॉमेडी को अलग अलग कैटेगरी में रखा, लेकिन रोमांटिक प्लेस वो बन गए जिसमें ट्रेजिडी के अंदर कॉमिक सीन भी डाले गए और कॉमिक सीन के अंदर ट्रेजिक सीन भी डाले गए, कैरेक्टर्स अलग अलग तरह के होते थे, और तीनों यूनिटी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा क्लासिक एंड रोमांटिक प्लेस में। तो आगे चलते हैं शेक्सपियर्स प्रीडिसेसर,
वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर टीजीटी एस्पेक्ट। अगर आपको इनकी एक कहानी एक जर्नल वे में समझ में आ गई तो आप शेक्सपियर के प्लेज को आसानी से समझ सकते हैं। तो शेक्सपियर के प्रेडिसेसर जो उनसे पहले आए और प्ले राइट में बहुत कुछ करके गए, तो वो कौन थे? इट विल बी सीन दैट स्पेशल इम्पोर्टेंस अटैच हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से दी गई है प्ले राइटिंग में कमिंग जस्ट बिफोर शेक्सपियर ऐसे लोगों को जो शेक्सपियर से ठीक पहले आए एंड प्रिपेयर द वे फॉर हिम और शेक्सपियर के लिए पूरा रास्ता तैयार कर दिया। कौन लोग थे वो? तो ये एक ग्रुप बना हुआ था, दे वर कॉमनली नोन बाय द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। इस वर्ड को कॉइन किया है जॉर्ज सेंट्सबरी ने 19th century में। उससे पहले तक इनको यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स जानते थे, एजुकेटेड थे वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो उन लोगों को प्रीडिसेसर्स में जो गिना जाता है वो 7 लोगों का एक ग्रुप था, स्कॉलर्स थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और उनको नाम दिया गया यूनिवर्सिटी विट्स 19th century में। उनके क्या नाम थे? जॉन लिली जो सबसे पावरफुल थे, जो इस ग्रुप के लीडर भी थे, थॉमस काइड, ये किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है, थॉमस काइड, जॉर्ज पीले ऑक्सफोर्ड से थे, थॉमस लोज, रॉबर्ट ग्रीन जिन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को डेवलप किया, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नेस, ये लगभग सभी विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे। थॉमस कैड को अलग रख दे, ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं थे। बाकी जॉन लिली, जॉर्ज पीले और थॉमस लोज ये ऑक्सफोर्ड से थे, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नेस कैम्ब्रिज से थे। इसमें टैलेंटीज के बेस पे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल थे वो क्रिस्टोफर मार्लो थे जिन्होंने केवल ट्रेजडीज ही लिखी। ये 7 नाम आप मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिए, याद रहने चाहिए। इसमें जो मेजर नाम है वो जॉन लिली का है, थॉमस किड का है, स्पेनिश ट्रेजडी लिखी इन्होंने हेमलेट को के वर्क को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और क्रिस्टोफर मार्लो, इन्होंने सभी ट्रेजडीज लिखी और विलियम शेक्सपियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्रिटिसाइज किया बोम्बास्टिक लैंग्वेज में, और आगे जानते हैं। तो ये शेक्सपियर के प्रेडिसेसर थे जिन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को स्टार्ट किया, सॉरी रोमांटिक प्लेस को स्टार्ट किया और शेक्सपियर के लिए पूरा रास्ता तैयार कर दिया। अब इनमें इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा शेक्सपियर के पर इन्फ्लुएंस था वो था लिली एंड मार्लो का। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कैसे लिली और मार्लो ने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया। लिली वाज वाइडली नोन एज द ऑथर ऑफ प्रोज रोमांस। इनका एक वर्क था जो प्रोज रोमांस की कैटेगरी में होता है। प्रोज रोमांस एक लिटरेरी टर्म है, एक ऐसा रोमांस जो पेस्टोरल सेटिंग में है और जहाँ पर हीरोइन और हीरो स्ट्रगल करते हैं अपना प्यार पाने के लिए। तो ऐसे वर्क को प्रोज रोमांस बोला गया है। इससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने काफ़ी वर्क लिखे। तो इनका एक प्रोज रोमांस था जिसका नाम था यूफ्यूज। यूफ्यूज में उन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की प्रोज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीथेसिस एलिट्रेशन का यूज़ किया और ये एक स्टाइल बन गया और इसी को बोला गया यूफ्यूज्म। यूफ्यूज्म बोला गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनका वर्क था यूफ्यूज, जिसका पूरा नाम है द एनाटॉमी ऑफ विट। यूफ्यूज का कंप्लीट टाइटल जो है यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट। किसका वर्क है? जॉन लिली का, जो एक प्रोज रोमांस है और इसमें एक स्टाइल होता है राइटिंग का जो शेक्सपियर ने काफ़ी फॉलो किया, एंटीथेसिस और एलिट्रेशन का यूज़ करना और लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाना, ठीक है। बाकी काफ़ी ऑथर्स ने इसको फॉलो किया है। तो लिली ने हेल्प की टू गिव कॉमेडी एन इंटेलेक्चुअल टोन। शेक्सपियर की जितनी कॉमेडी थी उसमें जो एक इंटेलेक्चुअल टोन दी गई है उसका जो क्रेडिट जाता है वो जॉन लिली को ही, इस लैंग्वेज को ही जाता है जो उन्होंने यूफ्यूज में यूज़ की, इसमें डेवलप की, इसमें इन्वेंशन की। उस लैंग्वेज के उस टोन के बेसिस पर ही कॉमेडीज पॉपुलर हुई, इंटरेस्टिंग हुई। तो लिली का ये कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ जान लेते हैं ओवर द कंटिन्यूअल यूज ऑफ पन, इसमें किस तरह की यूज लैंग्वेज यूज की गई। पन का यूज किया गया, कंसीट्स का यूज किया, वर्बल फायरवर्क यूज की गई। एंटीसिपेटेड शेक्सपियर ने इनको अर्ली कॉमेडीज में यूज किया जैसे लव लेबर लॉस्ट और मिडसमर नाइट में। इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस इसके वर्क में दिखता है। तो इसलिए बोला जाता है कि लिली का इन्फ्लुएंस शेक्सपियर की कॉमेडी पर काफ़ी पड़ा। लिली शेक्सपियर आल्सो लर्न हाउ टू कंबाइन, कि कैसे जोड़ा जाए अ क्रूअल, ए कोर्टली मेन प्लेट विद एपिसोड्स ऑफ रस्टिक ब्लंडर्स एंड
काउलिस, कि कैसे एक कोर्ट वाले एपिसोड में रस्टिक और ब्लंडर्स गांव देहाती और ऐसी गड़बड़ की घटनाओं को कैसे जोड़ा जाए, ये भी उन्होंने लिली से ही सीखा। लिली सेट अ फैशन विच अदर्स इंक्लूडिंग शेक्सपियर फॉलोड इन कॉमेडी वाज अनडिनाइनेबली शेक्सपियर फर्स्ट मास्टर। आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि कॉमेडी में लिली ही शेक्सपियर के फर्स्ट मास्टर थे। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। हु इन्फ्लुएंस फॉर शेक्सपियरियन कॉमेडीज, तो उसको जॉन लिली ने इन्फ्लुएंस किया। उनका जो वर्क था यूफ्यूज, उसमें जो उन्होंने यूफ्यूस्टिक स्टाइल यूज किया है उसको शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज में यूज किया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कैसे प्लॉट्स को मर्ज करना है। बात करते हैं मार्लो ने कैसे शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया। अगर आपने इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बना ली तो शेक्सपियर को पढ़ना बहुत ईजी है। तो मार्लो एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, इवन ग्रेटर मैन ऑफ फियर्स इमेजिनेशन, जिसकी इमेजिनेशन बहुत वाइड है, इमेंस थॉट है, इरेगुलेटेड पावर है उसके अंदर। हु लिव्ड अ वाइल्ड बोहेमियन लाइफ स्टिल यंग वाज किल्ड इन अ ड्रंकन ब्राउड, एक सड़क की रात में ड्रंकन घटना में दारू पिए कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे, उनकी घटना में उसको चाकू लग जाता है और वो अर्ली एज में ही मर जाता है। काफ़ी टैलेंटेड थे, मोर ऑफ अ लिरिक पोएट दैन अ ड्रामेटिस्ट, वो ड्रामेटिस्ट के साथ साथ एक लिरिक पोएट भी थे, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है। और उनके जो ग्रेट वर्क है वो टम्बरलैन द ग्रेट, डॉक्टर फस्टस, द जियो ऑफ माल्टा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स बनी, एडवर्ड सेकेंड और एडवर्ड थर्ड भी इनका वर्क है। तो इन्होंने केवल और केवल ट्रेजडीज लिखी। एक क्वेश्चन बन जाता है कि द प्ले राइट हु रोट ओनली ट्रेजडीज, तो इसका आंसर होगा क्रिस्टोफर मार्लो। शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे लेकिन अर्ली एज में ही एक ब्रावल एक झगड़े में उनकी डेथ हो गई थी। डिस्पाइट द बोम्बास्ट एंड एक्जावेग्रेंस ऑफ विच दे वर फ्रीक्वेंटली मार्ड, एक बढ़ा चढ़ाकर यूज की जाने वाली लैंग्वेज यूज करते थे, प्री एमिनेंस अमंग आवर प्री शेक्सपियरियन प्ले राइट, और जो शेक्सपियर से पहले प्ले राइट थे उसमें सबसे ज़्यादा वो प्रोमिनेंट थे। उन्होंने शेक्सपियर को और कैसे हेल्प की, ही हेल्प शेक्सपियर, उनकी जो शेक्सपियर की जो पोएम है लॉन्ग नरेटिव पोएम विनस एंड एडोनाइस, इनकी सबसे पहला वर्क यही है जो पब्लिश हुआ 1593, याद रख लीजिएगा 1593 में इनकी पहली लॉन्ग वर्क आई थी जो पब्लिश हुई विनस एंड एडोनाइस, और इसका पार्ट जो है इंस्पायर्ड है मार्लो के हीरो एंड लिएंडर से। क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है कि विनस एंड एडोनाइस किससे इंस्पायर थी, क्रिस्टोफर मार्लो के एक पोएम है हीरो एंड लिएंडर, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिखी है। हालांकि विनस एंड एडोनाइस का जो सोर्स है वो ओविड्स का मेटामॉर्फोसिस है, लेकिन इसका एटलीस्ट हाफ पार्ट क्रिस्टोफर मार्लो के हीरो एंड लिएंडर से ही इंस्पायर्ड है, उसी को बेस बनाकर उन्होंने ये वर्क लिखा है विनस एंड एडोनाइस। कब हुआ था पब्लिश, 1593 में। हिज जो शेक्सपियर का जो वर्क है रिचर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकेंड आर क्लियरली बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ क्रॉनिकल प्लेस प्रोवाइडेड बाय एडवर्ड सेकेंड, क्रिस्टोफर मार्लो का ट्रेजडी है एडवर्ड सेकेंड और इसी के हिस्टोरिकल बेस्ड पर ही इन्होंने वर्क लिखे हैं रिचर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकेंड जो हिस्टोरिकल प्ले की कैटेगरी में आती है शेक्सपियर के। तो यहाँ पर शेक्सपियर के दो वर्क रिचर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकेंड क्रिस्टोफर मार्लो के एडवर्ड सेकेंड की ही क्रॉनिकल सोर्स पर बेस्ड है। तो इन वर्क में शेक्सपियर को ऐसे इन्फ्लुएंस किया और डायरेक्ट उसको हेल्प की इन वर्क को लिखने में। जो इनका वर्क है जी ऑफ माल्टा, उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने एक ट्रेजिक कॉमेडी लिखी है, क्या द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द जी ऑफ माल्टा। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक ट्रेजिक कॉमेडी है एक रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। जी ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने वर्क लिखा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो विनस एंड एडोनाइस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, ये सब इंस्पायर्ड है क्रिस्टोफर मार्लो से ही या उसके वर्क से ही। उम्मीद है ये फैक्ट आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं शेक्सपियर वर्क, शेक्सपियर के वर्क पढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं इनकी लॉन्ग नरेटिव पोएम के बारे में। सबसे पहले इन्होंने दो लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी, विनस एंड एडोनाइस एंड लुक्रीज, रेप ऑफ लुक्रीज। देखिए विनस एंड एडोनाइस इनकी आई थी 1593 में,
जो उन्होंने डेडिकेट की है WH हेनरी राइथोसली को, जो उनके पैट्रोन थे। पैट्रोन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इनको फाइनेंशियली हेल्प करता है और इनसे उनके कनेक्शन होते हैं और ये उनको खुश करने के लिए लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति को पैट्रोन बोला जाता है। तो वो अर्ल ऑफ पम्ब्रूक थे, WH हेनरी राइथोसली, और उन्हीं को डेडिकेट किया है माई फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, ये लाइन क्वेश्चन TGT 2021 में आया था। तो वो वर्क है विनस एंड एडोनाइस, जो मार्लो के हीरो एंड लियंडर से इंस्पायर है, कब आया था 1593 में, ये फैक्ट नोट करते रहिएगा। और विनस एंड एडोनाइस जो वर्क लिखा गया है वो 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है, ऐसी स्टेंजा फॉर्म जिसमें 6 लाइन है उसमें लिखा गया है, और इसमें कितने स्टेंजाज है, 199 स्टेंजाज है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने स्टेंजाज है, 199 है, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी लाइन भी बन जाती है, इस पोएम में इतनी लाइन्स है, तो कौन से स्टेंजा फॉर्म में लिखा है, 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखा है। आप यहाँ देखेंगे विनस एंड एडोनाइस 1 2 3 4 5 6 लेटर है एडोनाइस में, तो 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में इन्होंने ये वर्क लिखा है। जो इनका वर्क है रेप ऑफ लुकरीज, पूरा नाम नहीं लिखा है, ये पब्लिश हुआ था 1594 में, ये इनकी सेकेंड लॉन्ग नरेटिव पोएम है और इसमें 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, और इनका ये वर्क लिखा गया है 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म में, और 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म को चौसेरियन स्टेंजा बोलते हैं, ठीक है। तो रेप ऑफ लुकरीज किस फॉर्म में लिखा गया है, 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म में, 7 लाइन स्टेंजा को बोलते हैं चौसेरियन स्टेंजा या राइम रॉयल। तो इनकी पहली 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम थी, साथ में इन्होंने कुछ सोनेट्स लिख लिए थे लेकिन पब्लिश वो बाद में हुई, तो इन्होंने लिखे हैं लगभग 154 सोनेट्स। द फर्स्ट 126 आर एड्रेस टू मैन, जो उनके पैट्रोन थे WH, और रिमाइंडर जो है 127 से 154 तक वो एड्रेस किए गए हैं एक वुमेन को, जो डार्क लेडी थी, प्रोबेबली मैरी फिटेन। सोनेट हैव गिवन राइज टू एंडलेस डिस्कशन, किया है उन्होंने अपने सोनेट्स में, ठीक है। लव ब्रोकर फ्रेंडशिप, वी कैन नॉट इवन बी श्योर वट एवर दे डील, रियल और इमेजनरी, वो जो टॉपिक्स थे वो रियल थे या इमेजनरी थे, बट ये इनके सबसे पहले वर्क है विनस एंड एडोनाइस रेप ऑफ लुकरीज, जो 6 और 7 स्टेंजा फॉर्म में लिखे हैं, और उस समय तक इन्होंने अपने सोनेट्स भी लिख लिए थे लेकिन जो पब्लिश हुए वो 1609 में पब्लिश हुए। 154 सोनेट थे, 126 उन्होंने अपने पैट्रोन एक व्यक्ति को एड्रेस किया जिसका नाम है WH विलियम हर्बर्ट या हेनरी राइथोसली, और बाकी के जो है 127 से 154 तक के सोनेट है 26 वो रेफर किए हैं एक वुमेन को, एक डार्क लेडी को, मैरी फिटेन। तो दीज आर द फैक्ट अबाउट हिज वर्क। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो इनके जो प्लेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट एज ए ड्रामेटिक वर्क ही कंप्राइज 37 प्लेज, उन्होंने कितने प्लेज लिखे, 37 प्लेज लिखे, और इनकी जो स्टेज कैटेगरी है वो 24 ईयर में डिवाइड है। इनका जो प्रोफेशनल लाइफ स्पैन है बिगिनिंग अराउंड 1588 से लेकर 1516-11 तक का जो टाइम है वो 24 ईयर कवर करता है, ठीक है। तो ये लाइफ स्पैन है, हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि इनके कौन कौन से वर्क किस किस फेज में आए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि शेक्सपियर के प्रेडिसेसर कौन कौन थे जिसको यूनिवर्सिटी विट्स बोला गया है, क्वेश्चन कुछ आएंगे, साथ साथ उनके नाम क्या है, उनमें सबसे पावरफुल लिली थे, साथ साथ उनमें जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और ट्रेजडीज लिखी वो क्रिस्टोफर मार्लो थे, उन्होंने कैसे शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया वो सब चीज़ हमने जाना, शेक्सपियर के अर्ली वर्क्स में क्या क्या आते हैं, उनकी लॉन्ग नरेटिव पोएम्स आती है वो किससे इन्फ्लुएंस थे, कौन कौन से वर्क यूनिवर्सिटी विट्स से इन्फ्लुएंस थे, साथ साथ इनके सोनेट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल है, तो शेयर जरूर करें। थैंक यू। टू कवर वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर के वर्क्स कौन कौन से हैं, सो लेट्स बिगिन। ये एज कवर करती है 1558 से 1625 तक, और सबसे पहले इसमें बात की गई है जो प्रीवियस वीडियो का लास्ट पार्ट था, कि सबसे पहले इनकी 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम आई जिसका नाम था विनस एंड एडोनाइस, जो 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, एंड रेप ऑफ लुकरीज जो 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। ये सबसे पहले इनकी 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम आई थी। इसके बाद इनके 154 सोनेट्स आए, जिसको एक सोनेट सीक्वेंस का नाम दिया गया कि इनकी सोनेट सीक्वेंस में कितने सोनेट थे, 154। जो 154 सीरीज में
स्टार्टिंग के 1 से 126 तक के सोनेट है वो फ्रेंडशिप को डेडिकेट है, और जो उन्होंने अपने पैट्रोन WH को डेडिकेट किए हैं, और इस सीरीज के बाकी के 26 सोनेट सोनेट नंबर 127 से 154 इन्होंने डेडिकेट किए हैं, एड्रेस किए हैं एक लेडी को, फेयर यूथ को रिप्रेजेंट करती है वो, जो प्रोबेबली इटालियन एक डांसर है जिसका नाम है मैरी फिटेन, उसको एड्रेस करके इन्होंने बाकी के अपने 26 सोनेट्स लिखे हैं। इसमें भी कुछ फैक्ट आ जाते हैं कि जो लास्ट के 2 सोनेट्स हैं, सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये एड्रेस किए गए हैं लव गॉड क्यूपिड को। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ 154 सोनेट जो पब्लिश हुए थे 1609 में। यहाँ पे एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि इनके जो सोनेट थे 1609 में पब्लिश हुए, टीटी थॉमस थोरपे नाम के पब्लिशर ने इनको पब्लिश किया था, ये याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो पब्लिश वर्क है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर आएगा विनस एंड एडोनाइस, जो पब्लिश हुआ था 1593 में, लॉन्ग नरेटिव पोयम है। सेकेंड पब्लिश वर्क था इनका रेप ऑफ लुक्रीज, जो 94 में पब्लिश हुए, और उसके बाद इनके ड्रामा लिखे गए और वो परफॉर्म किए गए, तो बाकी वर्क्स आ जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन लॉन्ग नरेटिव पोयम और सोनेट्स के अलावा इन्होंने 37 प्लेस लिखे हैं, और इनका जो करियर स्पैन रहा है वो लगभग 24 साल का रहा है। ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट हमें याद रखना होगा कब से इन्होंने वर्क शुरू किया था, 1558 से 1611 और 1612, 24 ईयर का इनका करियर है। और इसका कैसे कैसे डिवीजन करेंगे हम, तो पेज नंबर 61 पर है, देयरफॉर से इन जनरल टर्म दैट 12 ईयर ऑफ इट बिलोंग टू द 16th सेंचुरी, और बाकी के जो 12 ईयर है वो 17th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। 1588 से 1600 तक का पीरियड 16th सेंचुरी के 12 साल हुए, और 1601 से 1612 तक के जो इनका पीरियड है वो 17th सेंचुरी का पार्ट रहे हैं। तो 12 साल इधर और 12 साल इधर, टोटल 24 साल का इनका करियर रहा है जिसमें उन्होंने ड्रामास लिखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनके इस 24 साल के करियर को क्रिटिक्स ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है अर्ली कॉमेडीज, सेकंड पार्ट है सीरियस कॉमेडीज, थर्ड पार्ट है ग्रेट ट्रेजडीज, और लास्ट पार्ट है रोमांस पीरियड। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पीरियड जो इनका बिगिन होता है 1593 तक के पीरियड को, जो इनके अर्ली एज बोली गई है। क्या नाम दिया गया इसको? अर्ली एज, जो एक एक्सपेरिमेंटल एज है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल एज किसको बोला गया है या अर्ली एज किसको बोला गया है, वो पीरियड जिसमें इन्होंने अर्ली प्लेस लिखे, जो जनरली मानी जाती है 1588 से 1903 तक। तो इस टाइम में शेक्सपियर क्या कर रहे थे? अप्रेंटिस कर रहे थे। अप्रेंटिस किसी के साथ रहकर किसी कार्य को करके देखना, उसको सीखना, अप्रेंटिसशिप चल रही थी इनकी। और उन्होंने क्या किया? रिविज़न किया किसका? ओल्ड प्लेस का। जो ओल्ड प्लेस थे ग्रीक या रोमन या जो रोम यूनिवर्सिटी विट्स ने लिखे थे, उन्हीं को वो रिवाइज कर रहे थे, और उन्हीं में कुछ करेक्शन कर उन्हीं को कंबाइन कर उन्होंने वर्क लिखना स्टार्ट किया। और ऐसे इनकी जो पहले वर्क था वो था हेनरी सिक्स। अब हेनरी सिक्स में 3 पार्ट्स है, यहाँ पर प्ले को काउंट करते चले जाएंगे और हम इनका नाम याद रखते चले जाएंगे। हेनरी सिक्स, ये हेनरी जो सीरीज है और रिचर्ड जो सीरीज है, ये एंशियंट ब्रिटेन के राजा रहे हैं, रूलर रहे हैं, और उनके नाम पर ये है। तो ये क्रॉनिकल प्लेस है, और इनको दूसरा नाम कहेंगे हम हिस्टोरिकल प्लेस है, वो हिस्ट्री पर बेस्ड है। तो हेनरी सिक्स इनका सबसे पहला वर्क समझा जाता है, और हेनरी सिक्स में भी पार्ट सेकंड सबसे पहले लिखा गया, फिर उसके बाद आया पार्ट थर्ड, और उसके बाद आया पार्ट फर्स्ट। तो हेनरी सिक्स में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। आप 6 का हाफ कर देंगे तो 3 नंबर आ जाएगा, तो इतने ही पार्ट इनके प्ले हेनरी सिक्स में है, और सबसे पहले वर्क कंसीडर किया जाता है हेनरी सिक्स का पार्ट सेकंड। उसके बाद इन्होंने लिखा टाइटस एड्रोनिकस,
इनके बाद इन्होंने कहा टू दिस पीरियड बिलोंग टू हिज फर्स्ट कॉमेडीज, इसी पीरियड में जो इनका फर्स्ट फेज चल रहा है अर्ली प्लेज का, उसमें इनकी पहली कॉमेडीज आई। और पहली कॉमेडीज किसको कंसीडर किया जाता है, फैक्ट नोट कर लीजिएगा, जिस पर इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था किसका, लिली का। जॉन लिली जो यूनिवर्सिटी विट्स में से एक प्रोमिनेंट प्ले राइटर थे, प्रोज रोमांस भी लिखे उन्होंने, तो उनका इन्फ्लुएंस था, जो इन्फ्लुएंस दिखा उनकी फर्स्ट कॉमेडी किसको कंसीडर किया जाता है, लव्स लेबर लॉस्ट, जो एक कैटेगरी है कॉमेडी ऑफ मैनर की। मेजर कैटेगरी में वो एक कॉमेडी है, लेकिन सब कैटेगरी में वो कॉमेडी ऑफ मैनर है, तो ये सबसे पहले इनकी कॉमेडी है। तो विच इज कंसिडर द फर्स्ट कॉमेडी, कंसिडर वर्ड जरूर यूज किया जाएगा, तो लव लेबर लॉस्ट इज कंसिडर्ड एज विलियम शेक्सपियर फर्स्ट कॉमेडी। साथ साथ उनका एक और प्ले कॉमेडी के रूप में आया, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। उसके बाद एक इनकी बहुत सबसे छोटा वर्क है, सबसे छोटा प्ले है इनका, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मिस आइडेंटिटी पर ये बेस्ड है। तो इनकी तीन कॉमेडीज आई, लव लेबर लॉस सबसे पहली कॉमेडी समझी जाती है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना साथ में आई, और सबसे छोटा प्ले जो उनका है वो है कॉमेडी ऑफ एरर। ये तीनों कॉमेडीज इसी फेज में आई। तो अर्ली जो पीरियड है वो एक्सपेरिमेंटल पीरियड भी बोला जाता है इसको, अप्रेंटिसशिप चल रही थी, इन्होंने पुराने प्लेज को ही मॉडिफाई कर स्टार्ट किया। साथ साथ आई इनका मिड समर नाइट्स ड्रीम, जो एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में पॉपुलर है, और उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल ड्रामा यूज किया जो क्रॉनिकल हिस्ट्री पर बेस था, जो मार्लो के रिचर्ड थर्ड जो मार्लो के हेल्प से लिखा गया था उन्होंने, सिंगल एंड वेरी यूथफुल ट्रेजडी रोमियो एंड जूलियट भी इसी फेज में आई। अर्ली पीरियड में इनके हेनरी सिक्स के थ्री पार्ट, टाइटस एंड एड्रोनिकस, फिर इनकी फर्स्ट कॉमेडी लव लेबर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना सबसे छोटा प्ले, कॉमेडी ऑफ एरर एंड मिडसमर नाइट ड्रीम्स इनकी एक रोमांटिक कॉमेडी इसी फेज में आई। साथ साथ हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड सेकंड भी इसी फेज में आया, जो मार्लो से इन्फ्लुएंस था एडवर्ड सेकंड से। और इस फेज में इनकी एक सिंगल ट्रेजडी आई जो यूथफुल ट्रेजडी के नाम से जानते हैं, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, आई होप ये प्लेज के नाम आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपके जहन में बिल्कुल याद रह जाएंगे, मेमोरी में बिल्कुल फ्लैश करते रहेंगे। फर्स्ट कॉमेडी क्या थी इनकी, लव्स लेबर लॉस्ट, फर्स्ट प्ले कौन सा था, हेनरी सिक्स पार्ट टू, और पहली ट्रेजडी जो उन्होंने लिखी वो अर्ली फेज में लिखी, जो यूथफुल ट्रेजडी के नाम से जानते हैं, रोमियो एंड जूलियट। तो इस फेज में उन्होंने कुल 10 प्लेज लिखे, कितने, 10 प्लेज। तो 10 प्लेज के नाम हमने यहाँ कवर किए, थ्री पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स, टाइटस एड्रोनिकस्ट, पहली कॉमेडी लव लेबर लॉस्ट, मैं बार बार रिपीट करूंगा, फर्स्ट कॉमेडी लव लेबर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, शॉर्टेस्ट कॉमेडी कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमांटिक कॉमेडी अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, और साथ साथ रिचर्ड थर्ड हिस्टोरिकल प्ले है जो मार्लो के एडवर्ड सेकंड पर बेस्ड है, और इनकी पहली यूथफुल ट्रेजडी रोमियो एंड जूलियट इस अर्ली फेज में आई, जिसकी ड्यूरेशन है 1588 से 1903 तक। सेकंड फेज की स्टार्ट करते हैं, इन द सेकंड फेज जो बिगिन होती है 1594 से 1600 तक, वो पहले 6 साल चले गए, नेक्स्ट 6 ईयर है 94 से 1600 तक, द पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेज। इस फेज में क्या लिखा उन्होंने, ग्रेट कॉमेडीज लिखी, ग्रेट ट्रेजडीज नहीं, ग्रेट कॉमेडीज का फेज था, साथ साथ क्रॉनिकल प्ले जो हिस्टोरिकल प्ले थे उसका फेज था। तो इन्होंने क्या लिखा, रिचर्ड थर्ड के बाद इन्होंने रिचर्ड सेकेंड लिखा, किंग जॉन, ये दोनों ही हिस्टोरिकल प्ले है, और इनकी एक बहुत पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में भी रखी जाती है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या आप बता सकते हैं इसका सोर्स क्या था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्रिस्टोफर मार्लो की एक ट्रेजडी थी द जी ऑफ माल्टा, उसी को बेस बनाकर इन्होंने ये कॉमेडी लिखी है, ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में आती है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। फिर इनका दूसरा सीरीज स्टार्ट हुई हिस्टोरिकल प्लेज की, हेनरी फोर्थ, उसमें दो पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। देखिए हेनरी सिक्स में थ्री पार्ट थे, सिक्स का हाफ करेंगे 3 आ जाएगा, और अगर हेनरी फोर्थ की बात करेंगे 4 का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हेनरी फोर्थ में 2 पार्ट थे, हेनरी सिक्स में 3 पार्ट थे। फिर एक इनका वक्त था हेनरी फिफ्थ, तो अभी तक कितने हेनरीज हुए, हेनरी सिक्स, हेनरी फिफ्थ, हेनरी फोर्थ,
साथ साथ रिचर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड और किंग जॉन भी इनका हिस्टोरिकल प्ले ही है, ये भी एक रूलर रहे हैं। इनके साथ साथ और कौन सी कॉमेडीज आई मर्चेंट ऑफ वेनिस के अलावा, द टेमिंग ऑफ द श्रू काफ़ी पॉपुलर है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये जो मैरी वाइफ ऑफ विंडसर है इसमें फार्स का काफ़ी यूज किया है और इसमें कैरिकेचर कैरेक्टर है फॉल्स स्टाफ क्लाउन है। और इसके बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये किस एज को रिप्रेजेंट करता है, किस समय को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बाकी प्लेज हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये शेक्सपियर के समय के ही ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेक्सपियरन सेटिंग में ही इसको लिखा गया है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फैशन एंड फेड को ये रिप्रेजेंट करता है। और एक और पॉपुलर कॉमेडी मच अडो अबाउट नथिंग, ये इनकी काफ़ी पॉपुलर कॉमेडी है, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट सो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेडीज जो इस ग्रेट कॉमेडीज के पीरियड में लिखे गए। एक बार रिकैप कर लेते हैं, सबसे पहले सेकंड फेज में ग्रेट कॉमेडीज और क्रॉनिकल प्लेज के फेज में इन्होंने रिचर्ड सेकंड लिखा, किंग जॉन, ट्रेजिक कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर हेनरी फोर्थ के दो पार्ट्स आए और हेनरी फिफ्थ, और उसके बाद इनकी ग्रेट कॉमेडीज द टेमिंग ऑफ श्रू, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, विंडसर एक जगह है इमेजिनरी, मच अडो अबाउट नथिंग डार्क कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, एज यू लाइक इट रोमांटिक कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट ये इनके पॉपुलर प्लेस है जो लास्ट फेज में आए अराउंड 1599 में ये प्रिंट हुए और 1600 तक इनको कंसीडर किया जाता है, कोई ईयर फिक्स नहीं है। सो दीज आर द पॉपुलर 11 प्लेस दैट ही रोट इन ग्रेट कॉमेडीज पीरियड ऑफ 1594 टू 1600। सेकेंड फेज में हमने देखा कि 11 प्लेस को हमने जाना कि कौन कौन से प्लेस विलियम शेक्सपियर ने लिखे, रिचर्ड सेकेंड, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ के दो पार्ट, हेनरी फिफ्थ, टेमिंग ऑफ श्रू, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट भी इनकी रोमांटिक कॉमेडी है। आगे बढ़ते हैं, इनका थर्ड फेज स्टार्ट होता है और जो काफ़ी प्रोमिनेंट है एज स्टार्ट होती है 1601 से 1608 तक, 1600 से 1607-8 तक का पीरियड है और इस पीरियड का क्या नाम दिया गया, द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजडीज, पिछले पीरियड का नाम था द पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज और ये पीरियड है पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजडीज। तो इसमें इन्होंने सबसे अपनी पावर ऑफ शेक्सपियर की जो पावर है वो यहीं पर रिप्रेजेंट की गई, ड्रामेटिक पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, हिज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो इसी फेज के अपने वर्क में दिखाई दिया। और इसके जो मेजर वर्क है वो कौन है, जूलियस सीजर, ट्रेजडी ऑफ जूलियस सीजर रोमन प्ले की कैटेगरी में आता है, हेमलेट ग्रेट ट्रेजडीज में सबसे पहले आता है हेमलेट 1601 में, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल डार्क कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, मीजर्स फॉर मीजर डार्क कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ओथेलो, हेमलेट के बाद जो दूसरी ग्रेट ट्रेजडी आई वो ओथेलो आई, उसके बाद किंग लियर आई 1605 में, ये चार में आई, ये 1601 में आई, फिर पाँच में आई किंग लियर और छः में आई मैकबेथ, ये क्रम याद रखिएगा, HOKM हुकुम, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, 1, 4, 5, 6 इस क्रम में आई, इनके ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी प्लेज के ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनकी चार ग्रेट ट्रेजडीज आई, साथ में कुछ डार्क कॉमेडीज आई और अदर कॉमेडीज, एक और ट्रेजडी इनकी आई द एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस, ठीक है, 1607 में एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आई और 1608 में आई इनका कोरियोलेनस। सो दीज आर द मेजर अनदर 11 प्लेस जो इन्होंने इस फ्रेज में लिखे, द एज ऑफ ग्रेट ट्रेजडीज, जूलियस सीजर, हेमलेट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर्स फॉर मीजर, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस और एक प्ले है टाइमन ऑफ एथेंस, ठीक है, दीज आर द 11 प्लेस ऑन फोर ग्रेट ट्रेजडी जो उन्होंने इस फेज में लिखी। और ये फेज कब से कब तक है, 1600 से 1607-8 तक का पीरियड को ये कवर करता है, द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजडीज। वो चार ग्रेट ट्रेजडीज कौन सी थी, हेमलेट एक में आई, ओथेलो चार में आई, किंग लियर पाँच में आई, मैकबेथ छः में आई 1606 में,
और इसके जस्ट बाद आया था इनका एंटोनियन क्लियोपेट्रा साथ में। इस फेज की बात, इनकी फोर्थ फेज स्टार्ट होती है। आप सभी स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर रहे हैं, आपके अंदर धैर्य नहीं है। अगर किसी चैनल को, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको पेशेंटली फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। ये शॉर्ट रनिंग वीडियो देखेंगे ऐसा ही होता है जैसे कि बुक शॉप में जाकर ये बुक ले लूँ, वो बुक ले लूँ, उसका कवर देखा, उसका कवर देखा और फाइनली कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी बुक अच्छी है। यही आज के टाइम में सोशल मीडिया में भी होता है कि इस चैनल को फॉलो करूँ या इसको पैटर्न को फॉलो करूँ या इस टीचर को फॉलो करो। सो सम पेशेंस और सेलेक्टिव टीचर से ज़रूर पढ़िए। तो इनकी लास्ट फेज और फोर्थ फेज है जो इनके करियर को डिवाइड किया गया है, वो स्टार्ट होती है 1607-8 से 11-12 तक। यहाँ पे 4 से 5 साल कवर करते हैं। पहले फेज में 6 साल थे, फिर 6 साल थे, फिर में 7 से 8 साल और फिर 5 साल। ओके, तो इस फेज में इन्होंने रोमांस लिखे। क्या लिखे उन्होंने? ड्रामेटिक रोमांस। रोमांस एक कैटेगरी है, जैसे कॉमेडी है, हिस्टोरिकल प्लेस है, ट्रेजडी है, फिर कॉमेडीज को डिवाइड कर दिया रोमांटिक कॉमेडी में या कॉमेडी ऑफ मैनर में। ऐसे ही एक कैटेगरी है इनकी रोमांस। और जो रोमांस लिखे हैं शेक्सपियर के, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी विट्स या कंटेम्प्रेरी ऑथर द्वारा लिखे गए प्रोज रोमांस से इंस्पायर होकर उन्होंने वो ड्रामा में यूज किया है। तो ये सभी के सभी ये एज ऑफ रोमांस कहा गया है। और इसमें उन्होंने मेनली 4 से 5 वर्क लिखे हैं जो 4 रोमांस की कैटेगरी में है। वो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिम्बेलाइन हीरोइन का नाम है, द टेम्पेस्ट 1611 में आया था, इनका लगभग लास्ट रोमांस वर्क है। द विंटर स्टेल 1608-09 में आया था, ठीक है। पेरिकलस 1608 में आया था और हेनरी 8 ये इसका हिस्टोरिकल प्ले है जो एक इनकम्प्लीट वर्क की कैटेगरी में माना जाता है, जिसको इनके फ्रेंड जॉन फ्लेचर ने कंप्लीट किया था। हेनरी 8 ही वो प्ले है जो 1613 में जब ग्लोब थिएटर में परफॉर्मेंस हो रही थी इसकी और उसमें फायर लग गई थी, थिएटर में ही फायर इंसिडेंट हो गई थी। तो वो प्ले कौन सा था? हेनरी 8। इसका एक सब टाइटल भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ये एज ऑफ रोमांस है जिसमें 4 रोमांस लिखे गए, सिम्बेलाइन, टेम्पेस्ट, द विंटर स्टेयर एंड पेरिकलस। पेरिकलस का सब टाइटल है द प्रिंस ऑफ टायरे। ये इनके चारों के चारों रोमांस है, रोमांस के कैटेगरी में है और इस एज का नाम ही रखा गया है द एज ऑफ रोमांस, जो कब से कब तक है? 1608 से 1612 तक। 11-12 में इन्होंने अपने लास्ट वर्क लिखे, उसके बाद इन्होंने रिटायर ले लिया और वापस स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन अपने विलेज चले गए। तो यहाँ पर ही क्लियर है इनकी फोर्थ एज में एज ऑफ रोमांस है और कौन कौन से रोमांस लिखे गए। कैटेगरी में आ जाता है कि विच इज द लास्ट फेज प्लेस, अर्ली फेज प्लेस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्रेट ट्रेजडीज में क्या क्या क्रम है, वो किस सीक्वेंस में लिखी गई और इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है, वो सभी क्वेश्चन इन्हीं कंटेंट से डेवलप होते हैं और दीज आर द करेक्ट एंड ऑथेंटिक सीक्वेंस। तो प्रोज रोमांस ड्रामा कौन से थे इनके? सिम्बेलाइन, द टेम्पेस्ट सबसे लास्ट वर्क है इनका। अगर इनकम कंप्लीट वर्क की बात करें तो टेम्पेस्ट इनका सबसे लास्ट वर्क है, द विंटर स्टेल एंड पेरिकलस द प्रिंस ऑफ टायरे और हेनरी 8 इनका इनकम्प्लीट वर्क है। तो टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 37 प्लेज। फर्स्ट फेज में 10 प्लेज लिखे, फिर 11 प्लेज लिखे, फिर 11 प्लेज लिखे, 11, 11, 32 और यहाँ पर 5 प्लेज लिखे, तो टोटल प्लेज हो जाते हैं इनके 37। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके, इन एजेस में डिस्ट्रीब्यूशन करके सभी प्लेज के नाम को डिस्कस किया हमने। उम्मीद है आपको ये जरूर क्लियर हुए होंगे। तो टेम्पेस्ट इसका सबसे लास्ट प्ले माना जाता है और सबसे फर्स्ट प्ले माना जाता है हेनरी 6 पार्ट 2। फर्स्ट कॉमेडी कौन सी मानी जाती है? लव्स लेबर लॉस्ट। सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है? हेमलेट। एंड सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। शेक्सपियर एज के ही स्टेज, शेक्सपियर के समय में स्टेज कैसे हुआ करती थी और कौन कौन से पॉपुलर थिएटर वहां पर थे? तो प्ले हाउस ऑफ शेक्सपियरन टाइम, शेक्सपियर के टाइम में प्ले हाउस क्या थे? 1572 में एक बिल पास किया गया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा और उस बिल के अकॉर्डिंग फिर 1576 में पहला प्ले हाउस इंग्लैंड में लंदन में एस्टेब्लिश हुआ, लंदन के आउटर एरिया में। कब? 1576। एक परमानेंट प्ले हाउस हुआ, उससे पहले तक स्ट्रीट्स में, चर्च में, ऐसी जगह पर प्लेस परफॉर्म किए जा रहे थे किसी कोर्ट में।
प्रॉपर प्ले हाउस 1576 में हुआ और उसका नाम था द थिएटर। और उसके जस्ट बाद 76 में दूसरा किला द कर्टेन। दो प्ले हाउस जो परमानेंट फर्स्ट थिएटर कहे जाते हैं लंदन के, इंग्लैंड के, द थिएटर एंड द कर्टेन। व्हाट वर देन द ओपन फील्ड्स ऑफ द शोरडिच, वो ओपन फील्ड होते थे उस समय और वहाँ पर ये थिएटर बनाए गए। ठीक है, तो दो सबसे पहले जो थिएटर थे वो थे द थिएटर एंड द कर्टेन। कब एस्टेब्लिश हुए? 1576 में। एलिजाबेथन एज की डेथ तक, एलिजाबेथ की डेथ तक उस समय तक 11 थिएटर एग्जिस्ट थे। उसमें से कुछ थे क्या, वो कहाँ बनाए गए थे? इमीडिएट आउटस्कर्ट आउटर एरिया में बनाए गए थे, चीफली ऑन द बैंक्स किनारे पर, ऑन द सर्वे साइड, सर्वे की साइड में, किस नदी के किनारे पर? ऑन द थेम्स। लंदन में बहने वाली जो नदी है, पॉपुलर नदी है थेम्स, उसमें सर्वे की साइड पर, उसके किनारे पर ये थिएटर बनाए गए। और विद टू दीज प्ले हाउस, जिसका नाम था द ग्लोब इन साउथ वार्क में था, और द ब्लैक फ्रायर रियर इन द स्पॉट नाउ ऑक्यूपाइड बाय द टाइम्स ऑफिस। टाइम्स ऑफिस द्वारा ऑक्यूपाइड है प्रेजेंट में ये, लेकिन ब्लैक फ्रायर और द ग्लोब ये दो थिएटर थे जो उस समय पॉपुलर थे। द ग्लोब 99 में एस्टेब्लिश हुआ, 1599। इन दोनों ही थिएटर में विलियम शेक्सपियर पार्टनर थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शेक्सपियर वाज अ पार्टनर इन विच प्ले हाउस, तो उसका आंसर होगा द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर, इसमें पार्टनर्स थे। ठीक है, उस समय एक्टर्स को फोर्स किया जाता था एक्टिंग करने के लिए कि उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्टर्स हैड बीन फोर्स ऑफन लाइसेंस फ्रॉम किससे? अपने साथियों से एंड अदर इन्फ्लुएंशियल पैट्रोन्स। पैट्रोन ऐसे रिच पर्सन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली थिएटर हाउस को, तो उन्हीं के लिए ऑथर वर्क करते थे, तो अपने पैट्रोन से या अपने साथियों से उनको लाइसेंस लेना होता था, तब उन्हें एक्टिंग करने की परमिशन मिलती थी। टू एनरोल देमसेल्फ इन कंपनीज, ताकि वो कंपनीज में अप्लाई कर सके। कैसे? एज देयर सर्वेंट, की कंपनी के सर्वेंट के रूप में हम अप्लाई कर रहे हैं। वी रीड टू लॉर्ड लाइसेस्टर सर्वेंट, एक कंपनी थी जिसका नाम था द लॉर्ड लीसेस्टर्स सर्वेंट्स, सर्वेंट को बदलकर बाद में मैन कर दिया गया था, MEN। तो पहली कंपनी जो थिएटर फील्ड में आई, एस्टेब्लिश थी, जिसने थिएटर का लाइसेंस प्रोवाइड किया, वो थी द लीसेस्टर्स मैन। और बाद में एक कंपनी बन गई 1594 में, किस नाम से? द लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विलियम शेक्सपियर जिस कंपनी के लिए एक्टिंग करते थे, प्ले लिखते थे, उसका नाम था द लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन। ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1594 में। लेकिन पहली ऐसी कंपनी कौन सी थी? वो थी लीसेस्टर्स मैन, और जिसमें विलियम शेक्सपियर वर्क करते थे वो थी लॉर्ड चेम्बरलेन मैन। और ये 1603 जब एलिजाबेथ की डेथ हुई तब इसका नाम बदल दिया गया द किंग्स मैन। कंपनी का नाम लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन की जगह क्या रख दिया गया? द किंग्स मैन। कब? 1603 में। क्वेश्चन अक्सर पूछा जा चुका है, 1603 में उसका नाम रख दिया लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन का द किंग्स मैन, द किंग्स मैन 1603 में। ठीक है, फिर फर्दर बताया गया है द प्ले हाउस वर वेरी स्मॉल, प्ले हाउस बहुत छोटे हुए करते थे, राउंड या हेक्सागोनल शेप में होते थे, गोल होते थे या फिर सिक्स शेप में होते थे, और मेनली किस चीज़ से बने होते थे? वुड के बने होते। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, TGT का एग्जाम है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी आ सकता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इजी क्वेश्चन आ सकता है, डिफिकल्ट आ सकता है। तो उस समय के जो थिएटर थे वुड से बने थे, और शेप उनकी राउंड होती थी या हेक्सागोनल होती थी। कंपनी हमने जान ली कौन कौन सी कंपनी थी, जो स्टेज थे और बॉक्स जो रूम थे दे वर कॉल्ड रूटेड इन द थैच, उनके ऊपर एक छोटी छत हुआ करती थी, और बाकी पूरा हिस्सा क्या होता था? ओपन एरिया होता था। जो थिएटर होते थे ये हिस्सा सिटिंग के लिए है, सामने जो स्टेज है ये एक छत बनी हुई होती थी, और बाकी पूरा हिस्सा ओपन होता था, राउंड शेप में होते थे सीट्स। यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है, टू प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा मे बी रेफर्ड डायरेक्टली एज टू दिस एब्सेंस ऑफ
पेंटेड सीनरी वहाँ पर यूज़ नहीं होती थी। शेक्सपियर ड्रामाज के समय में स्टेज पर पेंटेड सीनरी यूज़ नहीं होती थी, सब चीज़ को डेकोरेट ही किया जाता था। कंटिन्यूअल चेंज इन लोकेलिटी ऑफ द एक्शन, और बार बार जब एक्शन या सीन में लोकेलिटी को चेंज होती थी तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम उनको होती थी, उसको डिस्क्रिप्टिव पैसेज के रूप में एक्सप्लेन कर दिया जाता था। ठीक है, सीनरीज का यूज नहीं होता था, उनको डेकोरेट करना पड़ता था या फिर उसको चेंज करके एक्सप्रेस करके बताते थे। जो उसमें फीमेल कैरेक्टर की परफॉर्मेंस है, रिलेटेड इफेक्ट यहाँ पर बताया गया है, नो एक्ट्रेस ऑन शेक्सपियरन स्टेज, शेक्सपियर के समय स्टेज पर कोई भी एक्ट्रेस नहीं होती थी। जो वुमेन्स पार्ट है, बींग टेकन बाय बॉयज और यंग मैन, लड़कों के द्वारा या फिर यंग लड़कों के द्वारा किया जाता था, स्पेशली ट्रेंड फॉर द पर्पज, उनको इस पर्पज से ट्रेंड किया जाता था। बॉयज या यंग मैन ही फीमेल के रोल प्ले करते थे, और इनको क्या बोला गया, बॉय एक्ट्रेस मस्ट हैव बीन वेरी क्लेवर व्हेन आफ्टर द रेस्टोरेशन, और उसके बाद जब 1660 में रिस्टोर हुआ थिएटर, देखिए एक फैक्ट है, 1642 में थिएटर बंद कर दिए गए पार्लियामेंट के ऑर्डर से, और उसके बाद 1660 में वो दोबारा इस्टेब्लिश हुए, और 1660 को बोला गया रिस्टोरेशन। तो जब रिस्टोरेशन आया 1660 में, उस समय वीमेन ने फीमेल के रोल करना स्टार्ट किया इंग्लिश बोर्ड पर, और उस समय एक डायरिस्ट थे जिनसे इन चीज़ों का पता चलता है, पिप्स, पूरा नाम मैं भूल गया, पिप्स थे ये डायरिस्ट थे, इनके साथ एक और थे, किसी और वीडियो में उनका नाम ज़रूर बताएंगे। तो ये डायरिस्ट थे, डायरी लिखते थे, जर्नल लिखते थे, और इनकी डायरीज में वो सब चीज़ों की डिटेल्स है। तो पता चला कि रिस्टोरेशन में पहली बार फीमेल्स, वुमेन ने फीमेल्स रोल स्टार्ट करना शुरू किया। शेक्सपियर एंड हीरोइन कैन एवर हैव बीन क्वाइट एडेक्वेटली, शेक्सपियर के समय में अदर प्ले राइट कौन कौन थे, इसमें तीन नाम आते हैं, बेन जॉनसन, बेन और उनके फ्रेंड जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर जिनका वर्क है व्हाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी, काफ़ी पॉपुलर वर्क है, पीजीटी में पूछा जा चुका है। साथ साथ जॉन फ्लेचर जो उनके कंटेम्परेरी थे, कलीग थे, जिन्होंने उनका हेनरी एट वर्क पूरा किया। तो थ्री यहाँ पर नाम आते हैं, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी वर्क याद रखिएगा, एंड जॉन फ्लेचर जिन्होंने हेनरी एट को कम्प्लीट किया। तो बेन जॉनसन के कुछ वर्क देख लेते हैं कि बेन जॉनसन किस चीज़ के लिए पॉपुलर थे। 21 ईयर उसके बाद तक वो रहे हैं। हिज प्लेज तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले बेन जॉनसन पॉपुलर है मास्क और एंटी मास्क के लिए। जो इंग्लिश लिटरेचर में मास्क और एंटी मास्क की इन्वेंशन है, उनका यूज है, प्रचलन है, उसके लिए बेन जॉनसन फेमस है। साथ साथ उनकी कुछ हिस्टोरिकल ट्रेजडीज है, और मोर इम्पोर्टेंट उनकी कॉमेडीज़ है, और ह्यूमरस कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए वो फेमस है। उनकी जो पॉपुलर कॉमेडीज है अक्सर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, द अल्केमिस्ट किसका वर्क है, बेन जॉनसन का, वॉलपोन और द फोक्स सब टाइटल है बेन जॉनसन, एपिसोइन एंड द साइलेंट वुमेन, कितनी बार पूछा जा चुका है पीजीटी के एग्जाम में, साइलेंट वुमेन इज ऑल्सो वर्क ऑफ बेन जॉनसन। तो यहाँ पर इनके कंटेम्प्रेरी प्लेराइट के बारे में जाना, बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर एंड जॉन वेबस्टर जिनका वर्क है डचेस ऑफ माल्फी, ये याद रखिएगा, डचेस ऑफ माल्फी इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड द व्हाइट डेविल आर वर्क बाय जॉन वेबस्टर। जॉन फ्लेचर ने हेनरी एट को पूरा किया जो इनकम्प्लीट वर्क था। तो ये कंटेम्प्रेरी प्ले राइट थे विलियम शेक्सपियर के। विलियम शेक्सपियर के सभी ड्रामाज के नाम हमने कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल है। नेक्स्ट, प्रोज के वो वर्क जिन्होंने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया और शेक्सपियर ने उनको इमिटेट किया या उनके अच्छे पॉइंट्स को अपने ड्रामा में यूज किया अपने ड्रामा को पॉपुलराइज करने के लिए, और अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वो कौन से प्रोज वर्क्स थे जिन्होंने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया और किस ऑथर्स के वो वर्क थे, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो ये शेक्सपियरियन एज की प्रोज चैप्टर लास्ट है, इसके बाद द एज ऑफ मिल्टन स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे कौन कौन से प्रोज वर्क है जिन्होंने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया, और उसमें सबसे जरूरी नाम आता है लिली एंड अदर राइटर ऑफ प्रोज फिक्शन। इस एज में जो प्रोज फिक्शन चल रही थी उसमें लिली और अदर राइटर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। सो स्टार्ट करते हैं एज ऑफ शेक्सपियर प्रोज। प्रोज की कौन सी फॉर्म एलिजाबेथन एज में पॉपुलर थी, तो इसके बारे में जानेंगे। द फेमिलराइज एंड रीडिंग पब्लिक विद स्पेनिश एंड इटालियन रोमांस,
इसमें रोमांस, प्रोज की एक फॉर्म होती है रोमांस, रोमांस के बारे में डिटेल में जानेंगे। ऐसे वर्क जिसमें पेस्ट्रोल सेटिंग होती है, हीरो हीरोइन अपने प्यार को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं और पूरी की पूरी सेटिंग आउटडोर में होती है और हीरोइन को एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करना होता है, जैसे कि आप देखेंगे टेम्पेस्ट में, देखेंगे सिम्बलिन में देखेंगे। तो ये जो इफेक्ट है ये रोमांस कहे जाते हैं, वो ड्रामेटिक रोमांस है, यहाँ पर प्रोज रोमांस की बात हो रही है। तो स्पेनिश और इटालियन रोमांस पॉपुलर थे और इसमें भी इटालियन नोवेला जिसको शॉर्ट स्टोरीज बोलते हैं, नोवेल की एक दूसरी फॉर्म होती है नोवेला, जो शॉर्ट नॉवल्स होते हैं या शॉर्ट स्टोरीज की कैटेगरी के होते हैं, ये उस समय पॉपुलर थी प्रोज की फॉर्म के रूप में। तो इसमें प्रोमिनेंट ऑथर कौन है जिन्होंने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया, इसमें सबसे पहले नाम आता है जॉन लिली, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिवर्सिटी विट्स के चैप्टर में कि सबसे यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप के लीडर थे, सबसे प्रोमिनेंट थे और इनका जो वर्क था यूफ्यूज, ये नाम याद जरूर रखिएगा, वैसे लर्न हो गया होगा, इसका पूरा टाइटल है द एनाटॉमी ऑफ विट। एनाटॉमी शरीर विज्ञान को बोलते हैं मेडिकल साइंस में, जो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके इंटरनल पार्ट्स की जो स्टडी करता है उसको एनाटॉमी बोलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने यूफ्यूज को नाम दिया है एनाटॉमी ऑफ विट, कि विट का कैसे यूज़ करना है, विट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। विट मीन्स बुद्धि, इंटेलिजेंस। और फिर इसका दूसरा वर्क था, सीक्वल था, यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। ये दो वर्क है जिन्होंने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया, शेक्सपियर ने इनके लिली के स्टाइल को अपनी कॉमेडीज में बहुत हद तक यूज किया। ये कब पब्लिश हुए, 1579 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेम ईयर है जब सेफर्डस कैलेंडर पब्लिश हुआ था और इसी ईयर से गोल्डन गेट ऑफ एलिजाबेथन एज ओपन हो जाते हैं, कि एलिजाबेथन लिटरेचर की शुरुआत की जो गोल्डन पीरियड है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट से ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है 1579, सेफर्डस कैलेंडर भी इसी ईयर पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इनका वर्क था यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। यूफ्यूज में क्या है, एक वेल्दी हैंडसम एंड क्लेवर हु सेट्स आउट इन अ ट्रैवल, जो ट्रैवल करता है रिचिस नेपल्स, इटली में एक जगह है नेपल्स, वहाँ पहुँच जाता है और ऐसा करते करते वो उनका जो स्टाइल है इसमें जॉन लिली का, उसी का नाम आ जाता है यूफ्यूज़। एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज यूफ्यूज़, यूफ्यूज़ क्या कहलाता है, द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ दीज अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रिटोरिकल डिवाइस। जब किसी वर्क के अंदर रिटोरिकल डिवाइस, स्पेसिफिक रिटोरिकल डिवाइस का यूज किया जाता है, वो रिटोरिकल डिवाइस उस वर्क को इंटरेस्टिंग बनाती है रीडर्स के लिए। वो डिवाइसेस क्या हो सकती है, कि यूफ्यूज में क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ बैलेंस्ड एंटीथीसिस। आपको ऑप्शन में जब मिलेगा एग्जाम में तो वहाँ पे एंटीथीसिस और एलिट्रेशन सबसे पहले मिलेगा, आपको उन्हीं से पहचान कर लेनी है कि यूफ्यूज के क्या फीचर है। तो उसमें बैलेंस यूज ऑफ एंटीथीसिस और एलिट्रेशन का यूज़ होता है, साथ साथ कुछ और फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए हैं जो उन्होंने अपने इसमें यूज़ किए हैं और बाद में विलियम शेक्सपियर ने भी इसी स्टाइल को अपने कॉमेडीज में फॉलो किया है। क्या क्या थे, लिली ने इंडल्ज किया, यूज़ किया सिमिलीज को, वर्ड प्ले जिसको हम पन कहते हैं, पनिंग का यूज़ किया, व्हाई अनदर ऑफ हिज पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक इज फोननेस ऑफ नॉन नेचुरल हिस्ट्री को इन्होंने अपने इसमें यूज़ किया और मिथ एंड फेबल को इसमें यूज़ किया, और इन सभी स्टाइल्स को शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज़ में काफ़ी यूज़ किया टू मेक देम पॉपुलर। स्पेशली अगर हम एग्जांपल की बात करें कि यूफ्यूज जो स्टाइल जॉन लिली का था उसको उन्होंने किन कॉमेडीज़ में यूज़ किया, तो उसमें आती है लव लेबर लॉस्ट, मेजर्स फॉर मेजर एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सॉरी कॉमेडी ऑफ एरर। इन वर्क में उन्होंने इनको काफ़ी पॉपुलरली यूज़ किया। फर्दर बात करते हैं, शेक्सपियर गिव्स एन एग्जांपल वन ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ फैनेटिक सूडो साइंस व्हेन ही राइट्स हिज स्टोर अगली एंड वेनोमस। जब वो अपना एज यू लाइक इट वर्क लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर इन सब चीज़ों का यूज़ अपने वर्क में किया। जो जॉन लिली के बाद सेकेंड नंबर पर जो प्रोज ऑथर आते हैं जिन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया शेक्सपियर या एलिजाबेथन एज के ड्रामा को, वो थे सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी पहले जान लीजिए कंटेम्परेरी थे एडमंड स्पेंसर के, क्लोज फ्रेंड भी थे उनके, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। इनकी डेथ पर ही इन्होंने एस्ट्रोफेल एलिजी लिखी थी स्पेंसर ने, इसकी डेथ पर सर फिलिप सिडनी की। और फिलिप सिडनी को कंसीडर किया जाता है, जॉन ड्राइडन ने स्टेटमेंट दिया था उसमें कंसीडर किया है द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट क्रिटिक और फादर ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सर फिलिप सिडनी को बोला गया है। तो इनका एक रोमांस है प्रोज रोमांस एरकेडिया, जो कंप्लीट हुआ 1581 में।
तो आर्केडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूफ्यूज है ऐसे ही आर्केडिया एक प्रोज रोमेंस है। जो किंग लियर ट्रेजडी है विलियम शेक्सपियर की, उसका जो ग्लोस्टर सब प्लॉट है, उसमें दो कहानी चलती है, किंग लियर की और साथ साथ ग्लोस्टर की कहानी चलती है, उनके बेटे होते हैं एडमंड और तो उनकी जो कहानी है वो आर्केडिया से ली गई है, शेक्सपियर ने यहीं से कॉपी उसको फॉलो किया है। तो वो आर्केडिया किसका वर्क है? सर फिलिप सिडनी का। और फ्यूचर में बहुत सारे वर्क्स को इस वर्क ने इन्फ्लुएंस किया है, बहुत सारे ऑथर ने इनसे इंस्पिरेशन लेकर अपने वर्क को किया है। डिड नॉट पब्लिश टिल 1613 तक ये पब्लिश नहीं हुआ, 1630 में पब्लिश हुआ। और इसमें कैरीज अ ट्रेडिशन ऑफ द ओल्डर रोमांस ऑफ चिवेलरी, एक महानता की कहानियों को ये शो करता है। तो दो अनदर पॉपुलर ऑथर है वो सर फिलिप सिडनी जॉन लिली के बाद, और इनका आर्केडिया वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इटालियन स्टैंजरो फॉर्म में लिखा गया है। फर्दर बात करते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंटरेस्टिंग मैरिट बट बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद शेक्सपियर से इसका कनेक्शन है, थॉमस लो जो यूनिवर्सिटी विट्स है उनका वर्क है रोजलिंड। रोजलिंड और यूफ्यूज दो वर्क के बेस पर ही विलियम शेक्सपियर ने अपना वर्क लिखा है, एज यू लाइक इट। थॉमस लॉज का एक रोमांस है, प्रोज रोमांस, रोजलिंड और यूफ्यूज का जो स्टाइल है, यूफ्यूज स्टाइल है, उन्हीं के बेस पर विलियम शेक्सपियर का वर्क है एज यू लाइक इट, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, थॉमस ग्रीन, ये भी एक यूनिवर्सिटी विट्स है और इन्हीं का वर्क था पेंडोस्टो, उसी के बेसिस पर इन्होंने लिखा है द विंटर्स टेल, जो एक रोमांस है। विंटर्स टेल क्या है? एक रोमांस है, और जो प्रोज रोमांस पेंडोस्टो ग्रीन, थॉमस ग्रीन के वर्क पोएंडेस्टो पर बेस्ड है। यहाँ पर दो फैक्ट आ जाते हैं, थॉमस लोज का वर्क था रोजलिंड जिस पर एज यू लाइक इट बेस है, और उसमें यूफ्यूज के यूफ्यूज स्टाइल को फॉलो किया है, और रॉबर्ट ग्रीन, सॉरी थॉमस ग्रीन बोल दिया, रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है पेंडोस्टो, जो एक रोमांस है जिस पर उन्होंने रोमांटिक ड्रामा द विंटर्स टेल लिखा है, और ये इनकी लास्ट फेज के ड्रामा में इंक्लूड होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 16th सेंचुरी के ही जो प्रोज रोमांस थे उनको बेस बनाकर विलियम शेक्सपियर ने अपने काफ़ी रोमांटिक कॉमेडीज साथ साथ रोमांस प्ले लिखे हैं। सो दीज आर सम फैक्ट। फर्दर हम जानेंगे अदर प्रोज राइटर ऑफ दिस पीरियड। तो इसमें एक पॉपुलर है, रैले का है, वास्ट एंड अनसक्रिटिकल द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, जो 1614 में लिखा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राल्फ होलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इसका नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। विलियम शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस थे, क्या कौन सी प्लेस? उन्होंने 10 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, हेनरी सीरीज है, रिचर्ड सीरीज है और किंग जोन है। तो जितने भी 10 हिस्टोरिकल प्लेस थे उन सभी का सोर्स ये एक मैगजीन है, एक क्रॉनिकल है जो इंग्लैंड की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, और इंग्लैंड ही नहीं, इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये ही तीनों को मिलकर उस समय के ब्रिटेन का पार्ट थे। तो इन्हीं के हिस्ट्री पर बेस्ड जो क्रॉनिकल्स था, किसका? राल्फ होलिनशेड का, उसी पर सारे हिस्टोरिकल प्लेस विलियम शेक्सपियर ने इसी से सोर्स लेकर लिखे हैं। और उसके दो एडिशन आए थे, 1577 में फर्स्ट एडिशन आया था और 1587 में इसका सेकेंड एडिशन आया था। सेकेंड एडिशन को उन्होंने काफ़ी फॉलो किया। तो राल्फ का होलिनशेड जो क्रॉनिकल्स था ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड, ये एक अदर इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल वर्क था जिस पर बेस्ड इंफॉर्मेशन से विलियम शेक्सपियर ने अपने सभी हिस्टोरिकल प्लेस को लिखा है, इसी को सोर्स बनाकर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखना होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर होगा कि किस किस प्रोज वर्क साथ साथ प्रोज रोमांस ने विलियम शेक्सपियर के कॉमेडीज और उनके रोमांस ड्रामा को इन्फ्लुएंस किया, शेक्सपियर ने उनको फॉलो किया, साथ साथ हिस्टोरिकल प्ले के लिए उन्होंने अपने सोर्स कहाँ से लिए? राल्फ होलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रामाज ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये उसके लिए सोर्स बने हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर सीरीज में आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर बाय विलियम हेनरी हडसन। विलियम हेनरी हडसन ने अपनी इस बुक एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स मेंशन किए हैं उनको हम जानेंगे इस बुक्स के टेक्स्ट से। हो सकता है एग्जाम में उनमें से किसी एक दो फैक्ट को पूछ लिया जाए, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेनरी हडसन के व्यू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो लेट्स रीड कि क्या है, इन्होंने क्या मेंशन किया बार्ड के बारे में। द लाइफ ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन
और अबाउट, यहाँ पर एक डाउट है कि वो इस डेट को पैदा हुए या लगभग इस डेट को पैदा हुए, क्या वो डेट क्या है? 23 अप्रैल 1564। ये तो सर्वविदित है कि हर बुक में मेंशन है कि 23 अप्रैल को 1564 में उनका बर्थ हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये भी फैक्ट जानना ज़रूरी है कि 26 अप्रैल को वो बैप्टिज हुए थे। क्या डेट थी? 26 अप्रैल। जो वार्विक शायर का स्टार्टफोर्ड का चर्च था, होली ट्रिनिटी चर्च, वहाँ पर उनको 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज्ड किया गया। वहाँ पर एक सेरेमनी होती है कि बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद ही उसको बैप्टाइज्ड किया जाता है। अगर 3 दिन से पहले कोई संडे आ जाता है तो फिर बैप्टिज्म की जो सेरेमनी है वो संडे को परफॉर्म होती थी। तो 26 अप्रैल को संडे है, अब हो सकता है उनका बर्थ 24 को हुआ हो, 23 का हुआ हो या 25 को हुआ हो, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। रिटर्न रिकॉर्ड केवल यही है कि उनका बैप्टिज 26 अप्रैल को हुआ है और कस्टम रिवाज के तहत ये 3 दिन बाद होता है, तो कंसीडर कर लिया गया कि उनका बर्थ 23 अप्रैल को होता है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, अब इसको एक्सेप्ट किया जाता है। फैक्ट यही है कि उनकी बैप्टिज्म जो सेरेमनी है वो 26 अप्रैल को है, ये ही रिटर्न एविडेंस है। तो कंसीडर कर लिया गया है कि उससे 3 दिन पहले उनका बर्थ हुआ होगा, तो इसलिए लिखा है ऑन और अबाउट, फैक्ट है। तो उनका बर्थ 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। कहाँ पर? एट यूज किया जाएगा, शॉर्ट जगह है। स्टार्डफोर्ड ऑन एवोन, एवोन प्लेस का नाम है, एवोन रिवर का नाम है सॉरी, और स्टार्डफोर्ड उनके गांव का नाम है। ओन वर्ड की जगह रिसेंटली एग्जाम में आयोग ने इसको एवोन माना है, अपोन माना है, UPON। ये एक प्रीपोजिशन का अपग्रेड है कि इसमें इसको अपोन माना है, स्टार्टफोर्ड अपोन एवन, बुक में ओन लिखा हुआ है। और वो जगह कहाँ पड़ती है? स्टार्टफोर्ड वार्विक शायर में, वार्विक शायर में एक जगह है स्टार्टफोर्ड, वहाँ पर एक नदी है एवोन, और एवोन नदी के किनारे पर ये गांव है स्टार्टफोर्ड। वहाँ पर 23 अप्रैल 1564 को इनका बर्थ हुआ। फर्दर बात की गई है, ही वॉज द सन ऑफ अ प्रोस्पेरस ट्रेड मैन, एक व्यापारी का बेटा था वो टाउन के, हु इज लिटिल लेटर बिकम इट्स हाई बेलिफ मेयर, जो बाद में जगह हाई बेलिफ वहाँ का मेयर बन गया। दो देर इज नो एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट, एक फैक्ट यहाँ बताने वाले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सर्टेन कि लाइक अदर स्टार्टफोर्ड बॉय, स्टार्टफोर्ड के बाकी लड़कों की तरह अपने ही क्लास के, ही वेंट टू ए लोकल ग्रामर स्कूल, जो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल होते थे उनको ग्रामर स्कूल बोलते थे, कि वो किसी ग्रामर स्कूल गया या किसी एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन में गया ऑफ इट्स काइंड, अपने काइंड के। वेयर ही वॉज टोट, क्या पढ़ा उसने? लैटिन एंड अर्थमेटिक की स्टडी उसने की, और इन चीज़ों के रिकॉर्ड बहुत ही कम है। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। ऐसे स्कूल में गया हूँ जहाँ पर वो एक लर्न मैन, लर्न का मतलब होता है एजुकेटेड पर्सन, उसने बहुत कुछ सीखा हो, इस चीज़ का एविडेंस बहुत कम है। वहाँ उसने लैटिन और अर्थमेटिक सीखी। अ फ्यू ईयर्स हिज फ्यू ईयर्स स्कूल दस गेव हिम अ साउंड एजुकेशन एज फार एज इट वेंट। फाइनेंशियल मिसफॉर्चून हो गया, ये फैक्ट नोट करने वाला है। ओवरटुक हिज फादर, और उसको स्कूल छोड़ना पड़ा व्हेन ही वाज अबाउट 14। कितने एज के थे वो, ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन ही वाज 14, जब वो 14 साल के थे, तो फाइनेंशियल इन मिसफॉर्चून के कारण उनको स्कूल छोड़ना पड़ा 14 की एज में। एंड ही वाज टेकन फ्रॉम द स्कूल, किस लिए? ताकि वो कुछ अर्न करके अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। लेकिन कुछ क्या कर सकते थे, जिस तरह का उस समय एम्प्लॉयमेंट था उस रिलेटेड उनको कुछ भी नहीं आता था, ही न्यू नथिंग। और जब वो 19वें साल में थे, कितने? 18 के हो चुके थे, ये फैक्ट आ जाता है कि वो 18 साल के थे जब उनकी शादी हुई। लेकिन ऑप्शंस में ये भी आ सकता है ही वॉज रनिंग इन 19, कि वो 19वें साल में चल रहे थे। तो ही मैरिड एन हैथवे, नाम नोट कर लीजिएगा, उनकी शादी किससे हुई? एन हैथवे, एक लेडी थी 8 ईयर्स ही सीनियर, जो उससे 8 साल बड़ी थी। और कौन थी वो? डॉटर ऑफ ए वेल टू डू यूमैन, एक बहुत अच्छे परिवार से वो बिलोंग करती थी, पास के ही गांव से। उनकी शादी उनकी उम्र के 19वें साल में, इट मीन्स 64 में उनका बर्थ हुआ, 18 साल के वो हो चुके थे, तो
तो उनकी शादी 82 में हुई, 1582 में उनकी मैरिज हुई, ठीक है। किससे? एन हैथवे से, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। एन हैथवे से जो उनसे 8 साल बड़ी थी, पास के गांव की एक रिच मैन की वो बेटी थी। दिस मैरिज वॉज हेस्टी, जल्दी में की गई शादी थी। एन इल एडवाइस, और एक बुरी सलाह का परिणाम था, किसी ने सलाह दे दी कि इनकी शादी करा दीजिए। एक्चुअली एन हैथवे एंड विलियम शेक्सपियर हैड अफेयर और एन हैथवे वॉज प्रेगनेंट। तो शादी के कुछ महीनों बाद ही उनको एक बेटी हुई, सुजैना। तो इसीलिए इस शादी को हेस्टी मैरिज बोला गया है। और उसके बाद उनके ट्विंस बच्चे पैदा हुए, जूलियत बेटी और हेमनेट बेटा। तो इस तरह से उनके 3 बच्चे थे। 3 चिल्ड्रंस वर बोर्न टू हिम, सुजैना, ट्विन जूलियत एंड हेमनेट, इनके नाम कभी कभी पूछे जा चुके हैं। फर्दर बात करते हैं, वो बुरी कंपनी में पड़ गए और उन्होंने किसी के खेत से क्या, डियर पोचिंग कर ली। फेल इन टू बैड कंपनी एंड डियर स्टीलिंग एस्केप, और उन्होंने हिरन चुराने के आरोप उनके ऊपर लगे, इसको इंडिया में डियर पोचिंग बोलते हैं। और उन्हें उनके एक फ्रेंड वुड्स चार्ल्स कोर्ट ने सलाह दी कि वो वहाँ से चले जाए। और प्रोबेबली कब की बात है ये, 1587 में, अपनी शादी के 5 साल बाद वो स्टार्टफोर्ड छोड़कर लंदन चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि टोमस लूसी नामक एक अमीर आदमी था, उसके फार्म से उन्होंने डियर पोचिंग की, हिरन चुराए और उनके आरोप लगे उस पर, और तो उन्हें अपना गांव छोड़कर लंदन जाना पड़ा। तो ये घटना कब की है, 1587 की। अगर बात करें कि ये फैक्ट कहाँ मेंशन है कि उन्होंने डियर पोचिंग की थी, उन्हें भागना पड़ा, तो इनकी लाइफ पर सबसे पहले बायोग्राफी लिखने वाले व्यक्ति है निकोलस रो। निकोलस रो फर्स्ट बायोग्राफर है विलियम शेक्सपियर के, और उन्होंने अपने वर्क में ये चीज़ मेंशन की है। और हेनरी हडसन ने भी मेंशन किया कि डियर पोचिंग के कारण उनको 1587 में ये चीज़ वहाँ से जाना पड़ा। किसके खेत से डियर पोचिंग कर रहे थे? टोमस ल्यूसी। तो उस समय क्या था, अपना भाग्य बनाने के लिए वो लंदन चले गए। एट दिस टाइम द ड्रामा वाज गेनिंग रैपिडली ए पॉपुलैरिटी थ्रू द वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स जो 7 स्कॉलर्स ड्रामेटिस्ट थे, उनके वर्क के माध्यम से ड्रामा बहुत तेज़ी से पॉपुलरिटी गेन कर रहा था। और शेक्सपियर ने जल्दी ही स्टेज ज्वाइन कर ली एंड बिकम अ फर्स्ट एन एक्टर। और सबसे पहले उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया। उन्होंने प्ले राइट नहीं की, पहले उन्होंने एक्टर का काम किया। सीक्वेंस में पूछा जा सकता है उन्होंने क्या काम किया, पहले एक्टिंग की और उसके बाद उन्होंने प्ले राइटिंग की, ठीक है। उन्होंने एक्टिंग रोकी नहीं, एक्टिंग करते रहे, लेकिन प्ले राइट भी की। फिर इल नेचर्ड रेफरेंस टू हिम पैम्पलेट रिटन बाय ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन ने उनके बारे में एक क्रिटिसाइज करते हुए एक बहुत नेगेटिव पैम्पलेट लिखा, जिसमें काफ़ी क्रिटिसाइज किया। और उस समय वो अपने डेथ बेड पर थे। और ये घटना है, ईयर पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ग्रीन ने उनको अपने पैम्पलेट में किस ईयर में क्रिटिसाइज किया, 1592, इसी ईयर उनकी डेथ भी हो गई थी रॉबर्ट ग्रीन की। वॉज वेल नोन एज अ सक्सेसफुल ऑथर, और जो उस समय सक्सेसफुल ऑथर के रूप में वो एस्टेब्लिश थे। ही रिमेन इन लंदन अपवर्ड्स फॉर 20 ईयर्स आफ्टर दिस, 1592 के बाद भी लगभग वो 20 साल लंदन में रहे। और प्रोड्यूसिंग लगभग हर साल एक कपल ऑफ प्लेज वो प्रोड्यूस करते थे, साल में 2 प्लेज वो प्रोड्यूस करते थे। फर्दर उन्होंने बात की, ही बिकेम द ओनर ऑफ 2 ड्रामा कंपनीज एंड 2 थिएटर, द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनकी लाइफ के बारे में कि वो द ग्लोब और ब्लैक फ्रायर में पार्टनर बन गए। और उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी स्टार्टफोर्ड में और साथ साथ लंदन में भी। ही बिकेम वेरी रिच। बट ईयर्स विच ब्रोट प्रोस्पैरिटी आल्सो ब्रोट डोमेस्टिक सोरो, उनके घरेलू कुछ उनको दुख भी मिले। क्या हुआ, हिज ओनली सन हेमनेट जो था वो 11 साल की एज में ही एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई। उनका बर्थ हुआ था 1585 में, और लेकिन वो 1596 में डेथ हो गई। उनके पिता की डेथ हो गई 1601 में, उनके छोटे भाई की डेथ हो गई एडमंड की 1607 में, और उनकी मदर की डेथ हो गई 1608। इन ईयर को दोबारा देख लेते हैं, उनके बेटे की डेथ हुई 1596 में। ये ईयर लगभग मेंशन है जब मर्चेंट ऑफ वेनिस और साथ साथ रोमियो एंड जूलियट ट्रेजडी आई थी।
1601 में हेमलेट उनका ट्रेजडी आई थी जब उनके फादर की डेथ हुई, और 1607 में एंटोनियन क्लियोपेट्रा आई, और 1608 में द विंटर्स टेल वर्क आया। साथ साथ देन बिटवीन 1610 टू 1612 अनुमान लगाया है कि वो रिटायर हो गए, और इनका रिटायर का जो ईयर है वो 1611 और 12 है, ठीक है। वेयर ही हैड बोट अ हाउस इन द लार्जेस्ट इन द टाउन, पूरे टाउन में सबसे बड़ा घर उनका था, और घर का क्या नाम था, न्यू प्लेस, न्यू पैलेस नहीं, ऑप्शन में आपको पैलेस वर्ड भी मिल सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। द नेम ऑफ हिज हाउस, जो लार्जेस्ट हाउस था स्टार्टफोर्ड में, दैट इज नेम इज न्यू प्लेस। उनके बड़ी बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी डॉक्टर जॉन हॉल के साथ, उनकी छोटी बेटी की शादी भी 1616 में हुई, जिस साल उनकी डेथ हुई जूलियत की, बिकेम द वाइफ ऑफ थॉमस क्विंसी, जो उनके फादर के फ्रेंड के बेटे थे, और इस तरह ही डाइड अवे ऑन द सेम डेट 23 अप्रैल ऑफ 1616। 1616 में उसी दिन उसी डेट को उनकी डेथ हो गई जिस दिन उनका बर्थडे मनाया जाता है, 23 अप्रैल को ही उनका बर्थ माना जाता है, 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ हुई। सो दीज फैक्ट्स आर मेंशन इन दिस बुक अबाउट विलियम शेक्सपियर बाय विलियम हेनरी हडसन। टीजीटी ऑफ मिल्टन, जिसका इंग्लिश टाइम पीरियड है 1625 से 1660 तक, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अगर दोबारा से आ जाए, एज ऑफ मिल्टन जिसमें मिल्टन प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, वो टाइम उनकी अर्ली पोएट्रीज और प्रोज का, जो वहाँ के पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम को के ऊपर लिखे गए हैं, तो एज ऑफ मिल्टन कंसीडर की जाती है 1625 से 1660 तक, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डोंट मिस। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 9 दिसंबर 1608 को ये पैदा हुए थे चीपसाइड लंदन में, और 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हो जाती है, ये इनका लाइफ स्पैन है 1608 से 1674, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ मिल्टन को माना जाता है 1625 से 1660, ठीक है। मिल्टन की लाइफ को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी समरी जाननी होगी, 15 सेंचुरी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था रिफॉर्मेशन। किंग मार्टिन लूथर ने जर्मनी में एक मुहिम स्टार्ट की थी, रोम के कैथोलिक चर्च में आए करप्शन और उनके ओल्ड रूल जो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं थे उनके खिलाफ वो चेंज लाना चाह रहे थे, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ। दो तरह के चर्च होते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च, रोम के कैथोलिक चर्च, और इंग्लैंड में जो सुपरमेसी चाह रहे थे कि रोमन कैथोलिक चर्च के बदले में द चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड को इम्पोर्टेंस दी जाए, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो दो तरह के, एंग्लिकन चर्च और कैथोलिक चर्च। तो इस कैथोलिक चर्च के ओल्ड जो लॉ थे इनको कैनन बोलते हैं, जो कैनन लॉ थे चर्च के वो सक्सेसफुल नहीं थे, उनमें चेंज की जरूरत थी, वहाँ पर बहुत सारा करप्शन फैल चुका था, तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसका नाम था रिफॉर्मेशन, और इसको फॉलो करने वाले लोगों को बोला गया प्रोटेस्टेंट। क्या प्रोटेस्टेंट, ये वर्ड आपने सुना होगा, प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट जो थे वो उम्मीद करते थे कि रोमन कैथोलिक चर्च के बदले में एंग्लिकन चर्च काम करे। पूरे यूरोप में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चलती रही रिफॉर्मेशन लाने के लिए, और 1534 में इंग्लैंड के क्राउन किंग हेनरी 8 ने द चर्च ऑफ इंग्लैंड को अलग कर लिया रोमन कैथोलिक चर्च से, लेकिन फिर क्या हुआ, क्वीन मैरी उसके बाद सिंहासन पर बैठी और उन्होंने वापस रोमन कैथोलिक चर्च को ही फॉलो किया। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आई, उसने भी रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो किया, प्रोटेस्टेंट के लिए कुछ खास नहीं किया, और प्रोटेस्टेंट की वो ब्रांच जो इंग्लैंड में चर्च को प्योर करना चाह रही थी, प्योरीफाई करना चाह रही थी, क्लीन करना चाह रही थी वहाँ के करप्शन को, उसको बोला जाता है प्यूरिटन्स, प्यूरिटन्स। मिल्टन क्या थे, मिल्टन एक प्यूरिटन थे, मिल्टन कौन थे, प्यूरिटन। तो प्यूरिटनिज्म एक ऐसी मूवमेंट थी इंग्लैंड के अंदर जो रोमन कैथोलिक चर्च के पुराने कैनन लॉ को समाप्त करना चाह रही थी, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रही थी, वहाँ पर जो एपिस्कोपल सिस्टम था, एपिस्कोपल सिस्टम जब राजा 5 मिनिस्टर को अपॉइंट कर चर्च में भेजता है, और आर्क बिशप के माध्यम से, आर्क बिशप मतलब वहाँ का जो चीफ प्रीस्ट है उसके साथ मिलकर एक काउंसिल बनाकर रूल्स को रेगुलेट करते हैं।
अब वो रूल्स पब्लिक के लिए फायदेमंद नहीं है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवाज़ उठाने वाले ही कौन है, प्यूरिटन्स है जो चर्च सिस्टम को प्योर करना चाह रहे हैं, वुमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ओके, तो प्यूरिटन्स प्रोटेस्टेंट का एक पार्ट है और प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट है रोमन कैथोलिक चर्च के, तो ये वहाँ की रिलीजियस कंडीशन है। अब पॉलिटिकल कंडीशन को समझते हैं। चार्ल्स फर्स्ट जो प्रोटेस्टेंट के फेवर में नहीं है, वो रोमन कैथोलिक चर्च की सुपरमेसी को बनाए हुए हैं, एपिस्कोपल सिस्टम को बनाए हुए हैं, और एपिस्कोपल सिस्टम में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब रॉयलिस्ट है, वो एक्लेसियास्टिकल लोग हैं। चर्च के जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं उनको एक्लेसियास्टिकल पीपल बोला जाता है, वो सभी के सभी क्लर्जीमैन हैं और नोबल्स हैं, मीन्स वो अमीर है, रिच है और राजा के प्रभाव में है। तो इस तरह से क्लैश स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, प्यूरिटन्स जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं, पार्लियामेंट के बीच और राजा के बीच, तो राजा को सपोर्ट करने वाले रॉयलिस्ट कहलाते हैं और पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले राउंड हेडेड बोला जाता है। मिल्टन की कुछ पोएम्स में ये वर्ड मेंशन किए गए हैं, तो याद रखिएगा। सो ये वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन थी, और इस पॉलिटिकल कंडीशन के कारण ही इंग्लैंड में 1642 में पहला सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। सिविल वॉर डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं समरी बता रहा हूँ वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन की, और राजा और पार्लियामेंट के बीच विवाद हो जाता है, और इस विवाद के तहत 49 में राजा को बिहेड कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, और जो प्यूरिटन्स के हेड है, पार्लियामेंट के हेड है, उनका शासन स्टार्ट हो जाता है। किसी राजा का शासन नहीं है, केवल पार्लियामेंट का शासन है, और इसी पीरियड को बोला जाता है कॉमनवेल्थ पीरियड। 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड चलता है। कॉमनवेल्थ मतलब पार्लियामेंट का शासन, कोई राजा नहीं है। सो ये वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन थी। पब्लिक ने दोबारा से फिर अपना मत चेंज किया, और चार्ल्स सेकंड जो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे उनको राजा डिक्लेयर करते हैं, और कॉमनवेल्थ खत्म हो जाता है, और 1660 में रिस्टोरेशन आ जाता है। इस सिविल वार में ही 1642 में थिएटर बंद कर दिए गए थे, और दोबारा से थिएटर फिर 1660 में ही ओपन हुए। 1660 से रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉलिटिकल कंडीशन में और रिलीजियस कंडीशन इंग्लैंड को देखते हुए मिल्टन के जितने भी प्रोज वर्क है वो सब इन्हीं कंडीशंस पर बेस्ड है। ये कंडीशन समझ में आ गई तो उसके बाद भी समझ में आ जाते हैं। इन दोनों ही स्लाइड में यही पूरी कहानी बताई गई है जो मैंने आपको इन शॉर्ट बताई, कि आर्क बिशप जो हेड थे वहाँ पर, जो चर्च ऑफ रोम थे उसके खिलाफ थे, उनका जो कैल्विन ऑफ जनेवा से प्रभावित थे प्रोटेस्टेंट लोग, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई, दिस इज मेंशन हियर। एक्लेसियास्टिकल लोग जो राजा द्वारा अपॉइंट हाई क्लास रिच लोग होते थे जो सरकार को चलाते थे चर्च के माध्यम से, उसको एक्लेसियास्टिकल गवर्नमेंट बोला जाता था। एपिस्कोपल सिस्टम था, ठीक है, कि रूल्स जो बनाए जाएंगे वो चर्च की अथॉरिटी ही बनाएगी, इसको एपिस्कोपल सिस्टम बोला जाता है। तो ये कुछ टर्म समझ लीजिए, तो लेटर आप जॉन मिल्टन के सभी वर्क्स प्रोज ट्रैक्ट को समझ पाएंगे और प्यूरिटनिज्म को समझ पाएंगे, जो प्रोटेस्टेंट की एक ब्रांच है जो चर्च को प्योर करना चाह रही है इंग्लैंड में। एक फैक्ट और बता दूं, मिल्टन के दादाजी कैथोलिक थे, इनके पिताजी प्रोटेस्टेंट थे, और इंग्लैंड के अंदर ये प्रोटेस्टेंट की ब्रांच प्यूरिटन्स, जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लाइफ ऑफ मिल्टन। मिल्टन की लाइफ के बारे में जानेंगे। हडसन ने इनके बारे में जो भी फैक्ट दिए वो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ऑथेंटिक बुक। तो जॉन मिल्टन वाज बोर्न एट ब्रैड स्ट्रीट, जगह का नाम है, एक कॉमन रास्ता है, चीप साइड में पड़ता है, लंदन में पैदा हुए थे। कब? 9 दिसंबर 1608 को। ईयर 8 है और डेट 9 है, और दिसंबर लास्ट का महीना याद रख सकते हैं। कब? 4 साल पहले, जब शेक्सपियर रिटायर हो गए थे। शेक्सपियर रिटायर हुए, अपना लास्ट वर्क 1612 में लिखा उन्होंने, और वो रिटायर हो गए थे 1612 से ठीक 4 साल पहले जॉन मिल्टन का बर्थ हो चुका था। हिज फादर, जॉन मिल्टन के पिताजी का नाम भी जॉन ही था, वाज स्ट्रॉन्गली प्यूरिटन्स, वो एक प्रोटेस्टेंट मतलब प्यूरिटन ही थे। ही सिंपैथीज थे, वाज नन लेस लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। इनके जो फादर थे वो लिटरेचर और आर्ट के लवर थे, साथ साथ मेंशन कर देता हूँ वो एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे। द चाइल्ड एन्जॉयड ऑल द एडवांटेजेस ऑफ कल्टिवेटेड होम, सारी फैसिलिटीज उनको फायदे घर पर ही मिले। एंड ही वॉज एजुकेटेड, किस स्कूल में एजुकेशन मिली? सेंट पॉल्स स्कूल, नोट कर लीजिएगा। उनकी अर्ली एजुकेशन एट सेंट पॉल्स स्कूल में हुई, और उनकी जो कॉलेज की पढ़ाई वो क्रिस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्रिस्ट कॉलेज से हुई।
इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल थे, इनका ओवल फेस था और काफ़ी गोरे थे, तो इनको एक लेडी की तरह कंसीडर किया था। इनके सब साथी इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से जानते थे। तो क्रिस्ट से याद रखिएगा, इनकी एजुकेशन कहाँ हुई है, क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। एंड उन्होंने अपनी बीए की डिग्री कब ली, 1629 में, और ठीक 3 साल बाद उन्होंने मास्टर्स किया। जितने भी टीजीटी के ऑथर है और इनके समकालीन जितने भी पोएट है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट एजुकेटेड और टैलेंटेड जॉन मिल्टन ही थे। तो फर्दर बात करेंगे, ही ग्रेजुएटेड इन 1629 और 1629 में ही इनका फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था, सॉरी फर्स्ट वर्क इन्होंने पोएम लिखी थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, बात कर लेंगे लेटर। तो इनकी लाइफ चल रही है, तो जब ये कॉलेज में पढ़ने गए तो इन्होंने डिसाइड किया था कि ही वॉज कंसेंटेंसली एंटर द चर्च सर्विस, कि वो चर्च की सर्विस में जाएंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ के सिस्टम को देखा, चर्च के मैटर करप्शन को देखा, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू गिव हिमसेल्फ अप एंटायरली टू सेल्फ कल्चर एंड पोएट्री, कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने में सेल्फ कल्चर को देंगे और साथ साथ बस पोएट्री लिखेंगे। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चर्च की सर्विस में नहीं जाएंगे, अपने आप को स्लेव नहीं बनाएंगे। जितने भी कैलर्जी है, रॉयलिस्ट है, वो चर्च की सर्विस में जाते हैं तो वो उनको मानते थे कि वो बस गुलाम हो जाते हैं उस सिस्टम के, और ये अपने आप को ऐसा नहीं बनाएंगे। फर्दर हम जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। अब ऑन लिविंग कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज को छोड़ने के बाद ही अकॉर्डिंगली टुक अप हिज अबोर्ड इन कंट्री हाउस ऑफ द फैमिली, कहाँ पर, हॉर्टन, जो बंकिंघम शायर में है। 1632 में जब इन्होंने कॉलेज छोड़ा, इनके डैडी रिटायर हो गए, रिटायर होकर वो एक रिच पर्सन थे, होल्टन जो 17 माइल दूर गांव था, वहां पर जाकर वो सेटल हो गए, वहां उनको एकांत मिला और वहां पर उन्होंने आगे की पढ़ाई स्टार्ट की। एक फैक्ट जो एग्जाम में आ चुका है कि हिज बुक्स हैड कैप्ट हिम आउट ऑफ बेड टिल मिडनाइट, वो रात के आधी रात तक रोज़ पढ़ाई करते थे, बुक्स उनको जगाए रखती थी, ये फैक्ट एग्जाम में आ चुका था। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने रात के 12 बजे तक पढ़ाई ना की हो। एट द यूनिवर्सिटी ही हैड शोन द सेम एंटायरिंग डिवोशन एंड लर्निंग, जैसे यूनिवर्सिटी में वो एंटायरिंग पढ़ते थे डिवोशन के साथ, वही उन्होंने यहाँ पर पढ़ा। एंड नाउ ड्यूरिंग 6 ईयर, लगभग वो 5 से 6 साल यहाँ पर रहे, 1638 तक वो यहाँ पर रहे। इन 6 सालों में बिल्कुल शांति के साथ अनइंटरप्टेड सेकुलरिज्म में उन्होंने पढ़ाई की, परस्यूज स्टडीज वे अनडिस्टर्ब, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिल्डिंग स्टेडली अपॉन ए फर्म फाउंडेशन, और उनकी एक मजबूत नींव बन गई। ही हैड ऑलरेडी ले मिल्टन दस बिकम अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, और वे एक बहुत बड़े स्कॉलर बन गए, विद्वान बन गए। दिस पॉइंट मस्ट बी केयरफुली मार्क्ड, नॉट ओनली बिकॉज इन द ब्रेथ एंड एक्यूरेसी ऑफ एरुडेशन ही स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर अमंग अबव ऑल, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ब्रेथ एंड हाइट में किसी भी एक्यूरेसी में, एरुडेशन का मतलब होता है लर्न्ड नॉलेजेबल, कि वो उनके समकालीन जितने भी पोएट थे उन सब में वो सबसे ऊपर थे। ही वॉज मोस्ट टैलेंटेड इन हिज एरुडेशन, ही स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबोव, हर तरह से वो, एक फ्रेज यूज किया गया है, वो उनसे ऊपर थे अदर पोएट। ऑल्सो बिकॉज ही इज लर्निंग एवरीवेयर नरिशिज एंड इंटरप्रेटेड्स द पोएटिक वर्क्स, उन्होंने हर स्तर पर अपनी नॉलेज को नरिश किया और इसको इम्प्रूव किया। हैविंग नाउ रीच्ड हिज 30th ईयर, अब वो कहाँ 30 साल के हो गए थे और ईयर था 1638, 30 साल के हो गए थे। ही रिजोल्व, उन्होंने निर्णय लिया टू कम्प्लीट हिज स्टडीज बाई ट्रेवल, कि अपनी पढ़ाई को ट्रेवल के माध्यम से पूरा करेंगे। ही देयरफॉर लेफ्ट लंदन इन May 30, 1638 में उन्होंने लंदन छोड़ दिया। ही वेंट बाई पेरिस टू लंदन, पहले वो पेरिस गए फिर वहाँ से इटली गए। वेंस हाउएवर ही वॉज प्रीमेच्योरली रिकॉल्ड अ न्यूज़ फ्रॉम द क्रिटिकल स्टेट ऑफ थिंग्स एट होम, फिर उन्हें प्रीमेच्योरली मीन्स अपनी यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा 15 मंथ के अंदर ही, और वो घर वापस आ गए क्योंकि उन्हें न्यूज़ मिली थी कि वहाँ पर पोलिटिकल सिचुएशन बिगड़ चुकी है, सिविल वॉर इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया है। वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग टू पास ओवर इन टू सिसली, मैं सिसली जाने वाला था, एंड ग्रीस ग्रीस, उसने लिखा है ये, द मेलनकलिक इंटेलिजेंस विच आई रिसीव, जो एक मेलनकलिक खबर मैंने सुनी ऑफ द सिविल कमोशन, कि सिविल वार स्टार्ट हो गया इंग्लैंड में, तो वो वापस आ गए ये खबर सुनते ही, कमोशन हो गया इंग्लैंड में, ठीक है, तो वो वापस आ गए इन लंदन इन अगस्त 1639। लगभग 15 मंथ्स वो वहाँ से बाहर रहे
और फिर 1640 ऑनवर्ड उन्होंने एक एक्टिव सपोर्टर के रूप में प्यूरिटन्स के कोज के लिए लिखना स्टार्ट किया। किसके खिलाफ? रॉयलिस्ट के अगेंस्ट। रॉयलिस्ट के अगेंस्ट उन्होंने प्यूरिटन की सपोर्ट में अपनी सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। एज ए पैम्पलेट या एक पैम्पलेट के तरह ही बिकम इनडीड वन ऑफ द ग्रेट पिलर बन गए फॉर दिस कोज। प्यूरिटन्स की इस मुहिम में, इस मूवमेंट में वो एक ग्रेट पिलर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए। ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, और जब 49 में कॉमनवेल्थ एस्टेब्लिश हो गया, उनको लैटिन सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया गया ऑफ फॉरेन टंग, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स के लिए उनको लैटिन सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया गया। विलियम हेनरी एडसन ने मेंशन किया है कि उनकी शादी 1643 में ही मैरिड मैरी पोवेल, ठीक है, कुछ बुक्स में ये ईयर 42 मेंशन है, लेकिन व्हेन ही वाज इन हिज 35 तो ये 1643 में ही उनकी फर्स्ट मैरिज हुई मैरी पोवेल से। और ये एक प्लान्ड मैरिज थी रॉयलिस्ट द्वारा, क्योंकि मैरी पोवेल कौन थी? अ यंगर डॉटर ऑफ ए रॉयलिस्ट। वो रॉयलिस्ट की एक छोटी बेटी थी, वो एक जज थे। यूनियन प्रूव एन मोस्ट अनहैप्पी वन, और उनकी ये शादी अनहैप्पी थी। अर्ली इन 1653 अ टेरिबल कैलेमिटी ओवरटुक, उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई। हिज साइट विच हैड लॉन्ग बीन फेलिंग, जो काफ़ी समय से कमज़ोर हो रही थी, वाज नाउ रुइंड एंटायरली, पूरी तरह से ख़त्म हो गई, वो अंधे हो गए। एंड बाय ओवर स्ट्रेस ऑफ वर्क, और काम के दबाव के कारण ही बिकम टोटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधे हो गए। 3 years लेटर ही मैरिड अगेन, 56 में उन्होंने दोबारा से मैरिज की, बट हिज वाइफ कैथरीन वुडकॉफ डाइड विद इन 15 months, 15 महीने के अंदर वो भी मर गई। ऑन रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, जब 1660 में मोनार्की एस्टेब्लिश हुई, मिल्टन वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 2 of his पॉपुलर बुक वर पब्लिकली बर्नड, पब्लिक के सामने जला दी गई पनिशमेंट के रूप में बाई द हैंग्समैन, बट ही वाज सून रिलीज, उनको छोड़ दिया गया, परमिटेड टू ड्रॉप इनटू पॉलिटिकल ऑब्सक्योरिटी, कि उनको पॉलिटिकल से दूर रहना पड़ेगा, पॉलिटिकल ऑब्सक्योरिटी, बिल्कुल राजनीति से दूर रहना पड़ेगा, इस शर्त पे उन्हें छोड़ दिया गया। क्यों अरेस्ट किया गया था इनको? क्योंकि इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के जब हत्या की गई थी तो उसको सपोर्ट किया था, उनके फेवर में लिखा था, इन डिफेंस ऑफ चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को उन्होंने लिखकर सपोर्ट किया था और पार्लियामेंट को सपोर्ट की थी, तो इस वजह से इनके ऊपर मुकदमा चला गया। लेकिन जॉन ड्राइडन और एंड्रयू मार्वेल की सिफारिश से इनकी केवल 2 books को चलाकर और साथ साथ पॉलिटिकल से निष्कासित रहने की शर्त पर इनको छोड़ दिया गया। तो इस स्टेज में ही वाज नाउ, अब क्या हो गए थे, पुअर एंड लोनली एज वेल एज ब्लाइंड, और अंधे भी हो गए थे, अकेले भी हो गए थे। ही फेल्ट बिटरली द फेलियर ऑफ द कोज फॉर विच ही हैड टोल्ड हर्ड, और वो उनका जो पर्पज था कि जिसके लिए वो जी रहे थे, जिसके लिए कुछ करना चाह रहे थे, वो सब उनको व्यर्थ लगा। और एट लास्ट उन्होंने एलिजाबेथ मिनसुल से शादी कर ली, उनकी थर्ड शादी हो गई एलिजाबेथ मिनसुल, ब्रोट कम्फर्ट टू हिज डिक्लाइनिंग ईयर। ही वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाई द अनफिलियल कंडक्ट ऑफ हिज डॉटर बाई हिज फर्स्ट मैरिज, और अपनी वाइफ का जो मिसबिहेव था, उनकी बेटी का जो मिसबिहेव था, जो पहली वाइफ से उनके 3 बेटी हुई थी, उससे वो काफ़ी डिस्ट्रेस रहे। इट वॉज ए डार्कनेस एंड सोरो देयर फोर दैट ही नाउ टर्न बैक अपॉन द एम्बिशियस पोएटिकल डिजाइन, और अब वो उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से अपने पोएटिकल वर्क की तरफ रख लिया, विच ही हैड चेरिस्ड मैनी ईयर्स बिफोर, जो उन्होंने कुछ साल पहले ही प्लान कर लिया था कि उनको एक बड़ा वर्क पोएट्री में करना है। ही हैड लॉन्ग सेट असाइड कॉल ऑफ प्रैक्टिकल ड्यूटी, हिज पैराडाइज लोस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667, पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन अगोनिस्ट टुगेदर 1671, और 1674 में पैराडाइज लोस्ट का सेकेंड एडिशन आया जिसमें 12 books थी। एंड 3 years लेटर ऑन 8 नवंबर 1674 मिल्टन टाइड, तो ये उनका लाइफ पीरियड है। 9 दिसंबर 1608 को बर्थ हुआ था और 8 नवंबर 1674 को उनकी डेथ हो गई। दिस इज द समरी बाय विलियम हेनरी हडसन। जॉन मिल्टन की अर्ली पोएट्रीज के बारे में जानते हैं। मिल्टन वर्क्स फॉल्स नेचुरली इनटू 4 periods, इन 4 periods को समझ लीजिए, दीज आर इम्पोर्टेंट, द कॉलेज पीरियड क्लोजिंग विद द एंड ऑफ द कैम्ब्रिज करियर जो 1632 में ख़त्म हो जाता है, फिर ये अपने गांव चले जाते हैं होर्टन पीरियड के नाम से, जहां पर उन्होंने काफ़ी कुछ पॉपुलर वर्क किए, ठीक है, 1638 तक, और फिर द पीरियड ऑफ प्रोज राइटिंग फ्रॉम 1640 टू 1660, और 25 से 60 तक इनकी एज कंसीडर की जाती है एज ऑफ मिल्टन, और फिर 4th है द लेट पोएटिक पीरियड और पीरियड ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट।
इन चार पार्ट में इनके एक करियर को डिवाइड किया गया है, कॉलेज पीरियड, हॉर्टन पीरियड, पीरियड ऑफ प्रोज एंड लास्ट द पीरियड ऑफ लास्ट पोएटिक पीरियड। हिज कॉलेज पोएम लेटिन एंड इंग्लिश, उनकी जो कॉलेज पोएम्स थी वो कौन सी दो लैंग्वेज में लिखी गई, उसमें कुछ लेटिन वर्क्स थे और कुछ इंग्लिश थे। एज फॉर मोस्ट पार्ट सिंपली अ यंग मैंस एक्सपेरिमेंटल वर्क के रूप में उनको कंसिडर किया जाता है, और इसमें मोस्ट पॉपुलर है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी जिसने उसको एक परफेक्ट और ऐसी जगह इसमें इंग्लिश लिटरेचर में दी है कि वो अपने आप में सफिशिएंट है, और किस एज में, व्हेन ही वाज मेयरली 21, 21 साल की एज में ही थे तब उन्होंने ये वर्क लिखा, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑल्सो ऑन बाइबल, और इसी की फाउंडेशन पर बाद में उन्होंने अपना पैराडाइज लोस्ट वर्क लिखा। टू द होर्टन, जो होर्टन पीरियड था, ऑन द अदर हैंड बिलोंग टू द मोर माइनर पोएम उसमें लिखी, जैसे पैराडाइज सॉरी पावर दैट। अगर पैराडाइज लोस्ट ना भी लिखी जाती तो भी उनकी जो होर्टन पीरियड में लिखी गई माइनर पोएम थी वो उनको इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा के लिए फेमस कर चुकी थी। मीन्स उनकी जो शॉर्ट पोएम होर्टन पीरियड में थी, अगर पैराडाइज लोस्ट ना भी लिखते तब भी मिल्टन इतने ही फेमस होते। वो पोएम्स कौन सी थी, एल अलीग्रो एंड इल पेंसरेसो, जिनका ईयर इन्होंने 1633 दिया है, कॉमस 1634 जो एक मास्क है, और लेसिडस जो एक पेस्टोरल एलजी है एडवर्ड किंग की डेथ पर, किंग एडवर्ड की डेथ पर जो उन्होंने लिखी है, एडवर्ड किंग सॉरी इनके फ्रेंड थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उनकी डेथ पर लिखे हैं। ईच ऑफ दीज में ऑफ कोर्स बी रेंसा की इनमें इनके अंदर स्पिरिट थी, ये जितने भी इनके पोएटिक वर्क थे उनके अंदर रेंसा का इन्फ्लुएंस था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा पोएट कौन सा जिसके अंदर रेंसा और रिफॉर्मेशन दोनों स्पिरिट थी, तो जॉन मिल्टन थे। वो रिलीजियस मूवमेंट से भी इंस्पायर थे, रिफॉर्मेशन और साथ साथ नए वर्क जो इनोवेशन इनोवेटिव वर्क होते हैं रेंसा वो उससे भी इंस्पायर थे। इनकी अर्ली पोएट्रीज में रेंसा का इम्पैक्ट पूरा देखा जाता है। दस इन एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेसो विद देयर चार्मिंग कंट्रास्टेड पिक्चर ऑफ मैन नेचर एंड आर्ट सेंट थ्रू अ मीडियम ऑफ मूड, उसमें मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक हैप्पी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ग्लैडनेस को, और एक मेलनकली एक सैड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फर्दर बात करते हैं कॉमस की, विद द कॉमस मार्क इन्होंने कॉमस लिखा, द कॉमस मार्क डिस्टिंग स्टेज ही डेवलप ऑफ द मिल्टन माइंड, ये मिल्टन के माइंड की एक डेवलपमेंट था कि उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करने वाला ये म्यूजिकल ड्रामा स्टार्ट किया कॉमस। Now talk about his. Finally, in Lycidas we have a Puritanism. उनका जो Lycidas वर्क है उसमें टोटल प्यूरिटनिज्म का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उन्होंने पार्लियामेंट के फेवर में साथ साथ रॉयलिस्ट के खिलाफ बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं। प्यूरिटनिज्म स्पिरिट उनकी जागृत है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्यूरिटनिज्म विच इज पोलिटिकल एंड एक्लेसियास्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल एंड एथिकल, एक मोनोडी है जी, यहाँ पर जानना जरूरी है। पेस्टोरल एलिजी है, लेकिन जब पोएट किसी साथी पोएट की डेथ पर एक्सप्रेस करता है अकेला, दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ मोनोडी। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ऑन द डेथ ऑफ मिल्टन्स कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने ये प्रेजेंट की थी, दिस इज स्पेंसर एस्ट्रोफेल का ही एक, जैसे स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल लिखी थी फिलिप सिडनी की डेथ पर, ये उसी का एक पार्ट की तरह है पेस्टोरल एलिजी, इन अ कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ क्लासिकल पेस्टोरल एलजी के स्टाइल में लिखी गई है। अब पॉपुलर वर्क है, इट बिलोंग विद कॉमस टू द रेंसा, और उनका कॉमस किससे बिलोंग करता है, वो रेंसा स्पिरिट से बिलोंग करता है, और इनका लेसिडस क्लासिकल पेस्टोरल एलजी के बेस पर है। बट द रिलीजियस एक्सेंट इन थ्रू आउट इट्स अनमिस्टेकिंगली प्यूरिटन, और दोनों में ही जो रिलीजन दिखाई देता है वो प्यूरिटनिज्म है, मींस चर्च को इम्प्रूव करना और इंग्लिश चर्च को इम्पोर्टेंस देना अगेंस्ट टू द रोमन कैथोलिक चर्च। इट्स फेमस अटैक अपॉन द करप्ट चर्च एंड द हायरलिंग कैलर्जी ऑफ द टाइम ओपनली प्रोक्लेम्स मिल्टन्स अडेरेंस टू प्यूरिटन्स कोजिस, इसने पूरी तरह से कंडेमन किया है किसके करप्ट सिस्टम, चर्च के करप्ट सिस्टम को, और वहाँ के एक्लेसियास्टिकल अथॉरिटी को अपने इस वर्क लेसिडस में। तो प्यूरिटन की पूरी स्पिरिट इसके अंदर दिखाई देती है, कॉमस के अंदर रेंसा की स्पिरिट इसके अंदर दिखाई देती है। सो दिस इज अबाउट दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोज वर्क के बारे में जानेंगे। आई होप वीडियो हेल्पफुल है।
हडसन ने जितना भी कुछ लिखा है वो सब आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। यू कैन पेन डाउन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और ये सभी फैक्ट्स एग्जाम में आ चुके हैं, फर्दर आगे भी आ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिल्टन की अर्ली पोएट्रीज के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, इससे प्रीवियस उनकी पर्सनल लाइफ स्पैन और घटनाएं हम पढ़ चुके थे। तो मिल्टन की अर्ली पोएट्रीज, यहाँ से क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आता है। तो मिल्टन के वर्क्स को जो है नेचुरली चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, द कॉलेज पीरियड, या उसको कह सकते हैं जो खत्म हो जाते हैं उनके कैम्ब्रिज में जो उनका करियर था जब उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली 1632, तो यहाँ तक के जो पीरियड है इसमें अर्ली पोएट्रीज उन्होंने लिखी, जैसे कि ओड टू द क्रिस्ट नेटिविटी लिखी थी और कुछ लेटिन एलजीज उन्होंने यहाँ पे लिखी। सेकंड जो पीरियड आता है उनका होर्टन पीरियड, अपने फादर के साथ वो सेटल हो गए थे और उसके बाद कॉन्टिनेंट घूमने चले गए, तो यहाँ तक वो सेकेंड पीरियड माना जाता है। फिर उनका प्रोज पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें उन्होंने प्रोज वर्क लिखे और पॉलिटिकल जॉब्स कुछ उन्होंने की, सर्विस की। और लास्ट का जो पीरियड है द लेट पोएटिक पीरियड और पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट का पीरियड इसको कहा जाता है। यहाँ से टर्म पूछे जा सकते हैं कि किस पीरियड को उनके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट का पीरियड बोला जाता है, या होर्टन पीरियड का उनका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिज कॉलेज पोएम उन्होंने जो लिखी वो किस किस लैंग्वेज में लिखी थी, लेटिन और इंग्लिश में उन्होंने कुछ कॉलेज वर्क लिखे, पोएम्स लिखी है, एलजीज लिखी है, आर द मोस्ट सिंपली द यंग मैंस एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये उनके क्या थे, एक एक्सपेरिमेंटल वर्क थे। आप इसको नोट कर लीजिएगा किस वर्क को एक्सपेरिमेंटल वर्क बोला गया है मिल्टन के, तो उनके जो कॉलेज टाइम में जो उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी लेटिन और इंग्लिश में, इन्हीं को एक्सपेरिमेंटल वर्क बोला गया है ऑफ यंग मैन। काफी कम एज थी। एंड वाइल इंटरेस्टिंग इन द स्पेशल स्टूडेंट द एक्सप्रेशन ऑफ जीनियस ड्यूरिंग द इमेच्योरिटी, और इमेच्योरिटी का टाइम था, लेकिन एक जीनियसनेस को एक्सप्रेस कर रहे थे अपने इन वर्क के माध्यम से, ठीक है। फिर उनका जो स्पेशल वर्क यहाँ पे काउंट होता है वो होता है ओड, ये एक ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी पर उन्होंने ये ओड लिखा था, तो ये इनका काफी पॉपुलर वर्क है। इसके बारे में क्या बताया गया है, इस प्लेस को रखा गया सैडली मार्ड बाई कंसीट्स, दो फार फ्रॉम परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं था, इसमें कंसीट का काफी यूज किया गया और इनइक्वालिटी ऑफ स्टाइल है, लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी इसको क्या कहा जाता है, स्टिल अ वेरी रिमार्केबल प्रोडक्शन ऑफ द पोएट ऑफ 21। 21 साल की उम्र में, 21 की एज में, इन कुछ कमियों के बावजूद भी ये एक रिमार्केबल प्रोडक्शन था जॉन मिल्टन का एज द एज ऑफ 21। कौन सा वर्क के लिए रिमार्क दिया गया है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, जो ओड की फॉर्म में है, ठीक है। साथ साथ टू होर्टन पीरियड ऑन द अदर हैंड बिलोंग टू हिज माइनर पोएम, जो होर्टन पीरियड है जो सेकेंड फेज ऑफ पीरियड है उसमें कुछ माइनर पोएम्स है और उनकी संख्या लगभग चार ही है। अगर वो उन्होंने नहीं भी लिखी होती, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, इवन इफ पैराडाइज लोस्ट हैड नेवर बीन रिटन, अगर पैराडाइज लोस्ट नहीं भी लिखा जाता तो इनकी जो माइनर पोएम है होर्टन पीरियड में, दे वुड हैव सफिशियंट थी टू पुट देयर ऑथर हाई अमंग द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स। इंग्लिश सॉन्ग्स लिखने वाले, इंग्लिश पोएट्री लिखने वाले जितने भी ग्रेटेस्ट पोएट है उसके अंदर फिर भी इंक्लूड हो जाते हैं अगर पैराडाइज लोस्ट ना भी लिखती। किसके लिए रिमार्क दिया गया है, उनकी जो होर्टन पीरियड में लिखी गई फोर माइनर पोएट्रीज है वो कौन कौन सी पोएट्रीज है, आइए उनको जान लेते हैं। एल एलिग्रो, इल पेंसरेसो, जो लगभग 1633 में लिखी गई है, वो सारी बुक्स इसको ईयर कंसिडर करती है 1632। कुछ एक बार आयोग ने भी इसको 32 ही कंसीडर किया है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ फिलहाल हर्सन जी ने 1633 बोला हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड। एल एलिग्रो, कोमस जो 1634 में लिखा गया, और लाइसिडस जो 1637 में लिखा गया, ये चार ऐसे वर्क है अगर पैराडाइज लोस्ट ना भी लिखी जाती तो भी मिल्टन को ग्रेटेस्ट गोड्स ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स के लिए कंसीडर किया जाता। गोड्स मीन्स ऐसे पोएट जिन्होंने इंग्लिश के लिए बेस्ट पोएट्रीज लिखी है, तो भी उनके अंदर इसको कंक्लूड किया जाता। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी जा चुका है, तो इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हम जान लेते हैं इनकी इस पोएट्री ने क्या शो किया, दिस ईयर ऑफ थॉटफुल लेजियर प्रोफाउंड चेंज वॉज टेकिंग प्लेस इन द पोएट्स माइंड। इनका जो होर्टन पीरियड था वो एक फ्री फुर्सत का समय था, ये काफी स्टडी कर रहे थे, काफी
एकांत में अपने विचारों को डेवलप कर रहे थे, और यही वो समय जहाँ पोएट्स का माइंड डेवलप हो रहा था। और मिल्टन की जो वर्क है उसमें जो मॉरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस है उसकी स्टार्ट, रिलीजियन इन्फ्लुएंस जो प्यूरिटन का दिखाई देता है उसकी जो ब्लेंडिंग है वो यहीं से होती है, और उसमें किस चीज की ब्लेंडिंग है, रेनेसा की। मिल्टन एक प्यूरिटन थे जो चर्च के करप्शन के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे वर्क किए, उसको प्योर करना चाह रहे थे, प्यूरिटीन्स वो रिफॉर्मेशन का एक पार्ट है। लेकिन रिफॉर्मेशन के साथ साथ उनके अंदर जो स्पिरिट थी वो रेंसा स्पिरिट भी थे, यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया गया है। तो रेंसा का काफी इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, और उनकी पोएट्री में साफ साफ दिखता है द कल्चर ऑफ रेंसा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से पोएट है जिसमें रेंसा और रिफॉर्मेशन दोनों की स्पिरिट इन्वॉल्व थी, उनके वर्क के अंदर इसका इन्फ्लुएंस आता है, तो जॉन मिल्टन ही है। कि उनकी अर्ली पोएट्रीज टोटली रेंसा को रिफ्लेक्ट करती है, और उसके बाद वो प्यूरिटनिज्म को मीन्स रिफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करने लगती है। दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। सो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विच गेव डिस्टिंक्टिव क्वालिटी टू हिज ग्रेटेस्ट पोएट्री। यही वो एलिमेंट है जिन्होंने डिस्टिंक्टिव फीचर, एक विशेष गुण उनकी पोएट्री को दिया है। बट फ्रॉम हिज अर्लियर पोएट्री वी नाउ लर्न दैट ही बिगेन टू राइट चीफली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ रेंसा। अर्ली पोएट्री से ये रिफ्लेक्ट होता है कि उन्होंने जो लिखना स्टार्ट किया उसकी लर्निंग और आर्ट पर किसका इन्फ्लुएंस था, रेंसा का ही इन्फ्लुएंस था, जो एलिजाबेथन एज में इटली से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और पुरानी चीजों का रिवाइवल करना, रिवर्थ करना, वही सारा इन्फ्लुएंस इनके अर्ली पोएट्रीज में टोटली रिफ्लेक्ट होता है। दैट द प्यूरिटन एलिमेंट वॉज एट फर्स्ट क्वाइट सबोर्डिनेट, और जो प्यूरिटन एलिमेंट थे वो एक छोटे हिस्से के रूप में, सपोर्ट के रूप में उनके वर्क में दिखाई देते थे, मेजर में रेनेसा ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। और वो सबोर्डिनेट पॉइंट जो उनका प्यूरिटन का था वो धीरे धीरे उनकी ताकत बनता चला गया, गहराई में होता चला गया, और एट लास्ट इट डोमिनेंट एलिमेंट, और लास्ट के करियर में आकर वो एक डोमिनेंट एलिमेंट इनकी पोइट्री का बन गया। मीन्स बाद के जितने भी वर्क है उसमें जो मास्टर एलिमेंट है वो प्यूरिटनिज्म है, चर्च सिस्टम और रिलीजन के लिए ही उन्होंने, कोज के लिए ही उन्होंने लिखा है। इस तरह से हम कहेंगे द एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेसो, यहाँ पर एक फैक्ट आ जाता है, नोट कर लीजिएगा, विद देयर चार्मिंग कंट्रास्ट पिक्चर ऑफ मैन नेचर। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैन को रिप्रेजेंट करती है, जो रेंसा का एक फीचर है, नेचर को रेंसा का एक फीचर है, एंड आर्ट सीन थ्रू द मीडियम ऑफ मूड, और मूड के माध्यम से उन सब मीडियम्स को वो दिखाता है। तो मूड को ही रिप्रेजेंट किया, मैन को रिप्रेजेंट किया, नेचर को रिप्रेजेंट किया है, तो ये सारे फीचर रेंसा के हैं। तो एल एलिग्रो एंड इल पेंसरो में टोटल रेंसा इन्फ्लुएंस है। इन वन ही केस ऑफ ग्लैडनेस, एल एलिग्रो में ग्लैडनेस हैप्पी मूड को रिप्रेजेंट किया गया है, और इल पेंसरेसो में एक मेलनकोलिक मूड को रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पेंसरेसो में मेलनकोलिक मूड को दिखाया गया है, और एल एलिग्रो में ग्लैडनेस हैप्पी मूड को दिखाया गया है। तो मूड, पर्सन, नेचर, इन एलिमेंट्स का जो रिफ्लेक्शन है ये किस चीज के इन्फ्लुएंस को शो करता है, ये क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो प्यूरिटनिज्म को या रेंसा को, इन वर्क में रेंसा का इन्फ्लुएंस है, यही पॉइंट यहाँ पर हर्सन जी ने एक्सप्लेन किया है। इन अदर देर इज ए लिटिल एंड कैरेक्टरिस्टिकली प्यूरिटन, बहुत थोड़ा सा प्यूरिटनिज्म मूवमेंट उसमें दिखाई देती है, और इसको हम कहेंगे अ गुड डील दैट इज रियली अनप्यूरिटन। इन दोनों वर्क को ही अनप्यूरिटन वर्क की कैटेगरी में रखा गया है, और यहाँ तक के जितने भी वर्क है वो सब रेंसा से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर ये क्वेश्चन, ये पॉइंट अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो हाउ विल यू हैंडल कि किन वर्क्स को अनप्यूरिटन वर्क कंसीडर किया जाता है। हम बुक्स में पढ़ लेते हैं कि मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, और उनके जितने भी वर्क है वो प्यूरिटन कोज के लिए है, रिफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन यहाँ तक के वर्क एल एलिग्रो एल एल पेंसरोस अनप्यूरिटन है, वो टोटली रेंसा से इंस्पायर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि पोएट जो जहाँ रह रहे थे वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट था, कंट्री साइड था, गांव देहात था, वहां पर वो नेचर को, रोमांस को, रस्टिक स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ प्ले हाउस ड्रामा को देख रहे थे, ग्रीक ड्रामा, इन सब चीज को सीख रहे थे, एंड द ब्यूटी ऑफ चर्च एंड आर्किटेक्चर, और साथ साथ म्यूजिक को वो फोकस कर रहे थे। कुछ एक्टिविटी जो उस समय सीख रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे वो क्या थी, ग्रीक ड्रामा था, म्यूजिक था, प्ले हाउस कल्चर थी, और रस्टिक स्पोर्ट्स, इन सब चीजों में अपना समय बिताते थे, और स्टडी में होर्टन पीरियड में। तो एल एलिग्रो और स्पेंसरसो के बाद उनका जो मेजर वर्क था वो कॉमर्स था, और कॉमर्स वाज अ डिस्टिंक्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मिल्टन माइंड्स। एक अलग ही डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है उनके माइंड में। दस बार
ओनली प्यूरिटन स्पिरिट नाउ मेक्स इट इन्फ्लुएंस। अब इनके वर्क में क्या है, धीरे धीरे प्यूरिटन स्पिरिट रिफ्लेक्ट होने लगी और वो साफ इनके वर्क में दिखाई देता है। कैसे? ऑन द लिटरेरी साइड दिस वर्क इज टू बिलोंग टू रेंसा। अगर लिटरेचर के एंगल से देखे तो, लिटरेरी साइड से देखे तो ये रेंसा से बिलोंग करता है। फॉर इट्स एग्जाम्पल, कैसे, फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर लिटरेचर है। और दैट टाइप ऑफ ड्रामा, ऐसा ड्रामा है विच कॉल्ड द मास, जिसको मास्क बोला जाता था, बोला गया है, और जो इटली से लाया गया था। यहाँ मास्क के बारे में कुछ फीचर है कि उन्होंने मास्क के कॉमस, एक जो मास्क है जिसको इटली से लाया गया और उस समय ही प्रोमिनेंट चल रहा था कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ पर उनके फीचर आने स्टार्ट हो गए कि प्यूरिटनिज्म के लिए एक्सट्रीमली पॉपुलर, एट कोर्ट में काफी पॉपुलर थे। दैट मिल्टन शुड बी विलिंग टू अडोप्ट इट, प्रूफ दैट ही वॉज स्टिल फार फ्रॉम शेयरिंग द इंटेंस हॉस्टिलिटी ऑफ प्यूरिटन पार्टी। वो अपनी पूरी इंटेंस गहराई से अपनी हॉस्टिलिटी को, अपनी जो गुस्सा था रिफॉर्मेशन को लेकर के, रिफॉर्मेशन होना चाहिए, उसको पूरी तरह से नहीं दिखा पाए। बट तो ही रोट इन द फॉर्म ऑफ रेंसा आर्ट। कॉमस को भी उसने किस फॉर्म में लिखा, अगर फॉर्म की बात करें तो रेंसा था, लेकिन फिल्ड थी विद द स्टर्नेस मोरल स्पिरिट एंड मीनिंग। उसमें मोरल स्पिरिट और पूरे मीनिंग की बात की है। इसकी पूरी कहानी हमने किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया, आप चैनल पर देख सकते हैं, द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। तो कॉमस की पूरी कहानी है, डिवाइन लेडी के बारे में है। वी सी द स्ट्रीम इन्फ्लुएंस विच मिल्टन्स जीनियस वॉज फेड रनिंग टूगेदर विद नोट, वाइल द ड्रामा इज लोडेड विद क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल एलिमेंट यहाँ पर जरूर रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन फॉर्म के अकॉर्डिंग ये एक रेंसा वर्क ही था। फाइनली जिनका फोर्थ मेजर वर्क था जो होटल पीरियड में था, वो था लाइसिटस। वी हैव प्यूरिटनिज्म विच इज पॉलिटिकल एंड एक्लिसियास्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल एंड एथिकल। ये पॉइंट नोट करने वाले हैं कि लेसिडस जो एक तरह से पूरी तरह से प्यूरिटनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा वर्क था। उसने वहां के सिस्टम को इस वर्क में कमेंट किया है, टारगेट किया है, जो एक पोलिटिकल एंड एक्लिसियास्टिकल दोनों ही है, स्पिरिचुअल और एथिकल दोनों तरह से। ये एक मोनोडी है, पेस्टोरल एनालॉजी है, लेकिन अगर ऑप्शन में मोनोडी होगा तो आपको मोनोडी पर टिक करना होगा। इस टर्म के बारे में एक वीडियो बनाई जा चुकी है, तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये एक मोनोडी है, ऑन द डेथ ऑफ मिल्टन कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग की लाइफ पर बनाए, बिल्कुल ऐसी है जैसे स्पेंसर ने लिखी है एस्ट्रोफेल फिलिप सिडनी की डेथ पर। इट बिलोंग्स विद कॉमस टू द रेंसा, देयर फोर इन फॉर्म की अगर बात करें, कॉमस की तरह फॉर्म में रेंसा है, बट इन रिलीजियस एक्सेंट, अगर रिलीजियस एक्सेंट की बात करें थ्रू आउट द अनमिस्टेकिंगली, ये एक तरह से पूरा प्यूरिटिन वर्क है। वाइल इट्स फेमस अटैक ओपन द करंट, किस पर अटैक किया उन्होंने, करप्ट चर्च सिस्टम पर और हर्लिंग्स कैलर्जी पर। हर्लिंग्स क्या होता है, जब कोई आदमी सर्विस के लिए चर्च सेवा में जाता है और वो चर्च सर्विस में नहीं, केवल अपना करियर बनाने के लिए चर्च की सर्विस को चुनता है, पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए चर्च की सर्विस को चुनता है, तो उसको हर्लिंग्स बोलते हैं। तो वो उसके खिलाफ थे, इसको खत्म करना चाह रहे थे। तो करप्ट सिस्टम और हर्लिंग एलर्जी पर उन्होंने कमेंट किया है अपने वर्क लेसिडस में। ये पॉइंट याद रखने वाले, उनकी डेथ पर तो उन्होंने लिखा है, मोनोडी तो ये है, लेकिन उन्होंने टारगेट किसको किया है, जो वहां का करप्ट सिस्टम है, चर्च सिस्टम, साथ साथ हर्लिंग्स एलर्जी है। जब चर्च की सर्विस में आप करियर बनाने के लिए, जॉब पाने के लिए जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व है, तो वहां से करप्शन स्टार्ट हो जाता है, उन सब चीजों को उन्होंने टारगेट किया है। तो एक तरह से पूरी तरह प्यूरिटन वर्क है। ऑफ द टाइम ओपनली प्रोक्लेम्स मिल्टन्स अडेरेंस टू द प्यूरिटन कोज, जो रिफॉर्मेशन के लिए जो उनका पर्पज था रिफॉर्म लाना, वो प्यूरिटन कोज कहलाया, उसी के लिए उन्होंने इस वर्क को डेडिकेट किया है। थ्रू दीज अर्लियर पोएम्स, उनकी इन अर्लियर पोएम के माध्यम से वी कैन ट्रेस हिस्टोरिक ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एलिमेंट उनके अंदर डेवलप होने लगे मिल्टन के माइंड में, और जो उनके बाद के वर्क में दिखने लगा। द लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ रेंसा वॉज नॉट अबेंडन्ड बाई हिम, वो रुक नहीं सकी रेंसा, द लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ रेंसा वर नॉट अबेंडन्ड, वो रोकी नहीं गई बाई हिम उसके द्वारा, और वो रिलीजियस एलिमेंट उनके अंदर स्टार्ट हो गए, जो उनके बाद के वर्क में दिखाई देने लगे। देन उनका जो थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है 1642-1660, जो उनका प्रोज वर्क है, तो उसके बारे में यहाँ बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। एक बार एट द एज ऑफ 31 ही स्टार्टेड टू राइटिंग प्रोज वर्क, और यहाँ हडसन जी ने बहुत कुछ उनके मेंशन नहीं किया है, सिवाय एक वर्क है उनका जो स्टाइल था वो हैवी था, कंबरसम था, और हिमसेल्फ सेड। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मिल्टन ने खुद कहा है कि जितने भी उनके प्रोज वर्क है वो तो उसके लेफ्ट हैंड के वर्क है। लेफ्ट हैंड मीन्स बहुत आसान है उनको लिखना, और उसके लिए बहुत कोई बहुत बड़ी काम नहीं थी।
वी कैन लर्न फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी पेज दैट हिज लेफ्ट हैंड डिड नॉट पोजेस द कनिंग ऑफ हिज राइट। उसका राइट हैंड जितना कनिंग था, मींस जितना एक्सपर्ट था, अगर बात करते हैं लाइसिडस की, कोमस की, या पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, कितनी सफाई से इतने एक मास्टर वर्क दिए हैं, तो ये प्रोज वर्क तो उसके लेफ्ट हैंड के वर्क के बराबर है। तो ये उनका खुद का रिमार्क है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। क्या फीचर थे उनके प्रोज वर्क के? लॉन्ग ट्रेलिंग सेंटेंसेस थे, तो इन्वॉल्व करते थे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, पैरेंथेसिस, बीच में कोमा लगा के काफी वर्ड को यूज करना, और लेटिन इन्वर्जन उसमें यूज किए गए थे, और बहुत सारे फैक्ट को उसमें यूज किया था। तो भारी भरकम लैंग्वेज के साथ वो इस प्रोज वर्क को किए थे, जो खुद मानते हैं कि तो मेरा लेफ्ट हैंड का वर्क है। तो एम एच अब्राम ने यहाँ पर, सॉरी एम एच अब्राम याद आ रहा है, हर्सन जी ने यहाँ पर केवल एरोपेजिटेका के बारे में लिखा है कि डायरेक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट विच वॉज एस्टेब्लिश सेंसरशिप ऑफ। प्रिंटिंग के लिए जो सेंसरशिप लगाई गई थी वहां पर 1643 में, उस ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने एरोपेजिटेका का वर्क लिखा, और बहुत सारे वर्क लिखे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है। फिलहाल हम हर्सन से हिस्ट्री क्लियर कर रहे हैं। तो मिल्टन की लेटर पोएट्री की बात करते हैं, इट वॉज नॉट टिल द रिस्टोरेशन, मोनार्की वापस आ गई थी 1660 में, वो एक प्राइवेट लाइफ बिता रहे थे जहाँ वो अकेले थे, अंधे थे, और अपना एकांत समय दे रहे थे, अपने थॉट्स को डेवलप कर रहे थे। तो अब बात आती है पैराडाइज लोस्ट, ही प्रोड्यूस आवर ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएम। पैराडाइज लोस्ट को कहाँ कंसिडर किया जाता है? अ प्रोडक्शन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएम, इट इज इन द स्टडी ऑफ द स्टेपेंडियस मास्टरपीस ऑफ इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड क्रिएटिव पावर दैट फुल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी इन हिज वर्क विच वी हैव स्पोकन बिकम अपेरेंट। उनकी जितनी भी क्वालिटी जिसकी हमने बात की थी, अर्ली पोएट्रीज में, प्यूरिटनिज्म में, और जो उनके मास्टर वर्क थे, वो सब स्पिरिट इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन एज एन एक्सपोजिशन ऑफ हिज थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है कि रिलीजन और गॉड के बारे में आपके जो विचार है, जो उनका अध्ययन है, जो जितनी भी नॉलेज है, वो थॉट्स है, उसी का एक्सपोजिशन, उसी को एक्सप्रेस किया है उन्होंने पैराडाइज लोस्ट में। ठीक है, अपॉन द फाउंडेशन दैट द थियोलॉजी इज अंडरटेक्स टू एसर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यही इसका सब्जेक्ट था, एटर्नल प्रोविडेंस, और जस्टिफाई करता है गॉड के एक्शन को टू द मैन, मनुष्य को। बट इट एज ए थिंकर एंड मोरलिस्ट ही नाउ बिलोंग टू कंप्लीटली टू प्यूरिटनिज्म। एज ए थिंकर और मोरलिस्ट, अब वो पूरी तरह से प्यूरिटनिज्म थे, चर्च सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, और रिफॉर्मेशन के वो सब चीज लिख रहे थे। और एज एन आर्टिस्ट ही हैड नॉट सीज्ड, अभी उन्होंने बंद नहीं किया टू बिलोंग टू रेंसा। आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने रेंसा के इन्फ्लुएंस को बंद नहीं किया, लेकिन मोरलिस्ट और थिंकर विचार से वो एक तरह से पूरी तरह से रिफॉर्मेशन या प्यूरिटनिज्म को रिफ्लेक्ट करते थे। इन इट्स फॉर्म, अगर फॉर्म की बात करें, स्टाइल एंड पुलिस मशीनरी और मेथड की बात करें, पोएम वर टेक अस बैक टू मिल्टन्स अवार्ड मॉडल्स ग्रेट एपिक ऑफ क्लासिकल एंटिक। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट है आप इसको नोट कर लीजिए, ये उनके थियोलॉजिकल व्यूज को एक्सप्रेस करता है, और उसकी सब्जेक्टिविटी क्या है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये इसका सब्जेक्ट है। एज ए थिंकर वो एक प्यूरिटनिस्ट थे, मोरलिस्ट, और एज एन आर्टिस्ट वो एक रेंसा को रिफ्लेक्ट करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट की फॉर्म की बात करें और स्टाइल की बात करें, इसकी मशीनरी की बात करें, मेथड की बात करें, तो इसमें सबसे क्लासिकल एंटिक्विटी का उन्होंने यूज किया, क्लासिकल मॉडल को उन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, वो रिकॉल करते हैं अपने उस अर्ली और हैप्पी डेज को, और प्यूरिटन इन मिल्टन वाज नॉट किल्ड द ह्यूमनिस्ट। प्यूरिटन ने मिल्टन के अंदर जो एक फीचर है रेनेसा का ह्यूमनिस्ट, उसको अभी नहीं मारा था, वो उसकी उत्साह उनके अंदर दिखाई देता है। दैट मिल्टन शुड हैव रिटन द ग्रेटेस्ट रेगुलर एपिक पोएम इन एनी मॉडर्न लिटरेचर एंड शुड हैव येट रिटन इट नॉट अ क्लासिकल बट ऑन ए थियोलॉजिकल सब्जेक्ट। अगर वो किसी मॉडर्न लिटरेचर पर भी, ये टॉपिक पर भी ये लिखते, तो भी इतना पॉपुलर होता, लेकिन उन्होंने थियोलॉजिकल सब्जेक्ट पर इसको लिखा, और एज ए व्हीकल टू क्रिश्चियन टीचिंग, एक व्हीकल के रूप में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है उन्होंने, कि कैसे क्रिश्चियन क्रिश्चियन टीचिंग वो उनके वैल्यूज को, उनके मॉरल्स को, उनके टीचिंग्स को पब्लिक तक ला सकते हैं, तो वो पैराडाइज लॉस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा। ठीक है, तो उन्होंने बाइबल बाइबलिकल थीम पर ये चीज लिखी है, क्लासिकल मॉडल पर बेस बनाते हुए।
पैराडाइज लोस्ट रिवोल्ट है सैटर्न का अगेंस्ट द गॉड, यहाँ पर कुछ पॉइंट उन्होंने किए हैं। साथ साथ रिबेल एंजल्स इसमें है, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड मैन की इसमें बात की गई है, टेम्पटेशन ऑफ ईव एंड एडम की वो कैसे टेम्प किया सैटर्न ने और कैसे उन्हें एडन से गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिया गया, और जो सेंट्रल पर्पज तो वही था मैन फर्स्ट डिसोबीडेंस मनुष्य की पहली गलती और जिसके कारण उनकी लाइफ में सिन एंड डेथ आ जाते हैं। ये पूरी कहानी पैराडाइज लॉस्ट की है। और वो इंट्रोड्यूस करते हैं द डिवाइन वर्क ऑफ रिडेम्पशन, दो इन दिस वे ही हैड एपिरेंटली कंप्लीटेड हिज ओरिजिनल स्कीम, जो उनकी ओरिजिनल स्कीम थी एक बड़ा एपिक लिखना और उसमें क्रिश्चियन थीम को बिब्लिकल थीम पर इस चीज को प्रेजेंट करना, वो उनकी स्कीम पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद में उन्होंने इसका एक सीक्वल लिखा जो 4 बुक्स में था, प्रोवाइडेड बाय द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन विल्डरनेस, यही इसकी थीम थी पैराडाइज रिगेन की, क्या द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन विल्डरनेस, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन, जो एक सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का जो 4 बुक में लिखा गया। पैराडाइज रिगेन सीम्स टू बी मोस्ट मॉडर्न रीडर एज अ वेरी स्लाइस, मॉडर्न जो रीडर है उनको ये बहुत छोटा लगता है, क्यों? क्योंकि उससे पहले जो वर्क आया था पैराडाइज लॉस्ट वो बहुत जाइगेंटिक है, विशाल है, 12 बुक में था। साथ साथ उनका एक वर्क आया था ड्रामेटिक पोएम सैमसन अगोनिस्ट, सैमसन द रेसलर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सब टाइटल था इसका सैमसन अगोनिस्ट सैमसन द रेसलर, तो पैराडाइज रिगेन के साथ ही पब्लिश हुआ। क्राउंस द लेबर ऑफ दिस क्लोजिंग ईयर, ये उनके इस क्लोजिंग ईयर की मेहनत को रिफ्लेक्ट करता है। पैराडाइज लॉस्ट मिंटल अप्लाइज द फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट अप्लाई किया उन्होंने, और ट्रीटमेंट जो है वो बिब्लिकल सब्जेक्ट ही, सब पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस्ड है। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्टनिक पोएट्री, यहाँ पर कुछ फैक्ट ऐसे हैं, स्टेटमेंट है जो एग्जाम में आ चुके आ सकते हैं। आफ्टर शेक्सपियर मिल्टन इज ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, शेक्सपियर के बाद मिल्टन कौन है इंग्लिश के ग्रेटेस्ट पोएट है, ये पॉइंट पूछा जा चुका है, विच मीन्स ही इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट आउटसाइड द ड्रामा, अगर शेक्सपियर के ड्रामा को हटा दे तो सबसे इंग्लिश में ग्रेटेस्ट पोएट कौन रह जाएंगे, ऑफ कोर्स जॉन मिल्टन। शेक्सपियर की जो पॉपुलैरिटी है वो ड्रामा की वजह से है, तो इसीलिए शेक्सपियर के बाद मिल्टन को रखा जाता है, लेकिन अगर ड्रामा को आउटसाइड द ड्रामा की बात करें तो मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पर इस पॉइंट की बात की गई है। इन द मोस्ट एनानिमस जजमेंट ऑफ द क्रिटिक, क्रिटिक की जो अगर एक रूप में अगर उनको देखे, ही इज टू बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द 3 और 4 सुप्रीम पोएट ऑफ द वर्ल्ड, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्रिटिक्स के सभी विचारों को इकट्ठा करते और उसका एक निष्कर्ष निकाले तो ही इज टू बी रिगार्डेड, उसको रिगार्ड किया जाना चाहिए एज वन ऑफ द 3 और 4, 3 या 4 में से एक है वो जो वर्ल्ड के बेस्ट पोएट है, वर्ल्ड की बात की है यहाँ, ब्रिटेन की बात नहीं की है, तो उनको कितना हाई पोजीशन दी गई है, द यूनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर एंड क्रिएटिव पावर बोथ देयर हाईएस्ट, उनकी जो क्वालिटी थी यूनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर उनके पास बौद्धिक शक्ति थी, साथ साथ क्रिएटिव पावर सर्जन शक्ति थी कि वो कैसे नए वर्क को कर लेते थे। उन्होंने जो ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है, पैराडाइज लॉस लिखा है, पैराडाइज रिगेन लिखा है, तो एक क्रिएशन क्रिएटिविटी उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और अपनी इंटेलिजेंस को भी रिफ्लेक्ट किया, ये पावर उनके पास थी। मिल्टन की सबलिमिटी फेमस है काफी, इंग्लिश ही इज द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोएट, जितने भी इंग्लिश पोएट है उसमें उनको सबसे ज्यादा सबलाइम पोएट की कैटेगरी में रखा गया है, एंड वन एक्नोलेज मास्टर ऑफ व्हाट मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड उनको क्या हुआ है एक्नोलेज मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, साथ साथ उनको एक रिमार्क दिया है द ग्रैंड स्टाइल जो उन्होंने यूज किया पैराडाइज लॉस्ट में, उनको ऊपर काफी अच्छे रिमार्क किया, तो ही यूज अ ग्रैंड स्टाइल, एलिवेटेड लैंग्वेज एलिबोरेटेड लैंग्वेज एपिक सिमिलीज का इसमें यूज किया जाना, सो दिस इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, इसको पूरा डिफाइन किया मैथ्यू अर्नोल्ड ने, सो दिस आर द फीचर्स एंड कमेंट्स ऑन जॉन मिल्टन। व्हाट एल्स वी हैव, देयर इज एन इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरीथिंग ही राइट्स व्हिच इज सिंगुलरली इंप्रेसिव, उन्होंने जितना भी वर्क लिखे है उसमें एक इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी पर फोकस रखा है, हर एक चीज में सिंगुलरिटी में वे में इसको इम्प्रेस किया है, एंड देन दैट वी आर इनडीड इन प्रेजेंस ऑफ वन हूज सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्थ अपार्ट, क्या बता सकते हैं आप ये लाइन किसने लिखी है मिल्टन के बारे में, अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर एक फीचर आ जाता है इनके ब्लैंक वर्ड्स का,
ब्लैक वर्क्स की इन्वेंशन अर्ल ऑफ सर्रे ने की थी, लेकिन उसको क्रैक किया मार्लो ने और पॉपुलराइज किया विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन ड्रामा से बाहर उसको अगर किसी ने परफेक्टली यूज किया है, उसका क्रेडिट टोटली किसको जाता है, जॉन मिल्टन को। तो यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, इट हैड नॉट दस फार बीन अडॉप्टेड फॉर एनी इंपॉर्टेंट नॉन ड्रामेटिक पोएम के लिए कभी यूज नहीं किया गया था, लेकिन मिल्टन ने इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कि ये एटर्निटी को चला गया, मीन्स ये अनंत में चला गया, फेमस हो गया। उससे पहले पैराडाइज लोस्ट उन्होंने इसमें लिखी, इंग्लिश हीरोइक वर्स में जितने भी लिखे जाते थे, जितने भी एपिक वर्क है वो सब हीरोइक वर्स में लिखे जाते थे जो राइम होते थे, लेकिन मिल्टन ने ऐसा क्या किया कि पैराडाइज लोस्ट में ब्लैंक वर्स को यूज किया जो अनराइम्ड होता है, और उसने इसको एक तरह से परफेक्ट वे में यूज किया है एक वर्स के अंदर ड्रामा के बाहर। ऑफ हिज मेजर्स ही रिमेन्स आवर ग्रेटेस्ट मास्टर। अगर इस फीचर की उनके बात करके कैसे पैराडाइज लोस्ट में उन्होंने एक वर्स के अंदर, वर्स पोएट्री के अंदर ब्लैंक वर्स को ऐसे यूज किया कि ये इस क्वालिटी के कारण ही उसको कंसीडर किया जाता है आवर ग्रेटेस्ट मास्टर। ये रिमार्क भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया है, आवर एक्नोलेज मास्टर एंड आवर ग्रेटेस्ट मास्टर। तो आई होप यू लर्न अ गुड फैक्ट फ्रॉम दिस। अब इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द रेन ऑफ द एम्परर। उस समय किस राजा का वहां पे शासन था, और जब राजा के शासन की बात होती है तो वहां पे किस कल्चर का इन्फ्लुएंस था, वो किस चीज से प्रभावित था, और उसके टाइम पीरियड में किस तरह के वर्क, लिटरेरी वर्क लिखे गए, तो ये राजा के शासन पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह लिटरेरी जॉनर चेंज होते रहे और उनका इन्फ्लुएंस इस पर जरूर पड़ता है। साथ साथ इस पीरियड को लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना जाता है, किस लिटरेरी एज के नाम से इसको जाना जाता है, उसमें प्रोमिनेंट ऑथर कौन रहे, किसका शासन रहा, किसने गवर्न किया अपने लिटरेरी वर्क से। सो जान लेते हैं पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिस्कशन हिस्टोरियन डिवाइडेड द कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट ऑफ टाइम। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो हिस्टोरियन ने है इंग्लिश पीरियड की कंटिन्यूटी को कुछ फ्रेगमेंट में तोड़ के डिवाइड कर दिया है, पीरियड में डिवाइड कर दिया है, और इसी को बोला जाता है पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे जानेंगे द एग्जैक्ट नंबर एंड डेट्स एंड नेम्स ऑफ दिस पीरियड वेरी। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, किसी भी बुक में आपको फिक्स आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये वेरी करती है कि किस नंबर का है, किस डेट का है और उसका क्या नाम रखा गया है। ये चीजें वेरी करती है, बदलती रहती है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि लिस्ट बिलो कंफर्म द वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाने वाला जो फ्रेज है, जो टर्म है, वो यहाँ पर यूज किए गए हैं एमएच अब्राहम बुक्स में, तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसकी ड्यूरेशन रही है 452 1066। 450 से 1066 तक के पीरियड को बोला जाता है ओल्ड इंग्लिश, और इसका दूसरा नाम क्या है, एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड या इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड क्योंकि उस समय इंग्लैंड में किसका शासन था, वहां पर जर्मेनिक ट्राइब्स थे जिसमें एंजल्स थे, सैक्सन थे, जूट्स थे, तो इन ट्राइब्स का वहां पे कंट्रोल था, और वो कंट्रोल कब तक चला, 1066 तक, जब तक विलियम द कैंकुरर ने वहां पर इंग्लैंड में जीत हासिल की, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसको बोला जाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसकी ड्यूरेशन बिल्कुल क्लियर है, 1066 से लगभग 1500 सेंचुरी तक मिडिल इंग्लिश पीरियड बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्योंकि नॉर्मन्स का शासन था वहां पे, ठीक है, नॉर्मेंडी के शासक थे विलियम द नॉर्मेंडी, तो उनका शासन रहा है, तो इसलिए इसको इंग्लिश एंग्लो नॉर्मल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन कब से कब तक है, 1066 से 1500 तक। अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा टीजीटी पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, 1500 से 1660 तक के पीरियड को एक तरफ रखा गया है, और इसको स्टार्ट माना जाता है अर्ली मॉडर्न पीरियड। ये मॉडर्न पीरियड नहीं है, मॉडर्न पीरियड की स्टार्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्ली मॉडर्न पीरियड, और इसको द रेनेसा भी बोलते हैं। इटली से इन्फ्लुएंस होकर जितना भी रिवाइवल हुआ, रिबर्थ हुआ नई नॉलेज का, ग्रीक हो, रोमन हो, इटालियन हो, तो उसका जो रिवाइवल हुआ है उस नॉलेज का, उस कल्चर का, उस आर्ट का इंग्लैंड के अंदर, उसी को बोला गया रेनेसा। और रेनेसा कब से कब तक माना जाता है, 1500 से 1660 तक। यहाँ पर एक पॉइंट जान लीजिए, जॉन मिल्टन रेनेसा के लास्ट पोएट थे जिनके ऊपर रेनेसा का इन्फ्लुएंस था,
वो लास्ट पोएट जो ऐसे थे वो जॉन मिल्टन थे, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस पीरियड को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पर 1558 जब क्वीन एलिजाबेथ महारानी बनी इंग्लैंड की, और वो कब तक रही, 1603 तक वो महारानी रही। ये जो पीरियड डिस्क्राइब किया गया है ये पॉलिटिकल पीरियड है या हिस्टोरिकल पीरियड है, लिटरेरी पीरियड में दूसरे नाम आते हैं वो हम बताते रहेंगे आपको। तो 1558 में वो वहाँ की महारानी बनी और 1603 तक उसका शासन बना, पहली लेडी एम्परर थी। तो इस एज को पूरा नाम रख दिया गया एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, इसमें शेक्सपियर रहे और उनके ड्रामे काफी फ्लोरिश हुए। इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। क्या? गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको माना जाता है? एलिजाबेथन एज को, क्योंकि इसी में ही लिटरेचर और ड्रामा की स्टार्ट हुई और वो फ्लरिश हुई और अपने पीक तक चली गई। तो इस एज की सेकेंड कैटेगरी है 1500 से 1660 तक को ही डिवाइड कर रहे हैं। 1603 में जेम्स फर्स्ट राजा बने स्कॉटलैंड के, जेम्स सिक्स फोर्थ थे और वो इंग्लैंड के शासक बने जेम्स फर्स्ट। और इटली में, सॉरी इटालियन लैंग्वेज में, लेटिन में जेम्स को जैकोब बोला जाता है, तो उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया जैकोबियन एज। कब से कब तक? 1603 से 1625 तक। अगर इन दोनों पीरियड को मिला दे तो इसी का नाम रखा जाता है शेक्सपियरन एज। कब से कब तक? 1558 से 1558 से 1558 से 1625 तक का जो पीरियड है उसी को शेक्सपियर एज बोला जाता है। शेक्सपियर की जो लाइफ स्पेन है वो 1564 से 1616 तक है, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस रहा वो इस पीरियड तक रहा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है शेक्सपियरन एज। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें, इसके बाद किसका शासन आया? 1625 में चार्ल्स फर्स्ट राजा बने और कैरोलस, लेटिन में कैरोलस बोला जाता है और इंग्लिश में उसको कैरोलाइन बोला जाता है, चार्ल्स को, सॉरी चार्ल्स बोला जाता है इंग्लिश में और लेटिन में उसको कैरोलस बोला जाता है, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है कैरोलाइन एज। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1625 से 1649 तक। इस एज में मिल्टन ने अपने करियर की स्टार्टिंग की और इसी में यहाँ पे स्टार्ट आ जाता है 1649 से 1660 तक, जब 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, तो पार्लियामेंट ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और उस समय किसी राजा का शासन नहीं था, इसीलिए उसको इंटररेग्नम भी बोला जाता है। जब दो शासन के बीच में एक पीरियड गया है जिसमें किसी का शासन नहीं चला, किसी का रूल नहीं था, तो उसको इंटररेग्नम बोला जाता है। अक्सर एग्जाम में इंटररेग्नम का मीनिंग पूछ लिया जाता है। और इसका टाइम पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में कब से कब तक है? 1649 से 1660 तक। तो कॉमनवेल्थ मीन्स पार्लियामेंट का शासन था, इसलिए इस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड माना जाता है। अब अगर मिल्टन की एज की बात करें तो 1625 से 1660 तक का जो पीरियड है वो मिल्टन मिल्टनिक एज या एज ऑफ मिल्टन बोला जाता है। ये क्वेश्चन 3 to 4 टाइम पूछा जा चुका है। सो रिमेम्बर दिस फैक्ट, 1625 से 1660 तक के पीरियड को मिल्टन की एज बोला जाता है। हालांकि मिल्टन की डेथ 1674 में हुई थी, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस था, मेजर वर्क थे वो यहीं तक थे। 1625 से 1660 तक के पीरियड को कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ को मिला दिया जाए तो एक पीरियड बन जाता है एज ऑफ मिल्टन। तुम यहाँ हिस्टोरिकल वे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही 1660 की बात आती है तो यहाँ पर रिस्टोरेशन हो जाता है और यहाँ पे शासन किसका जाता है? चार्ल्स सेकेंड का। 1660 से 1785 तक के पीरियड को बोला जाता है नियो क्लासिकल पीरियड। इसको एज ऑफ एनलाइटेनमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नई तरह की कल्चर स्टार्ट हो जाती है, साइंस का स्टार्टिंग हो जाती है, रेशनलिटी आती है और ग्रीक कल्चर को दोबारा से फॉलो किया जाता है लिटरेरी वर्क के अंदर। इसीलिए इसको बोला गया है नियो क्लासिकल एज, एक तरह से नई क्लासिकल एज इसको बोला गया है। कब से कब तक? रिस्टोरेशन 1660 से लेकर 1785 तक। कुछ बुक्स में आपको ये 1789 भी मिल सकता है, सॉरी 98 भी मिल सकता है, लेकिन एम एच अब्राहम के अकॉर्डिंग 1785 तक के पीरियड को नियो क्लासिकल पीरियड बोला जाता है। रेनेसा की तरह इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। 1660 से 1700 तक जो पीरियड है वो रिस्टोरेशन एज बोला गया, क्योंकि इसमें दोबारा से मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई, राजतंत्र स्थापित हो गया। 1660 में चार्ल्स सेकेंड राजा बने और उसके बाद फिर विलियम बने। इसी पीरियड में एक 1688 में ग्रेट रिवोल्यूशन हुआ था। तो रिस्टोरेशन पीरियड को अगर लिटरेचर के अकॉर्डिंग जाने तो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ ड्राइडन।
क्योंकि इसमें ड्राइडन प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं, उनके लिटरेरी वर्क काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस एज को, तो इसलिए इसको बोला जाता है एज ऑफ ड्राइडन। पॉइंट नोट रखिएगा, रिस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक, और इसी को बोला जाता है लिटरेरी वे में द एज ऑफ ड्राइडन। तो सॉरी, तो 1700 में स्टार्ट होता है अगस्टन एज। लगभग 1st सेंचुरी BC में राजा थे रोमन के अगस्टन, तो उन्हीं के कल्चर को दोबारा से कॉपी किया गया, क्योंकि पूरी ये पूरी पे एज क्या है, नियो क्लासिकल एज, क्लासिसिज्म को फॉलो किया गया। तो वहां पे अगस्टन के टाइम पे जो चीज थी उनको फॉलो किया गया, उनका रिवाइवल हुआ, और इसीलिए इस एज को बोला गया है अगस्टन एज। आई होप यू रिमेम्बर दिस फैक्ट कि अगस्टन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1st सेंचुरी BC में अगस्त किंग थे और उन्हीं के चीजों को फॉलो किया गया, इसलिए अगस्टन एज बोला गया है। और लिटरेरी वे में अगर जाने तो इस एज को बोला जाता है एज ऑफ पोप। इसमें अलेक्जेंडर पोप एक प्रोमिनेंट फिगर थे, जिनके वर्क ने पूरी एज को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, और इसीलिए इसको बोला जाता है एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने रेप ऑफ द लोक लिखी थी, जो एक पैरोडी है, जो एक इमिटेशन है किसकी, जॉन मिल्टन के एपिक वर्क पैराडाइज लॉस्ट की। तो 1700 से 1745 तक का एज है अगस्टन एज और एज ऑफ पोप। फिर 1745 से 1785, कुछ बुक्स में आपको 1798 तक का पीरियड मिलेगा आपको जो प्रैक्टिस में है। तो एमएच अब्राम क्या प्रिफर करते हैं कि इस एज को कब से कब तक रखा गया है, 1785 तक, और इसको बोला गया एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और इस एज में जॉनसन की एज भी बोला जाता है, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के वर्क इसमें काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उनके नॉवेल्स, सॉरी उनके वर्क जितने भी थे, नॉवेल थे जिस कैटेगरी में भी वो आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, इसलिए एज ऑफ जॉनसन बोला जाता है, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर न्यू क्लासिकल एज फिनिश हो जाती है, क्योंकि 85 से 98 तक का जो पीरियड है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन को डेडिकेट हो जाता है। फ्रेंच रिवोल्यूशन का काफी इम्पैक्ट पड़ता है, इसको अर्ली रोमांटिक एज भी बोला जाता है इस पीरियड को। कब से कब तक को, 1785 से 1798 तक, कुछ बुक्स में आपको ऐसा मेंशन मिलेगा। एम एच अब्राम यही कंसीडर करते हैं 1785 तक की एज को ही न्यू क्लासिकल एज का एंड मानते हैं। तो यहाँ पर एज स्टार्ट हो जाती है, कौन सी एज स्टार्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द रोमांटिक एज, 1785 से 1832 तक। ये रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें रोमांटिक पोएट की अगर बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, इनका काफी प्रभाव रहा। फिर यंगर जनरेशन आई, जॉन कीट्स, पी बी सैले, लॉर्ड बायरोन, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर बुक की बात, मार्केट में अवेलेबल बुक की बात करें, तो उसमें आपको मिल सकता है कि एज की शुरुआत कब से हुई, 1798 से कब से कब तक, 1837 तक। यहाँ पर ये चीजें आपको वेरिएशन है, इसको याद रखना होगा। कंसीडर किया जाता है कि 1837 तक रोमांटिक एज चली, और स्टार्ट कब से हुई, 1798 से। इस बुक में फिलहाल इसको मेंशन किया गया है 1785 से 1832 तक ये पीरियड चला। अब इस पीरियड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है आगे, कि 1837 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी बनी, और तब से इसको स्टार्टिंग मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर 32 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्लियामेंट में कुछ नए एक्ट पारित हुए जिनका काफी प्रभाव हुआ, जिनसे कल्चर पूरी चेंज हो गई, साइंस की एज स्टार्ट हो गई, इसलिए इसको 1832 से भी कुछ बुक्स कंसीडर करती है। फिलहाल ओवरऑल हम कहेंगे कि 1832 से 1901 तक के पीरियड को क्या बोला गया है, द विक्टोरियन पीरियड, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया वहां की महारानी थी, हालांकि वो 1837 में गद्दी पर बैठी थी। अब इस एज को फर्दर डिवाइड किया है एम एच अब्राहम जी ने, क्या 1848 में प्री रेफलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो लगभग 1860 तक चली, और इस पीरियड का नाम दिया गया प्री रेफलाइट। प्री रेफलाइट 14 सेंचुरी में इटली में चल रही कल्चरल मूवमेंट को फॉलो करते हैं, और राफेल वहाँ के एक आर्टिस्ट थे, और उन्हीं के वर्क को पोएट्री के माध्यम से और ड्रॉइंग के माध्यम, आर्ट्स के माध्यम से इसको सोसाइटी में लाने की कोशिश की गई। तो राफेल के नाम पर ही इसको नाम रखा गया प्री रेफलाइट, और इसको प्री रेफलाइट ब्रदरहुड भी बोला जाता है। तो कब से कब तक है ये, विक्टोरियन एज के बीच में एक छोटी सी एज आती है मूवमेंट, 1848 से 1860 तक। फिर 19 सेंचुरी की एंड में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसको बोला जाता है एस्थेटिसिज्म या डेकेडेंस। इसमें आर्ट को इतनी इंपोर्टेंस दी गई कि ह्यूमन के द्वारा प्रोडक्ट की गई, प्रोड्यूस की गई जितनी भी आर्ट है, उसमें आर्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ह्यूमन लाइफ से भी ज्यादा है। और इसमें एक स्लोगन दिया गया था, आर्ट दाउ फॉर आर्ट, मीन्स आर्ट फॉर आर्ट्स सेक,
का ये स्लोगन दिया गया, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एस्थेटिसिज कब आया? 19th सेंचुरी के लास्ट में, और वो किसके अंदर आता है? विक्टोरियन एज के अंदर। विक्टोरियन एज कब से कब तक है? 1832 से 1901 तक। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा मॉडर्न पीरियड, 1901 से 1945, जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। दोनों ही वर्ल्ड वार इस मॉडर्न एज में आते हैं, और इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, और इसका क्लासिफिकेशन के जो नाम रखे गए हैं वो यहाँ पर है। 1901 जब विक्टोरिया वहां से हट गई और जॉर्ज उस पर बैठ गई, सॉरी एडवर्ड किंग राजा बने, तो इसीलिए इस एज का नाम है एडवर्डियन पीरियड। जी अगर गार्ल्सवर्थी के वर्क की बात करें तो उनका अर्ली जो करियर है वो इसी एज में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है 1914 से 1939, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच का जो पीरियड है, जॉर्ज फिफ्थ यहाँ के राजा थे, तो इसीलिए इस एज का नाम है जॉर्जियन पीरियड। जॉर्ज पंचम वो इंडिया भी आए थे इसी समय में, तो जॉर्जियन एज बोला जाता है। तो जितने भी मास्टर वर्क है, प्रोमिनेंट वर्क है जॉन गाल्सवर्थी के, वो जॉर्जियन पीरियड में ही आते हैं। तो इन दोनों एज को मिलाकर ही बोलते हैं एज ऑफ गाल्सवर्थी। इन दोनों एज में उनके वर्क काफी इन्फ्लुएंस रहे, तो एडवर्डियन एज एंड जॉर्जियन एज ये मॉडर्न एज के पीरियड है। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नई एज स्टार्ट होती है उसको पोस्ट वार पीरियड बोला गया है। कब से कब तक? 1945 से 1970 तक, और उसके बाद से प्रेजेंट तक के समय को बोला जाता है पोस्ट मॉडर्निस्ट पीरियड। ठीक है, इस एज का नाम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड भी आपको मिल सकता है, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, और इसको पोस्ट मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट के बाद जो समय स्टार्ट हुआ उसी को बोला गया है पोस्ट मॉडर्निस्ट पीरियड। तो आई होप दिस विल हेल्प यू कि हमने ओल्ड इंग्लिश से लेकर एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर मिडिल इंग्लिश नॉर्मल पीरियड, फिर रेनसा जिसको अर्ली मॉडर्न पीरियड बोला गया, उसी में एलिजाबेथन आई, शेक्सपियरियन एज आई, जैकोबियन आए, कैरोलाइन एज आई, कॉमनवेल्थ पीरियड आया जिसमें जॉन मिल्टन की एज कंसिडर की जाती है, न्यू क्लासिकल जिन्होंने क्लासिसिज्म को फॉलो किया, कब से कब तक? 1660 से 1785 तक, कुछ ऑथर उसको 1798 मानते हैं। फिर 1798 में रोमांटिक एज की स्टार्ट हो जाती है और वो चलती रहती है लगभग 1832 या 1837 तक। फिर क्वीन विक्टोरिया रानी बन जाती है और इस वो 1901 तक शासन करती है, तो इस पूरे पीरियड को बोला गया है विक्टोरियन एज। इसी के बीच में प्री रेफलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट आई थी, फिर एक मूवमेंट आई थी एस्थेटिसिस, डेकाडेंस बोला जाता है, फिर मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न पीरियड की दो कैटेगरीज है, एडवर्डियन पीरियड और जॉर्जियन पीरियड, फिर पोस्ट वार पीरियड या पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, और पोस्ट वार पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न पीरियड के बाद आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो प्रेजेंट तक चल रहा है। साथ साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं विलियम हेनरी हडसन ने इसके बारे में क्या अपने व्यू दिए है, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है उन्होंने, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या? लिटरेरी पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। जो हमने अभी पढ़े वो हिस्टोरिकल पीरियड थे, जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड और एंग्लो नॉर्मल पीरियड, इन दोनों को मिला दिया गया, और ये कब से कब तक कंसिडर किए जाते हैं? लगभग 500 से 1340 तक। फिर एज ऑफ चौसर आती है, चौसर की पर्सनल जो लाइफ स्पैन है वो 1340 से 1400 में उनकी डेथ हो जाती है, और अदरवाइज चौसेरियन एज किसको कब तक माना जाता है? 1340 से 1400 के पीरियड को चौसेरियन एज बोला जाता है। फिर चौसर की एज से टोटल मिसलेनी जो सबसे एक मेजर वर्क पब्लिश हुआ था 1557 में, उस तक के पीरियड को चौसर से टोटल मिसलेनी का पीरियड बोला जाता है। एज ऑफ शेक्सपियर आ जाती है, शेक्सपियर की पर्सनल जो लाइफ स्पैन है वो 1564 से 1616 तक है, लेकिन शेक्सपियर एज कब से कब तक मानी गई है? हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था 1557 नहीं 1558 से 1625 तक। 58 में क्वीन एलिजाबेथ वहां की रानी बनी, यहाँ पर 57 लिखा हुआ है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट ईयर है टोटल की मिसलेनी पब्लिश हुई थी। तो इस एज में कौन कौन सी एज आती है? एलिजाबेथन एज आती है, जैकोबियन एज आती है, और इसको पूरे को कंबाइन को मिला दिया जाए तो बोला जाता है रेनेसा। फिर यहीं पे आती है एज ऑफ मिल्टन। लिटरेरी एज क्या है? एज ऑफ मिल्टन, जिसका टाइम पीरियड अभी डिस्कस किया था 1625 से 1660 तक, और इसमें जो पॉलिटिकल पीरियड आया, हिस्टोरिकल पीरियड आया, वो था एज ऑफ कैरोलाइन 1625 से 1649 तक, इसी में कॉमनवेल्थ पीरियड भी आया था। इसके बाद नियो क्लासिकल एज स्टार्ट हो जाती है, और उसमें फर्स्ट कैटेगरी थी एज ऑफ रेस्टोरेशन, जिसको एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जानते हैं, 1700 में उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए रेस्टोरेशन एज कब फिनिश हो जाती है? 1660 से 1700 तक। इसके बाद एज ऑफ पोप आती है, हमने बात की थी अर्ली जॉर्जियन एज बोला गया है इसको, न्यू क्लासिकल की जो सेकंड एज है, अगस्टन राजा को फॉलो किया इसलिए इसको अगस्टन एज बोला जाता है, कब से कब तक? 1700 से 1745 तक। फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है, जिसमें डॉक्टर जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने इन्फ्लुएंस किया, कंट्रोल किया इस पूरी एज को,
और यहाँ पर इस बुक में क्लियर मेंशन है कि 1758 98 तक को माना जाता है क्या एज ऑफ जॉनसन, इस यहाँ 1660 से और 1798 तक के पीरियड को क्लासिकल एज बोला गया है। दोनों स्लाइड को एक साथ समझना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे आके वेरिएशन हो जाते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत कब होती है। एम एच अब्राम कह रहे हैं कि 1785 में हुई थी, लेकिन हडसन कह रहे हैं कि 1798 में हुई थी जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई। लेकिन 1785 से 1798 का जो समय है वो अर्ली रोमांटिक पोएट को डेडिकेट होता है, तो उसमें रोमांटिसिज्म धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रही थी, इसलिए कुछ बुक इसको 1785 में एंड मान लेते हैं और वहां से रोमांटिक एज की शुरुआत मान लिया जाता है। इसके बाद आती है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ 1798 में और 1832 में जो एक्ट पारित हुआ था तब तक इसमें कल्चरल चेंज आई, तब तक के पीरियड को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ माना जाता है, लेट जॉर्जियन पीरियड के नाम से जानते हैं, या एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है एज ऑफ रिवॉल्यूशन कब से कब तक है, वो 1798 से 1832 में। रिवॉल्यूशन क्यों हुआ कि पूरे क्लासिसिज्म को वो बाइकॉट कर दिया गया, उसको अपोज कर दिया गया और फ्रीडम और नेचुरलिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया गया लिटरेरी वर्क के अंदर। तो वर्ड्सवर्थ की जो लाइफ स्पैन है वो 1770 से 1850 तक है, और उसके बाद जो ये जाती है एज ऑफ टेनिसन, लिटरेरी एज की बात कर रहे हैं, वो 1800 से 1892 तक पोरियट लोरियट रहे थे 1892 तक, तो तब तक एज ऑफ टेनिसन बोला जाता है। अदरवाइज विक्टोरियन एज की जो पीरियड है यहाँ पर एक नया ही नंबर दे दिया गया है 1832 से 1887 तक। हालांकि 1901 तक वो महारानी बनी रही, तो विक्टोरियन एज कब से कब तक माना जाएगा, 1901 तक। लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं विलियम हेनरी हडसन के इस स्लाइड से, तो आई होप दिस पॉइंट विल हेल्प यू आउट एंड यू विल कैरी देम इन द एग्जाम हॉल एंड विल सोल्व योर क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली एंड एक्यूरेटली। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लाइक का बटन भी जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।